अपनी सेवाएं दे रहे हैं, संपूर्ण समर्पण भाव से और निस्वार्थ भाव से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे। अगले 2 वर्षों में करीब 11 लाख योग शिक्षक और इसमें आने वाले, और 2 वर्षों के बाद इस भारत स्वाभिमान के आंदोलन में 13,50,000 योग शिक्षक हो जाएंगे। जब 13,50,000 योग शिक्षक हमारे पास होंगे, तब हम भारत के गांव-गांव तक इस आंदोलन को पहुंचाएंगे। आपके मन में प्रश्न आएगा कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है। इस भारत स्वाभिमान के आंदोलन के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है भारत के हरेक नागरिक को स्वस्थ बनाना, निरोग बनाना, भारत के हरेक व्यक्ति की बीमारियों को योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से मिटाना, समाप्त करना। ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि हमारे भारत देश की जो व्यवस्थागत समस्याएं हैं उनका समाधान करना आप सबकी मदद से। हमारे भारत में आजादी के पिछले 64 वर्षों के बाद भी बहुत सारी व्यवस्थागत समस्याएं हैं। गरीबी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, फिर बेरोजगारी है, महंगाई है, फिर हमारे देश में भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, आतंकवाद है, नक्सलवाद है, हमारे भारत में बढ़ता हुआ अत्याचार अन्याय है। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थागत समस्याएं हैं जिनको हम हल करना चाहते हैं नागरिकों की मदद से। हमारे भारत में हर एक नागरिक को निरोगी और स्वस्थ बनाने के लिए हमारा जो अभियान है योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से, उस अभियान के तहत हर दिन हम 1,00,000 योग कक्षाएं लगाते हैं, और 1,00,000 योग कक्षाओं के माध्यम से हर दिन लाखों भारतवासियों को हम प्राणायाम सिखाते हैं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी आस्था चैनल के माध्यम से हर दिन सुबह 5 से 7:30 बजे तक और करोड़ों भारतवासियों को प्राणायाम सिखाते थे। आस्था चैनल भारत में तो आता ही है, दुनिया के करीब 156 देशों में उसका प्रसारण होता है। तो आस्था के माध्यम से और हमारे योग शिक्षकों की मदद से हर दिन हम करोड़ों भारतवासियों को प्राणायाम सिखाते हैं, योग सिखाते हैं, आयुर्वेद के बारे में बताते हैं। और यह कार्य हमने इसलिए शुरू किया है कि इस कार्य की भारत को बहुत जरूरत है, हमारे देश को इस समय बहुत अधिक जरूरत है योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की। क्यों? क्योंकि हमारे देश में इस समय बहुत अधिक लोग बीमार हैं। सारे भारत देश में बीमार लोगों की संख्या कितनी है ये भारत सरकार के आंकड़ों से आप समझ सकेंगे। अपने भारत में करीब 120 करोड़ की जनसंख्या है, और भारत सरकार के परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसमें 100 करोड़ लोग बीमार हैं। 120 करोड़ की संख्या है देश के लोग बिल्कुल, और 100 करोड़ बीमार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 80% भारत बीमार है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक परिवार में 5 व्यक्ति माने जाएं, तो हर एक परिवार में औसतन 4 लोग बीमार हैं। हमारे देश में लगभग 24 करोड़ परिवार हैं, हर परिवार में औसतन 4 लोग बीमार हैं। सबसे बड़ी जो बीमारी है हमारे देश में भारत सरकार के अनुसार वो है एनीमिया, खून की कमी। हमारे भारत देश में सबसे बड़ी बीमारी है एनीमिया। लगभग हमारे देश की 40 करोड़ माताएं, बहनें इस एनीमिया बीमारी की शिकार है।
और 30 करोड़ भाई हमारे देश में पुरुष इस बीमारी के शिकार है। 70 करोड़ लोग तो एनीमिया नाम की बीमारी से ही पीड़ित है। ये सबसे बड़ी बीमारी है संख्या के हिसाब से। इसके बाद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 5 करोड़ 70 लाख लोगों को भारत में डायबिटीज है, और ये इतनी खतरनाक तेजी से फैल रही है डायबिटीज कि हर 2 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो रही है इस देश में डायबिटीज से। हर 2 मिनट में एक व्यक्ति मर जाता है डायबिटीज के कारण, और हर 1 मिनट में कोई ना कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं डायबिटीज के कि व्यक्ति का जीवन हमेशा के लिए खराब हो जाता है। या तो किडनी फेल हो सकती है, या तो लीवर में कोई बड़ी समस्या आ सकती है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ये सारे डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस। आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज के बारे में सारी दुनिया के विशेषज्ञ कहते हैं कि ये बीमारी साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर माने चुपचाप आपको मार डाले, ऐसी खराब बीमारी है। अंदर से शरीर खोखला होता रहता है और पता भी नहीं चलता। हमारे भारत में इसी तरह से करीब 4 करोड़ 80 लाख लोग हैं जिनको हृदय के भिन्न भिन्न रोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ब्लॉकेज है आर्टरीज में, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट के वॉल्व में डायलेटेशन हो गया, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका वॉल्व सिकुड़ गया, श्रिंकेज आया, ESR का प्रॉब्लम है, इजेक्शन फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है, पंपिंग के प्रॉब्लम। भारत में 4 करोड़ 80 लाख लोगों को है हृदय के भिन्न भिन्न रोग। और इससे भी ज्यादा खराब है कि भारत में करीब 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर है, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर साल करीब 25 लाख लोग कैंसर से मरते हैं। और आप सभी जानते हैं कि कैंसर का इलाज नहीं। फिर 12 करोड़ भारतवासी ऐसे हैं जिनको आंखों के रोग हैं। बहुत सारे भारतवासी हैं जिनको आंखों में मोतियाबिंद है, कैटरेक्ट है, काला मोतिया ग्लूकोमा है, रेटिनल डिटैचमेंट है, मायोपिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, डे ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, और करोड़ों भारतवासियों की आंखों पे चश्मे लगे हैं। किसी को दूर दृष्टि की समस्या, किसी को निकट दृष्टि की समस्या। ये 12 करोड़ लोगों को है हमारे देश में। करीब 14 करोड़ भारतवासी ऐसे हैं जिनको लंग्स की बहुत सारी बीमारियां, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है। इसी तरह से 17 करोड़ भारतवासी हैं जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, हम जिसको आर्थराइटिस कह सकते हैं, गठिया संधिवात। ये 17 करोड़ लोगों को है। 20 करोड़ भारतवासी ऐसे हैं जिनको या तो हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन, या तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया या तो बहुत कम हो गया। और 27 करोड़ भारतवासियों के बारे में सरकार कहती है कि वो हर समय कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रसित हैं। मतलब 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हर समय कुछ ना कुछ बीमारी है, या तो उनको डेंगू है, या तो चिकनगुनिया है, या तो वायरल फीवर है, या तो उनको डायरिया डिसेंट्री है, या तो सर्दी खांसी जुकाम बुखार है, और या तो कुछ गंभीर बीमारियां हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो सामान्य बीमारियों से लेकर गंभीर बीमारियों में हर समय फंसे रहे ऐसे 27 करोड़ लोग। और सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि 40 करोड़ माताएं खून की कमी का शिकार हैं, 30 करोड़ भाई, उनको भी खून की कमी। अब दुखद स्थिति ये है कि जब 40 करोड़ माताएं इस देश में खून की कमी का शिकार है, तो उनसे पैदा होने वाली जो संतान है वो बहुत बुरी हालत में है। हमारी भारत सरकार कहती है कि हर साल इस देश में जन्म लेने के बाद थोड़ी ही देर में 56 लाख बच्चे मर जाते हैं, और उनके मरने का सबसे बड़ा कारण है
उन बच्चों की माताओं के शरीर में दूध बराबर नहीं मिल उतरता या दूध नहीं बनता, और उन बच्चों को जन्म लेते ही भरपूर पीने को दूध नहीं मिलता। आप सभी जानते हैं कि जिन माताओं के शरीर में खून की कमी होगी, रक्त की कमी होगी, उनको दूध भी कम होने वाला है। और बच्चे की जन्म लेते ही 3 महीने तक एक ही खुराक है और वो है दूध। अब जिन माताओं को दूध ही नहीं है शरीर में, उनके बच्चे भूख से मरते हैं, और ऐसे बच्चे हर साल 56 लाख होते हैं। और इससे भी ज्यादा दर्दनाक स्थिति है भारत में, हर साल 80 से 90 लाख बच्चे हैं जो मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं हर साल। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में कई तरह की कमियां हैं। लाखों बच्चे हैं जिनको कैल्शियम की कमी है, लाखों बच्चे हैं जिनको शरीर में आयरन की कमी है, लाखों बच्चे हैं जिनको शरीर में फॉस्फोरस नहीं, लाखों बच्चे हैं जिनको पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज की कमी। ये सब सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के चलते बच्चे या तो शारीरिक विकलांग हैं या मानसिक विकलांग। हमारे भारत में लाखों बच्चे हैं जिनको प्रोटीन बहुत कम है, जिनको कार्बोहाइड्रेट्स पूरे नहीं मिल पाते, जिनके शरीर में विटामिन की कमी है, शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले रासायनिक तत्व नहीं है। और ये कारण है हमारी माताओं में खून की कमी होने का। अपने भारत में बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है कि 1 साल में 2,38,00,000 बच्चों का जन्म होता है, इसमें से 56 लाख बच्चे जन्म लेने के कुछ महीनों में और कुछ एक आध साल में मर जाते हैं। 80 से 90 लाख बच्चे मानसिक शारीरिक विकलांगता के शिकार हो जाते हैं, माने हर साल जन्म लेने वाले आधे से ज्यादा बच्चे या तो मरते हैं या देश के ऊपर बोझा बन जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो बच्चे मानसिक और शारीरिक विकलांग होंगे उनको देश के लिए कोई संपत्ति बना पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो खुद पर बोझा है और देश पर बोझा है। ऐसा हाल हमारे देश का है, बड़ा बुरा हाल है, और ये हाल आजादी के पिछले 64 सालों के बाद है। माने पिछले 64 वर्षों में हमारे देश की सरकारों ने भारत के लोगों की चिकित्सा के लिए 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया है, फिर भी इतना बुरा हाल। हर साल हमारे देश की सरकार चिकित्सा के लिए 23,700 करोड़ रुपए खर्च करती है केंद्र सरकार, तब भी इतना बुरा हाल पूरे देश का। और केंद्र सरकार जो खर्च करती है उसके अलावा राज्य सरकारें अलग से खर्च करती हैं चिकित्सा के लिए, तो भी ये बुरा हाल है। और आप जानते हैं राज्य सरकारों के अलावा नगर पालिकाओं के द्वारा भी चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए खर्च होता है, तो भी ये बुरा हाल पूरे देश का है। इसका कारण क्या है? खर्चा तो बहुत हो रहा है चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए, बजट बन रहे हैं, फिर भी लोगों की बीमारियां कम नहीं हो पा रही हैं। बल्कि ये देखा गया पिछले 64 वर्षों में कि जैसे जैसे हमारा विकास हुआ है वैसे वैसे हमारी बीमारियां बढ़ी, जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं वैसे वैसे हमारे देश के लोगों की बीमारियां बढ़ी हैं। मैं एक पुरानी याद आपको दिलाऊं, भारत जब आजाद हुआ और आजादी के बाद पहली बार हमारे देश की सरकार ने देश का जनसंख्या का सर्वेक्षण कराया 1951 में। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने भारत की आजादी के बाद पहला जनसंख्या का गणना करी, और उस जनसंख्या की गणना में जो बात समझ में आई वो ये कि 33 करोड़ की भारत की आबादी थी उस समय, और लगभग 5 करोड़ लोग बीमार थे उस समय देश में, सभी बीमारियों के शिकार थे 5 करोड़ लोग। उसमें डायबिटीज भी थी, हाई ब्लड प्रेशर भी था, लो ब्लड प्रेशर भी था, गठिया, संधिवात, दमा, अस्थमा, सब तरह की बीमारियां कुल मिलाकर। तो हमारी सरकार की तरफ से एक पंचवार्षिक योजना बनाई गई थी पहली बार 1952 में, और उसका लक्ष्य यही था कि भारत की गरीबी को मिटाना है और भारत की बीमारियों को कम करना।
तब से लेकर हमारे देश में 12 पंचवार्षिक योजनाएं लागू हो चुकी और बीमारों की संख्या कम होने की बजाय ज्यादा हो गई। आप सीधे सीधे सोचें, 1952 में 51-52 में हम 5 करोड़ लोग बीमार थे, अब 2010 में हम 100 करोड़ लोग बीमार हैं। मानी बीमारों की संख्या 20 गुनी बढ़ गई है। आपके मन में ये बात आएगी कि ये बीमारों की संख्या इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, लेकिन जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ी है। हम 1951-52 में 33 करोड़ थे, अब हम 120 करोड़ हैं, तो जनसंख्या लगभग 3.5 गुनी बढ़ी है, लेकिन बीमारों की संख्या 20 गुनी बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ने से ज्यादा बीमारियां बढ़ गई हैं इस देश में। आपके मन में फिर ये प्रश्न आ सकता है कि ये बीमारों की संख्या बढ़ने का कारण क्या है। एक तरफ सरकार बहुत सारी सुविधाएं बढ़ा रही है, चिकित्सा का तंत्र बहुत बड़ा हो गया। मैं आपको कुछ पुराने आंकड़ों के हिसाब से करूं तो आपको अंदाजा तुरंत लगेगा। जैसे हम 1951 में इस देश में दवाएं बहुत कम बनाते थे, माने भारत में दवाएं बहुत कम बनती थी। दवा बनाने वाली मुश्किल से 10-12 कंपनियां होती थी। आज भारत में दवा बनाने वाली कंपनियों की संख्या 24,000 है और बड़ी कंपनियां हैं काफी, फाइजर है, जॉनसन एंड जॉनसन है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, रैकेट एंड कोलमैन है, सीबा गाइगी है, सेंडोज है, हेक्स है, पार्क डेविस है, जर्मन रेमेडीज है, एली लिली है, ग्रैनवैक्सी है, कैडिला है, सिकला है, टॉरेंट है, ऐसी 24,000 कंपनियां हैं इस देश में। पहले जब आजादी मिली तो 10-12 कंपनियां थी, अब हमारे यहाँ 24,000 कंपनियां हैं। तो दवा बनाने के क्षेत्र में तो हमने बहुत तरक्की की है और दवाएं भी बहुत बन रही हैं। मैं आपको अगर 1951 की बात करूं तो 1951 में हमारे देश में 70 दवाएं बनती थी बस, 70, जैसे एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोबालजिन, पैरासिटामोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, बेरानिगन, बूटाजोन, ऐसी कुछ 70 दवाएं बनती थी 1951 में। आज हमारे देश में 84,000 दवाएं बन रही हैं। दवाओं की संख्या बढ़ गई है, दवा बनाने वाली कंपनियों की भी संख्या बढ़ गई है। पहले 10-12 कंपनियां थी, अब 24,000 कंपनियां हैं। पहले 70 दवाएं बनती थी, अब 84,000 दवाएं बन रही। तो दवाओं की कोई कमी नहीं है इस देश में, फिर बीमार लोग क्यों हो गए इतने ज्यादा? ये गंभीर प्रश्न है। और एक बात कहूं आपसे, जब 1951 में हमारी जनगणना शुरू हुई थी तब पता चला था कि भारत में हॉस्पिटल्स बहुत कम थे उस समय। गिने चुने उंगलियों पर 15-20 हॉस्पिटल हुआ करते थे पूरे देश में। आज भारत में 36,000 हॉस्पिटल्स, सरकारी और गैर सरकारी, प्राइवेट और सरकार दोनों मिलाकर 36,000 तो हॉस्पिटल्स हैं और 2,00,000 हमारे देश में प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो गांव-गांव में होते हैं, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र जो गांव-गांव होते हैं। तो 2,00,000 हमारे प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, 36,000 हमारे हॉस्पिटल्स हैं और 18,00,000 हमारे देश में डॉक्टर्स हैं जो सेवाएं दे रहे हैं, और वो सब डॉक्टर MBBS, MBMS इस स्तर के हैं। कोई सामान्य डॉक्टर नहीं जो हमारे यहाँ माने जाते हैं खाली RMP, ऐसे नहीं, MBBS, MBMS इस स्तर के 18,00,000 डॉक्टर्स हैं पूरे देश। तो डॉक्टर्स भी भरपूर हो गए हैं आजादी के बाद, दवाएं भी भरपूर बन रही हैं, दवाओं की संख्या भी बढ़ गई है, हॉस्पिटल्स में सुविधाएं भी बहुत हो गई हैं। 1951 में तो हम कभी सपना भी नहीं देख सकते थे कि कोई अल्ट्रासाउंड हो सकता है। आज अल्ट्रासाउंड होता है, MRI होता है, आज हम अच्छे से अच्छे डायग्नोस्टिक टेस्ट करा सकते हैं, सारी सुविधाएं हमारे पास है, एंडोस्कोपी हो जाती है जो 1951 में होती ही नहीं थी, कोई जानता भी नहीं था।
तो डायग्नोस्टिक टेस्ट की सुविधाएं भरपूर हैं, डॉक्टर्स बहुत हैं, दवाएं बहुत हैं, हॉस्पिटल्स बहुत हैं, कम्युनिटी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, फिर इतनी बीमारियां क्यों हैं और इतने सारे बीमार लोग क्यों हैं, ये गंभीर प्रश्न है। होना तो ये चाहिए था कि बीमार लोग लगातार कम होते हमारे देश में, लेकिन ये बढ़ गए हैं। इसका कारण क्या? इस पर हम लोग काफी गंभीरता से शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और इसमें से दो बातें पता चल रही है। पहली बात तो ये कि पिछले 64 सालों में हमारी गरीबी बहुत बढ़ी है और उसके कारण हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियां बढ़ी। 64 साल आजादी के बाद गरीबी कम नहीं हुई है, बढ़ी है, और गरीबी लगभग 16 से 17 गुनी बढ़ी है पिछले 64 वर्षों। तो गरीबी ज्यादा बढ़ने से बहुत सारी बीमारियां बढ़ी हैं। जैसे मैंने कहा, जो एनीमिया है हमारे देश में, 70 करोड़ भारतवासियों को खून की कमी है, ये सीधा सीधा गरीबी से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि लोगों को भरपेट खाना खाने को नहीं मिल पाता है तो शरीर में खून कहां से बनेगा। हमारी सरकार कहती है कि 84 करोड़ भारतवासियों को एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए नहीं है। अब जब हमारे पास एक दिन में खर्च करने को 20 रुपए नहीं है, ऐसे 84 करोड़ हैं लोग भारत में, तो फिर हम उनके बारे में ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 2 समय तो खाना नहीं खा पाते हैं, क्योंकि 20 रुपए में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता और ना ही बना हुआ भोजन मिल सकता है। तो 84 करोड़ लोगों को तो खाने को भरपेट नहीं है, तो उनके शरीर में खून की कमी होना स्वाभाविक बात है। तो गरीबी के कारण काफी बीमारियां बढ़ी हैं, और कई बीमारियां हैं जैसे दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, आप सभी जानते हैं, ये गरीबों को ज्यादा होती है क्योंकि शरीर का रेजिस्टेंस कम होता है, प्रतिरोधक शक्ति कम होती है। तो एक तो बड़ा कारण है हमारी गरीबी, इस कारण बीमारियां बहुत हैं, और एक और बड़ा कारण जो हमारे समझ में आया पिछले कई वर्ष इस विषय पर शोध करने के बाद, कि हमारे भारत में पिछले आजादी के 64 वर्षों में जो दवाएं ज्यादा हम खरीद कर खा रहे हैं, वो दवाएं बहुत बेकार हैं और रद्दी। हमारे भारत में ऐसी दवाओं का उत्पादन ज्यादा हो रहा है जो नॉन एसेंशियल मानी जाती है, बेकार की दवा, इररेलीवेंट है, जिनकी शरीर को जरूरत नहीं होती, ऐसी दवाएं हम ज्यादा खा रहे हैं, और दुर्भाग्य से ऐसी दवाएं ज्यादा बन रही हैं। अगर आप मुझसे ये प्रश्न पूछेंगे कि जरूरी दवाएं कितनी बन रही हैं और गैर जरूरी दवाएं कितनी बन रही हैं, तो भारत की सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत में 350 दवाएं ऐसी हैं जो जरूरी हैं वो बन रही हैं, और 83,650 दवाएं हैं जो फालतू और बेकार की हैं और वो बन रही हैं, और हमें ज्यादातर ऐसी दवाएं खिलाई जा रही जो बेकार हैं, एकदम किसी काम की नहीं। आप ऐसी दवाएं बहुत ज्यादा खा रहे हैं, और उन दवाओं के कारण जो तकलीफें हो रही हैं शरीर को, जिसको हम साइड इफेक्ट्स कहते हैं, उससे आप जो और ज्यादा बीमार हो गए। दुर्भाग्य से सारे भारत के बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास हम लोग घूमते रहते हैं, और वो जो दवाएं लिखते हैं, उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप होती है, उसको हम लोग बहुत अध्ययन करते कि क्या मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, बीमारी क्या है और मेडिसिन क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स। तो आपको बड़ा दुख होगा जानकर कि भारत के 99% डॉक्टर्स ऐसी ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जो आपके काम की ही नहीं है। काम की नहीं है वो तो एक बात है, कई मेडिसिन तो ऐसी प्रिस्क्राइब की जा रही है जो जहर है, देना ही नहीं चाहिए आपको, ऐसी दवाएं भी डॉक्टर्स दे रहे हैं आपको। मैं कुछ दवाओं के नाम बताऊं आपको। हमारे छोटे छोटे बच्चों को अक्सर बुखार आता है, तो सारे देश में मैंने देखा है डॉक्टर्स एक मेडिसिन जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं जिसका नाम है निमोसुलाइड। अब ये जो निमोसुलाइड है, इसके और भी कई ब्रांड नेम है, निमोलाइड है, निमोसुलाइड है, उस ग्रुप की मैक्सिमम मेडिसिन हमारे बच्चों को दी जाती है।
और जब हमने रिसर्च किया तो पता चला कि ये लिमोसुलाइड मेडिसिन दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में 20 साल पहले बैन हो चुकी है। अमेरिका में ये मेडिसिन बैन है, कनाडा में बंद है, जर्मनी में बैन है, फ्रांस में बैन है, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे में ये दवा बंद है, ब्रिटेन में ये दवा बंद है। दुनिया के सबसे अमीर जो और विकसित देश माने जाते हैं वहां तो सब जगह बंद है ही, और दुनिया में जो कम अमीर और कम विकसित माने जाते हैं वहां भी बंद है। कारण बहुत साइड इफेक्ट्स हैं इस दवा के। हजारों बच्चे दुनिया में इस निमोसुलाइड दवा को खाने के बाद अंधे हो गए, हजारों बच्चों को इस दवा के बाद अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, मर गए। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा जो चिकित्सा का संगठन माना जाता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने 20 साल पहले ही इस दवा को क्रॉस कर दिया कि ये दवा सब देशों में बंद होनी चाहिए। अब WHO ने 20 साल पहले भारत सरकार को कह दिया कि आप ये दवा बंद कर दो क्योंकि इसके दुष्परिणाम है, और WHO ने इस पे स्टडी किया निमोसुलाइड पर, वो स्टडी मैंने पढ़ा देखा, तो इसके 100 दुष्परिणाम हैं। एक मेडिसिन निमोसुलाइड 100 से ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं इसके बच्चों को, लेकिन भारत के बच्चों को धड़ल्ले से ये दवा खिलाई जा रही, अभी भी खिलाई जा रही, और हर बड़ा डॉक्टर इसका प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है निमोसुलाइड। ऐसी और एक उदाहरण देता हूं, आपको कई बार बुखार आता है तो आपको अक्सर एक दवा खिलाई जाती है वोवेरॉन। ये जो वोवेरॉन है ये दुनिया के 120 देशों में बंद है पिछले 25-30 साल से, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, ऐसे सब देशों में कोई नहीं देता अपने देश के नागरिकों को ये, लेकिन भारत के डॉक्टर्स जब भी बुखार आएगा आपको और दर्द हो शरीर में तो वोवेरॉन को जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं। हर बड़े डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप में मैंने देखा वोवेरॉन, इंजेक्शन भी ठोकते हैं वोवेरॉन के। आपको मालूम है क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वोवेरॉन पर जो स्टडी की उनका ये कहना है कि ये मेडिसिन किडनी फेल कराती है, माने किडनी फेल हो जाती है। दुनिया भर में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनको वोवेरॉन के 3 इंजेक्शन दिए गए और उनकी किडनी हमेशा के लिए खराब हो। भारत में ऐसे लाखों लोग, वोवेरॉन कोई नहीं देता दुनिया, लेकिन हमें खिलाई जा रही है, हम खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है ये बात। पढ़े लिखे लोगों को अगर आप पूछोगे उनको नहीं मालूम कि वोवेरॉन एक ऐसी खतरनाक दवा है जो दुनिया में बंद है। निमोसुलाइड इतनी खराब दवा है जो दुनिया में बंद है। और एक दवा का नाम बताऊं, हमको कई बार डायरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, तो एक मेडिसिन खिलाई जाती है क्विनोक्विनोन। ये दुनिया में कहीं नहीं दी जाती, 150 से ज्यादा देशों में ये बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि इसका भयंकर दुष्परिणाम है कि जब आप डायरिया और डिसेंट्री की स्थिति में ये दवा खाएंगे तो आपको आंतों में घाव हो जाएगा, इंटेस्टाइन में घाव, अल्सर जिसको हम कहते हैं, और वो जल्दी आपने घाव नहीं भर पाया तो वो कैंसर में भी बदल सकता है। इसलिए दुनिया भर के डॉक्टर सब क्विनोक्विनोन का प्रिस्क्रिप्शन बंद कर चुके हैं। ऐसे ही 2 मेडिसिन है, मैक्साफॉर्म और एंट्रोबायोफॉर्म, ये दुनिया भर में बंद हो चुकी हैं 25-30 साल पहले, कई देशों में तो 40 साल पहले बंद है, लेकिन भारत में तो धड़ल्ले से दिख रहे हैं। और दुर्भाग्य से ऐसी भारत में 83,650 दवाएं बिक रही। मैंने तो 2-3 के ही नाम लिए क्योंकि समय की बहुत कमी है, ज्यादा देर में इसमें बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा घोटाला हमारे देश में चिकित्सा के क्षेत्र में चल रहा है कि जो जहरीली दवाएं हैं, बेकार की दवाएं हैं, जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, वो हमें खिलाई जा रही। आप बोलेंगे इसका कारण क्या है? इसका कारण है भ्रष्टाचार, करप्शन, रिश्वतखोरी। जैसे हमारे देश के पॉलिटिक्स में भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, करप्शन है, वैसे ही ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत रिश्वतखोरी। ये भ्रष्टाचार कैसा है?
बहुत सारी दवा कंपनियां भारत में ऐसी हैं जो दूसरे देशों से आई हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, विदेशी कंपनियां, और वो ऐसी दवाएं बना रही हैं जिनको वो अपने देशों में नहीं बनाते। मैं आपको नाम लेके बताऊं, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ये अमेरिका से आई है और ये भारत में एक ऐसी दवा बनाती है जिसको अमेरिका में वो कभी भी नहीं बना सकते, क्योंकि अमेरिका में वो मेडिसिन कई साल पहले बंद हो चुकी है। उस मेडिसिन का नाम है विक्स। ये जो विक्स हमारे देश में बिक रही है, ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल की ऐसी दवा है जो अमेरिका में कई साल पहले बंद हो चुकी है, और अमेरिका के अलावा कनाडा में बंद है, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, सभी यूरोप के देशों में बंद है। विक्स वहां नहीं बनती और ना ही बेची जाती है। और कई देशों में तो ऐसे कानून है कि अगर किसी डॉक्टर ने गलती से किसी पेशेंट को विक्स का प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया तो उस डॉक्टर को 14 साल की जेल हो जाती और डिग्री छीन ली जाती है। क्यों? क्योंकि विक्स बहुत खराब दवा मानी जाती है। अब प्रॉक्टर एंड गैम्बल इस दवा को अमेरिका में नहीं बनाती, कनाडा में नहीं बनाती, अमीर देशों में ये दवा नहीं बनती, और उसी दवा को वो भारत में सबसे ज्यादा बनाकर बेचते हैं। आपको ये बात मालूम है, विक्स भारत की हाईएस्ट सेलिंग मेडिसिन है, सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा है ये भारत। आप बिलासपुर की किसी केमिस्ट की दुकान पर सवेरे से शाम तक बस खड़े हो जाइए ये देखने के लिए कि कौन सी एक मेडिसिन दिन भर में सबसे ज्यादा बिक रही है, तो वो यही मेडिसिन है विक्स। जो कहीं नहीं बिक रही है वो भारत में सबसे ज्यादा, और लोग खरीद रहे हैं, और उसका विज्ञापन धड़ल्ले से टेलीविजन पे सैकड़ों बार रोज आता है। आपको और एक बात बताऊं, विक्स का विज्ञापन करना कानूनन जुर्म है, ये कानून से अपराध है, लेकिन हर दिन हर टीवी चैनल सैकड़ों बार इसका विज्ञापन करता है। विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, विक्स लगाओ तो नाक ठीक करो, अपनी नाक बंद हो गई तो विक्स लगाओ, वीसियों तरीके से आपको ये विज्ञापन आता है। तो कानून तोड़कर विज्ञापन आता है, और दुनिया भर के देशों में जो दवा नहीं बिकती वो सबसे ज्यादा यहाँ बिक रही है, और हम खरीद रहे हैं, उसको लगा रहे हैं। और ये दवा की कीमत क्या है? ये दवा आती है 25 ग्राम 40 रुपए की, 25 ग्राम विक्स 40 रुपए, 50 ग्राम 80 रुपए की, 100 ग्राम लगभग 160 रुपए की, 1 किलो है 1600 रुपए। अब हम 1600 रुपए किलो की विक्स लगा रहे हैं और 400 रुपए किलो बादाम नहीं खा रहे। ये स्थिति है देश में। 200 रुपए किलो काजू नहीं खाते और 1600 रुपए किलो की विक्स लगाते। 200-250 रुपए किलो देशी गाय का घी नहीं खा पाते, 1600 रुपए किलो की विक्स लगा। कौन सी ऐसी चीज है आपके घर में जो 1600 रुपए किलो की आप लाते? कौन सी ऐसी चीज है, आप जरा सोचो। विक्स आ रहा है आपके, और ये बनता किससे है विक्स? ये बनता है पेट्रोलियम जेली से, और पेट्रोलियम जेली 60-70 रुपए किलो में आराम से मिल जाती है। तो जो वस्तु 60-70 रुपए किलो में आपको मिल जाती है, वो वस्तु दवा के नाम पर आपको 1600 रुपए किलो में बेची जा रही है। और ये जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी का मैंने प्रॉफिट मार्जिन निकाला, तो उनकी बैलेंस शीट के हिसाब से विक्स की बिक्री में उनको 20,000% का मुनाफा है, 20,000% का प्रॉफिट है। और एक ऐसी दवा बेचकर जिसको वो अपने देश में कभी नहीं बेच सकते, क्योंकि बंद है वो। अब ये कैसे होता है भारत में? ये सारा खेल चलता है करप्शन से। जो दवाएं अमेरिका यूरोप में बंद हो गई हैं, उनको बेचने के लिए कंपनियां आ जाती है, लाइसेंस उनको लेना है, लाइसेंस इस देश में पैसे की ताकत पे मिलता है। आपको जहर बनाने का लाइसेंस चाहिए तो आराम से मिल जाए, कोई तकलीफ नहीं आएगी।
और अगर छोटी मोटी कोई तकलीफ आई तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तो बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे सकता, आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मिल जाए जेल बनाने का लाइसेंस मिलता है। मैं ये ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूं। एक अमेरिकन कंपनी हमारे यहाँ आई थी, यूनियन कार्बाइड, उसको एक ऐसा जहर बनाना था जो दुनिया में कहीं नहीं बनता, उसको वो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के लिए इस्तेमाल करना, उसका नाम उन्होंने रखा था 777777, ब्रांड नेम था, वो एक कीड़े मारने की दवा थी। वो अमेरिका में बन, यूरोप में बन, कहीं बनती नहीं, बिकती नहीं, उसको बनाने का लाइसेंस उनको भारत में मिल गया। और भारत के वैज्ञानिकों ने जब मना किया कि इसको ये लाइसेंस ना दिया जाए यूनियन कार्बाइड को, तो भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने वो लाइसेंस दिलवाया, पीएमओ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वो लाइसेंस उनको मिल गया। अब जब पीएमओ कह देगा तो नीचे के तो सारे लोग ऊपर से दंडवत करने लगेंगे, पीएमओ से ऊंचा कौन है इस देश। तो प्राइम मिनिस्टर कार्यालय ने कहा कि नहीं, लाइसेंस तो देना है इनको, किसी भी कीमत पे देना है, भले ये जहर बनाए बेचें तो भी देना। ले लिया उन्होंने लाइसेंस, और क्या किया होगा उसके लिए वो आप अच्छे से जानते हैं। हमारे देश में लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या करना, वो लाइसेंस मिला उनको और उस लाइसेंस के आधार पर उन्होंने वो जहर बनाने का कारखाना भोपाल में लगाया और भरी बस्ती में लगाया, लोगों के बीच में जहां लोग रहते हैं। हमारे यहां सामान्य रूप से यह कानून है कि ऐसे लाइसेंस के आधार पर लगने वाले कारखाने शहर के बाहर लगाए जाते हैं, लेकिन भोपाल की घनी बस्ती में वो कारखाना लगा और फिर 1984 में वहां वो सब हुआ, जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का टैंकर फटा, गैस निकली और उससे 17,000 लोग एक ही रात में तड़प तड़प के मर गए, 1,00,000 से ज्यादा लोग जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गए। दुनिया की वो सबसे बड़ी दुर्घटना भारत में हुई, तब जांच शुरू हुई कि भाई लाइसेंस किसने दिया, कैसे आई ये सारी कंपनी, तो भेद खुला कि वो पीएमओ से लाइसेंस मिलने का ऑर्डर था उनको, और सीएसआईआर के वैज्ञानिकों ने मना किया था कि इसको लाइसेंस ना दिया जाए, लेकिन फिर भी वो दिया और दुर्घटना हुई, वो सारे देश ने देखा, आपने भी देखा। और उस दुर्घटना के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी था वॉरेन एंडरसन, उसको भारत सरकार के चार्टर्ड प्लेन में बिठाकर इस देश से भगा दिया गया, वॉरेन एंडरसन। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। जिस वॉरेन एंडरसन पर क्रिमिनल केस चलाया जाना चाहिए था, उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने एक चार्टर्ड प्लेन देके सुरक्षित भगा दिया, और एक बार वो भागा तो आज तक पकड़ा नहीं गया, उसको पकड़ के लाना भारत में ये संभव ही नहीं हुआ। अंत में क्या हुआ, लीपापोती की गई इस पूरे मामले में, तो मुख्य अभियुक्त वॉरेन एंडरसन, उसको तो कुछ हुआ नहीं, उसके नीचे काम करने वाले कुछ भारतीय कर्मचारी और अधिकारी थे, ऐसे 8 लोगों को सजा सुनाई गई और वो भी 2 साल की। मरे 17,000 लोग एक ही रात में, विकलांग हुए 1,00,000 लोग, और सजा हुई सिर्फ 2 साल की, और सजा भी ऐसी मजाक कि एक कोर्ट ने भोपाल के उनको सजा सुनाई कि वो 2 साल जेल में रहेंगे, 25 साल तक तो मुकदमा चलता रहा, फिर 2 साल की सजा हुई, और थोड़ी देर बाद दूसरी ही कोर्ट ने उनको जमानत पे छोड़ दिया। ये क्रूर मजाक हमने अपनी आंखों के सामने देखा। तो भारत में भ्रष्टाचार की ताकत पर, रिश्वतखोरी की दम पर जहर बनाने का लाइसेंस मिल जाता है, जहर बेचने का लाइसेंस मिल जाता है, और कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो उस दुर्घटना पे लीपापोती कराने का काम हो जाता है। ए भैया ये पानी की बोतल है, ओ भैया ये जिनको पानी पीना है वो बाहर जाए। भ्रष्टाचार के आधार पे जहर भी बेच सकते हैं आप, और बिक रहे हैं जहर। ये तो मैंने यूनियन कार्बाइड का ऐसे ही एक मुद्दा आपको बता दिया। ऐसे भारत में 750 से ज्यादा फॉरेन कॉरपोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल्स हैं,
जो यूनियन कार्बाइड से ज्यादा खतरनाक जहर बेच रहे, उससे भी ज्यादा खतरे, और उनके प्रोडक्शन यूनिट्स लगे हुए हैं इस देश में। पता नहीं कब भोपाल जैसी दूसरी बड़ी दुर्घटना हो सकती है इस देश में। आपको कभी मौका मिले आप गुजरात जाइए, अहमदाबाद से रेल में बैठिए और मुंबई तक का सफर करिए, रास्ते भर आपको नाक बंद करनी पड़ेगी रूमाल से, इतनी बदबू आती है पूरे रेलवे ट्रैक के ऊपर। क्यों? ऐसे खतरनाक जहर बनाने के कारखाने वहां लगे हुए हैं जो दुनिया में कोई नहीं बनाता। एक बहुत खतरनाक जहर है, उसका नाम है एंडोसल्फान। ये दुनिया के 150 देशों में बैन है, लेकिन सबसे बड़ा प्रोडक्शन यूनिट इसका वहीं लगा है, गुजरात। ऐसे बहुत सारे जहर, 750 विदेशी बड़े बड़े कंपनीज ये जहर बनाते हैं। पता नहीं कैसे लाइसेंस मिल जाता है, कैसे कारखाने लग जाते हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई इस देश में यूनियन कार्बाइड की, हमने देखी है, भुगती है, तो भी सरकारों पे कोई फर्क नहीं है, नेताओं पे, अधिकारियों पे कोई फर्क नहीं है। फिर दूसरी कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, फिर वही होगा इस देश में। तो ये देश तो पूरा डूब गया है करप्शन में, भ्रष्टाचार में, रिश्वतखोरी में। न कोई नीति है, न कोई कानून है, न कोई नियम है, और अगर नीति नियम कानून है तो वो हर दिन तोड़े जाते हैं बड़ी कंपनियों के पैसे की ताकत। तो जब वो एंडोसल्फान जैसा जहर बना सकते हैं, 777 जैसा जहर बना सकते हैं, तो विक्स जैसा जहर भी बना रहे, आयोडेक्स जैसा भी जहर बना। आयोडेक्स एक मेडिसिन है, आप जानते हैं, इसको दुनिया में किसी देश में बनाने की परमिशन नहीं है। आयोडेक्स टोटल बैन है, 150 से ज्यादा देशों में बैन है आयोडेक्स, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाओं में ये शामिल है। रोज इसका एक विज्ञापन आता है, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, हर बच्चे को याद है। जरा सी चोट होती है, मोच लगती है, हम तुरंत आयोडेक्स ले आते हैं। कभी हम सोचते नहीं, बात नहीं करते आपस में कि ये सुरक्षित दवा है क्या, काम की दवा है क्या। ऐसा बहुत बड़ा अंधकार है इस देश में। उस चक्कर में हजारों दवाएं फालतू बन रही हैं, बेकार की, जहरीली, हम उन्हें खा रहे हैं और उसके कारण हम और ज्यादा बीमार होते जा रहे हैं। तो बीमारियों की दो बड़ी वजह हैं इस देश में। एक तो गरीबी, जिनको खाने को ही नहीं मिलता इस देश में, उनके शरीर में ताकत नहीं, शक्ति नहीं, खून नहीं, एनीमिया के शिकार। और दूसरा, जो लोग पैसे खर्च करके दवाएं खा रहे हैं, उनको दवाएं ऐसी खिलाई जा रही हैं जो बहुत ही जहरीली और खतरनाक। आपके मन में और एक प्रश्न आ सकता है कि सरकारों के नेता और अधिकारी तो रिश्वत खा के, घूस लेके ये दवाओं को लाइसेंस दे देते हैं, फिर हमारे डॉक्टर्स इन दवाओं को क्यों लिखते हैं? सरकार ने तो ठीक है अपना बेच दिया, इज्जत बेच दी, सम्मान बेच दिया, रिश्वत खा के लाइसेंस दे दिया। फिर डॉक्टर के पास आता है मरीज तो, और डॉक्टर लिखता है प्रेस्क्रिप्शन में वो दवा, बनाए कोई भी, लेकिन बिकवाता है उस दवा को डॉक्टर, बनाए कोई भी कंपनी उस दवा को। प्रेस्क्रिप्शन तो डॉक्टर लिखेगा ना, तभी तो मरीज खरीदेगा, बिना प्रेस्क्रिप्शन तो ये दवाएं बिकती नहीं। तो डॉक्टर क्यों लिखते हैं प्रेस्क्रिप्शन दवाओं का? हमने इसमें जब रिसर्च किया तो पता चला कि डॉक्टर भी इस करप्शन में आकंठ डूबे। ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं और बड़ी कंपनियां हैं दवा बेचने वाली, ये डॉक्टर्स को भी रिश्वत देती हैं, घूस देती हैं। मुझे बहुत खराब लग रहा है ये बोलते हुए कि हमारे डॉक्टर्स अब दवा कंपनियों का कमीशन लेने लगे और उनके कमीशन के लालच में वो दवाएं लिख रहे हैं जिन दवाओं को बंद करने की सिफारिश WHO ने कर रखी है। और हमने देखा डॉक्टर जितना बड़ा है कमीशन उसका उतना ही बड़ा है, और अभी तो कैश, सीधे पैसा देते। होता यह है कि आपको डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन स्लिप लिखी, आप 1000 रुपए की दवा अगर खरीदने गए, तो मैंने इसमें जो कैलकुलेशंस किए हैं और प्रमाण इकट्ठे किए, एवरेज हर 1000 रुपए की दवा आप जो खरीद रहे हैं उसमें से 400 रुपए डॉक्टर के पास जा रहा है जिसमें वो लिखा है स्लिप, 40% कमीशन। और ये कमीशन पैसे के रूप में सीधे जाता है डॉक्टर के पास, और भी कई कई स्वरूप में पहुंचता है। जैसे कई दवा कंपनियां कार खरीद के डॉक्टर्स को गिफ्ट दे देती हैं,
कई कंपनियां मोटरसाइकिल स्कूटर खरीद के गिफ्ट कर देती हैं, कई कंपनियां रेफ्रिजरेटर और एसी खरीद के गिफ्ट कर देती हैं, कई कंपनियां डॉक्टर्स के पति पत्नी बच्चों को स्विट्जरलैंड का टिकट दे देती हैं कि जाओ घूम के आओ। हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर चले जाते हैं, वो खरीदारी करके सिंगापुर से आते हैं, कंपनी पैसा पे करती है उनकी खरीदारी का, इसके बदले में डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उस कंपनी। इससे भी ज्यादा शर्मनाक स्थिति है वो ये कि डॉक्टर्स के घरों के जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए विदेशों में हैं, उनका खर्चा ये कंपनियां उठाती। और डॉक्टर्स के घरों में जो कारें चल रही हैं, उसमें डीजल पेट्रोल भरने का पैसा कंपनियां उठाती। टेलीफोन बिल डॉक्टर्स की कंपनियां पे कर रही, उनके घरों के बिजली के बिल कंपनियां पे कर रही। इतना बुरा हाल है इस पूरे सिस्टम। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जिन कंपनियों से कमीशन आ रहा है, जहां से गिफ्ट आ रही है, उनके लिए फिर वो फेवर करते हैं। और फेवर उनका यही होता कि जो दवाएं वो कंपनियां कहती हैं, उनका वो प्रिस्क्रिप्शन दे। हमारे देश में सभी कंपनियों ने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स नाम के प्राणियों को पाला हुआ है। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का वन पॉइंट प्रोग्राम एक ही है, हर डॉक्टर को भ्रष्ट बना, बाय हुक और बाय क्रो, सीधे सीधे या परोक्ष रूप से। एमआर जाते हैं डॉक्टर्स के क्लिनिक में, उनको लालच देते हैं कि देखो ये मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करो ये इतना पैसा, इसका करो इतना, इसका करो इतना। डॉक्टर उस चक्कर में ये सब करते हैं। अब ये जो मेडिकल प्रोफेशन है, ये सेवा नहीं है, ये बिजनेस है। अच्छा, जब बड़े बड़े डॉक्टर्स को हम कहते हैं कि आप भी इतने गिर गए, तो कहते हैं हम क्या करें, 40 लाख रुपए खर्च करके हमने MD किया, 50 लाख खर्च करके हमने MS किया, किसी बैंक से हमने कर्जा ले रखा है, तो हम कहां से निकालेंगे अपना पैसा। ये उनका तर्क क्या कुतर्क है भाई, 40-50 लाख रुपए देके अगर आपने MBMS किया, तो क्या आपके पिताजी कह के मर गए थे कि यही पढ़ाई करो, कोई और पढ़ाई कर लेते सस्ती वाली। माने हमने बेईमानी की है, तो अब बेईमानी आगे भी चले, ये तो ऐसा कुतर्क। वो कहते हैं हमको पैसे निकालने हैं अपनी पढ़ाई के, और वो पैसे निकालने के लिए कंपनियों के कमीशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता है, तो ये डॉक्टर्स का कहना। अब अंत में जो मरता है और फंसता है वो आप हैं, मैं, हम सब जो एक बीमार के रूप में किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, पता नहीं कब उसको लालच आए और वो कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे और हमारी जान निकल जाए। हम क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर माने मार देने का लाइसेंस लिया हुआ एक व्यक्ति, डॉक्टर का माने। उसने कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया, आप मर गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो कह देगा जी मैं क्या करूं, हो गया। ऐसे ही रोज मरते हैं लोग और कुछ नहीं हो पाता इस देश, बड़ा मुश्किल है। आपको मैं सुनाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में कानून है, पता है क्या, अगर कोई सर्जन किसी माँ और बहन का यूट्रस रिमूव करे, गर्भाशय निकाले, तो दुनिया के 50 देशों में कानून है कि उसको ये प्रूव करना पड़ता है कि यूट्रस निकालना क्यों जरूरी था, और प्रूफ करने के लिए उसको ये प्रूफ करना पड़ता है कि गर्भाशय में ऐसा कौन सा कारण था, यूट्रस में ऐसा कौन सा कारण था जिससे उस मां की जान जाने वाली थी, ये प्रूफ करना पड़ता है। और बाय द वे, किसी यूट्रस को काटकर डॉक्टर ने फेंक दिया, मर जाएगा, ऐसा बुरी तरह से रगड़ देते हैं। यूट्रस आपने रिमूव किया, दिखाना पड़ता है काउंसिल को, काउंसिल चेक करती है कि ये ऑपरेशन सही किया इसने या फालतू में किया। अगर कोई मां का यूट्रस ऐसे ही निकाल दिया और उसमें कुछ नहीं है, ना ट्यूमर है, ना कोई गांठ है, ना कुछ है, डॉक्टर ने निकाल दिया, वो डॉक्टर तो मर जाएगा। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिंदगी भर जेल में काटनी पड़ेगी उसको,
बाहर नहीं निकल सकता, उसकी जमानत नहीं होती। 50 देशों में ऐसे कानून हैं और भारत में हर दिन डॉक्टर बिना किसी कारण माताओं के गर्भाशय निकालते हैं। थोड़ा सा किसी मां और बहन को मेंसीज में इररेगुलरिटी हुआ, वो एक ही बात कहते हैं, यूट्रस निकाल, यूट्रस निकाल, यूट्रस निकाल। जैसे कि ये बिल्कुल फालतू चीज है, इसका कुछ काम ही नहीं, निकाल के फेंको इसको। 99% यूट्रस रिमूव करने के ऑपरेशन भारत में बिल्कुल गैर जरूरी होते हैं, जिसकी जरूरत ही नहीं होती। ऐसे ही छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके टॉन्सिलाइटिस के ऑपरेशंस करते हैं। दुनिया में कम से कम 80 देशों में ये कानून है कि टॉन्सिलाइटिस का फालतू ऑपरेशन किसी भी डॉक्टर ने किया मर जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी उसकी। लेकिन भारत में पता नहीं कितने लाख बच्चों के फालतू में टॉन्सिल्स काट के निकाले, जरूरत नहीं फिर भी निकाले। अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन होता है, दुनिया के किसी भी देश में प्रूफ करना पड़ता है कि अपेंडिसाइटिस का ये ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, और यहां कुछ नहीं। जब मन में आया थोड़ा सा पेट दर्द हुआ, तुरंत कहेगा अपेंडिसाइटिस है, कराओ ऑपरेशन, काटो निकालो, काटो निकालो। ये सब कुछ बेईमानी घुस गई है इस देश में, और ये बेईमानी का एकमात्र कारण है कि अब ये जो चिकित्सा व्यवस्था है ये बिजनेस है, अब ये सेवा नहीं है। पढ़ाई करने वाले लाखों रुपए खर्च करके अपनी तैयारी कर रहे हैं लूटने की। हाँ, ये डॉक्टर बनते हैं तो ये तैयारी कर रहे हैं कैसे कैसे लूटना, कहां कहां से लूटना, और पढ़ाई भी उनको ऐसे ही कराई जाए, सेवा के लिए कोई नहीं। जब कोई पढ़ाई करके निकलता उसको कहो भाई गांव में जाके सेवा देनी है, कोई तैयार नहीं जाने। फिर हम क्यों जाए जी गांव में, देश के लोगों के खून पसीने की कमाई के टैक्स के पैसे से हमारी, हम उनको पढ़ाई कराते हैं और लोगों की सेवा देने के लिए गांव जाने को कोई तैयार। छत्तीसगढ़ में ही देख लो क्या बुरा हाल। तो छत्तीसगढ़ सरकार को एक नई व्यवस्था करनी पड़ रही है कि 3-3 साल की पढ़ाई करा के कुछ को तैयार करो ताकि गांव में लोगों की तो सेवा हो, क्योंकि ये 5-6 साल वाले तो जाने को ही तैयार नहीं, क्योंकि गांव में किसको लूटेंगे। हाँ, इसलिए तो नहीं जाते, लूटेंगे किसको भाई, कौन मिलेगा वहां लूटने को, गरीब आदमी है कहां देगा पैसा। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें, प्रश्न अब आखिरी ये है कि इस समस्या का समाधान क्या। इसके दो समाधान है। पहला समाधान है कि हम सब लोग जो बीमारियों पर खर्च करने की हैसियत वाले लोग हैं, हमारी संख्या देश में 35 करोड़ है, 35 करोड़ भारतवासियों को माना जाता है कि वो मध्यम वर्ग के हैं, उच्च मध्यम वर्ग के हैं और उच्च वर्ग के हैं, माने जो पैसे खर्च करके डॉक्टर के पास जा सकते हैं, दवाएं खरीद सकते हैं, ऑपरेशन करा सकते हैं आदि आदि। तो आप सब उसी में आते हैं, मैं भी उसी में आता हूं। तो एक रास्ता तो ये है कि आप सब इस फालतू दवाओं के दुष्चक्र से बचें। अगर बीमारी से बचना है तो आप ये फालतू दवाओं को ना खाएं, कम से कम वो दवाएं बिल्कुल ना खाएं जो दुनिया में कोई नहीं खा रहा है। और कुछ दवाओं के नाम तो याद कर लें, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवालजिन, एनालजिन, पैरासीटामोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, बेरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन, बूटाजोन, क्विलोक्विनोल, डाइक्लोफेनेक, रिनटिडीन, इन दवाओं को कोई नहीं खा रहा है दुनिया, आप मत खाओ। और इसके साथ साथ अगर हिम्मत है आप में तो मैं तो आपसे कहूंगा कि एक कदम और आगे बढ़ाओ, बेईमान डॉक्टर को कभी भी मत जाओ, उसके पास मत जाओ। मेरा कहना है बीमारी से नहीं, बेईमान डॉक्टर से बचो। बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है, वो डॉक्टर आपको खतरे में डाल देगा। तो ये एक रास्ता है, एलोपैथी की फालतू दवाएं खाने से बचो, जिन दवाओं की शरीर को भयंकर नुकसान हो रही है वो दवाएं मत खाओ, एक एक दवा के 100-100 साइड इफेक्ट्स हैं वो कभी भी मत खाओ, और ऐसे बेईमान डॉक्टर्स के पास मत जाओ जो फालतू ऑपरेशन करते हैं, बहुत सारी दवाएं लिखते हैं। एक बीमारी के लिए एक ही दवा काफी होती है, 15-20 दवाएं अगर डॉक्टर लिख रहा है तो समझ लेना बहुत बड़ा कमीशन खोर है। हाँ, एक ही मिनट में पता चलता है बेईमान कौन है और ईमानदार।
आपको एक बीमारी है, एक ही दवा काफी है। चिकित्सा विज्ञान ये कहता है, सिद्धांततः ये कहा जाता है कि एक बार में एक दवा पर्याप्त होती है। अगर कोई डॉक्टर 15-20 दवाएं लिख रहा है, बीमारी एक ही है, तो समझ लो ये कमीशन के चक्कर में लिख रहा है। और अगर कोई डॉक्टर इलाज करने से पहले आपसे धीमे से पूछ रहा है कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, तो समझ लेना महादूत हो रहे। उसको क्या लेना देना आपको इंश्योरेंस है नहीं, वो तो पूछ इसलिए रहा है कि कितनी जेब काटूं इसकी, अंदाजा लगा रहा है। और ऐसे ऐसे लूट मची है। एक दो बात और कहूं, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, एंजियोप्लास्टी का जब आप ऑपरेशन कराते हैं, आपको मालूम है उसमें कितनी बड़ी पोल और लूट है। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, एक छोटा सा स्प्रिंग आपके आर्टरीज में डालते, रक्त लेकर जाने वाली जो वाहिकाएं हैं हृदय तक, उनमें कहीं रुकावट है तो उसको हटाने के लिए एक स्प्रिंग डालते हैं, उसको चौड़ा करने के लिए नली को। वो स्प्रिंग वही होती है जो बॉल पेन में आपने देखी, बस उसके ऊपर एक मेडिसिन का कोट किया जाता है। वो स्प्रिंग मात्र 10 रुपए में बनती है और आपको जब डाली जाती है तो बिल उसका 1.5 से 2 लाख रुपए होता है। लूट की खुली छूट है एंजियोप्लास्टी। और अगर आप बिलासपुर में एंजियोप्लास्टी कराएं तो हो सकता है 60-70 हजार लगे, वही एंजियोप्लास्टी रायपुर कराएं तो 1 लाख रुपए लगे, दिल्ली चले जाएं 1.5 से 2 लाख लगे, मुंबई चले गए तो 3 लाख तक लग सकता है। ऑपरेशन एक ही है, कीमत सब जगह अलग अलग, क्योंकि आज तक सरकार ने इस सर्विस को रेगुलेट करने का कोई कानून नहीं बनाया, इसलिए ये लूट मची। और एक बात बताऊं, ये जो एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन है ये पूरी तरह सफल नहीं होता। आपको उसने स्प्रिंग डाल दी, अब सोचो ये आर्टरी है, थोड़ी देर के लिए सोचो इसमें इतनी बड़ी स्प्रिंग डाल दी, अब जहां से जहां तक स्प्रिंग है वहां तो ब्लड का फ्लो अच्छा है, लेकिन स्प्रिंग के आगे और पीछे फिर ब्लॉकेज हो जाएगा, तब क्या करोगे, आपका तो 2 लाख बेकार हो गया। अगर आपके ब्लड में ब्लॉकेज करने की टेंडेंसी है तो कितना भी एंजियोप्लास्टी करो सब बेकार है। जब तक आपके ब्लड की ये टेंडेंसी खत्म नहीं होगी जिससे ब्लॉकेज बन रहा है, तब तक आपका कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये फालतू ऑपरेशंस मत कराओ, फालतू दवाएं मत खाओ, ये बेईमान जो डॉक्टर्स हैं इनके पास मत जाओ, यही एक समस्या का समाधान है। फिर आप बोलेंगे तो हम करें क्या, तो आप प्राणायाम करो, योग करो, आयुर्वेद की ऐसी दवाओं का उपयोग करो जो कभी भी शरीर को 1 पैसे का नुकसान नहीं करती। ऐसी दवाएं हैं आयुर्वेद जिनके साइड इफेक्ट नहीं, तो ऐसी दवाएं खाओ ना। और ऐसी हजारों दवाएं हैं आयुर्वेद, और परमपिता परमात्मा ने हमारे भारत पर ऐसी कृपा की है कि हजारों दवाएं आयुर्वेद में हमको निशुल्क दी है, कोई पैसा नहीं लगता उन दवाओं का। अब जैसे मैं आपसे कहूं बेल पत्ते से दवाएं बनती हैं बहुत सारी आयुर्वेद में, अब बेल पत्ता आप तोड़ के लाओगे क्या पैसा खर्च होगा, कहीं भी मिलता है तोड़ लो, आप उससे दवा बना लो उपयोग करें। एक बहुत अच्छी घास होती है उसको पत्थर चट्टा कहते हैं, उससे कई दवाएं बनती हैं स्टोन प्रॉब्लम की, सड़क पे लगी हुई है। अभी मैं आ रहा था मुंगेली से बिलासपुर, तो थोड़ी नजर इधर उधर डाली तो कितनी दवा लगी हुई है पत्थर चट्टा सड़क पे घास के रूप में, तोड़ लो इस्तेमाल करें। ऐसी हजारों दवाएं हैं, किसी पेड़ का पत्ता दवा है, किसी पेड़ की जड़ दवा है, किसी पेड़ का तना दवा है, किसी पेड़ का फल दवा है, किसी पेड़ का फूल बहुत अच्छी दवा है, और हजारों तरह के पेड़ प्रकृति ने हमें दिए हैं। हमको तो बस पहचानने की देर है, दवाएं तो सब है हमारे पास, तो आप ऐसी दवाओं का उपयोग कर। और ये दवाएं जो है ना बहुत अच्छे से गंभीर बीमारियों को ठीक करती है, बहुत अच्छे से, बस एक बार हमें उपयोग करके देखने की देर है। तो मेरा निवेदन है कि आप आयुर्वेद की दवाएं उपयोग करो जिनमें कोई पैसे भी खर्च नहीं होते, शरीर को दुष्परिणाम नहीं होता,
और दूसरा योग प्राणायाम करो, इसमें तो कुछ भी खर्चा नहीं। प्राणायाम करने में तो श्वास निकालना और श्वास ठीक होती है। हाइपोटेंशन का ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथी में, और हाइपोटेंशन की तो दवा नहीं है एलोपैथी में, ये प्राणायाम से दोनों ठीक हो जाते। आर्थराइटिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं, गाउट का कोई ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन प्राणायाम से ठीक होता है। हमारे शरीर में कई गंभीर बीमारियां हैं, माताओं को गर्भाशय में गांठ हो जाए, ट्यूमर हो जाए, कोई नहीं करेगा ठीक उसको एलोपैथी में, प्राणायाम से ठीक होता है। ब्रेन ट्यूमर ठीक होता है, यूट्रस ट्यूमर ठीक होता है, ओवरी का ट्यूमर ठीक हो जाता है, सर्विक्स का कैंसर ठीक होता है, थ्रोट कैंसर ठीक हो रहा है, ओसियोफेगस ट्यूब कैंसर ठीक हो रहा है, कैंसर में काम प्राणायाम काम कर रहा है और कैंसर ठीक हो रहा है। और कैंसर इतने अच्छे से ठीक हो रहा है कि अब अमेरिका के बहुत सारे वैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि प्राणायाम से कैंसर कैसे ठीक हो रहा है। और इस काम के लिए उन्होंने पतंजलि योगपीठ के साथ समझौता किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और अब अमेरिकन साइंटिस्ट आने वाले हैं, जनवरी के महीने में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है हरिद्वार में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसमें आ रहे हैं बहुत सारे विशेषज्ञ ये सीखने जानने कि कैंसर कैसे ठीक हो रहा है प्राणायाम से। तो जब प्राणायाम से कैंसर ठीक हो रहा है, डायबिटीज ठीक हो रही है, हाइपरटेंशन ठीक हो रहा है, अर्थराइटिस ठीक हो रहा है, दमा अस्थमा ठीक हो रहा है, ट्यूबरक्लोसिस ठीक हो रहा है, जो बीमारियां बिल्कुल लाइलाज मानी जाती हैं दुनिया में वो ठीक हो रही है, तो हम क्यों ना इसका उपयोग करें, फालतू में एलोपैथी के चक्कर में पैसे बर्बाद करें। तो मेरी आपको यही एक सलाह है, निवेदन है कि आप प्राणायाम करें, योगासन करें और आयुर्वेद की कुछ दवाओं का उपयोग कर लें, तो आपकी लगभग हर बड़ी बीमारी आप ठीक कर पाएंगे। हमने पिछले 10 साल में ये करके देखा है कि 90% से ज्यादा बीमारियां तो हम खुद ही ठीक कर सकते हैं, 90% से ज्यादा, माने भारत देश को हम एक स्वस्थ देश बना सकते हैं, सुखी देश बना सकते हैं बिना एक पैसा खर्च किए, बस हमें थोड़ा प्रयास करना है। तो आपसे मेरी यही दरखास्त है, विनती है कि आप ये प्राणायाम योग इसको सीखें करें, और जरूरत पड़ने पर आयुर्वेद की दवाएं उपयोग करें। आप ये जरूर पूछ सकते हैं कि हमें पता नहीं है, तो मैं आज आपको कुछ जरूर गंभीर बीमारियों के बारे में बताना चाहता हूं। आपके पास अगर डायरी है तो आप जरूर उसे निकाल लें, आपके पास कोई नोटबुक है तो उसे निकालें, पेन है तो उसे निकालें, कागज है तो उसे निकालें और लिख लें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं। कुछ गंभीर बीमारियां जो हमारे जीवन को बहुत तकलीफ दे रही हैं, इनका कितना आसान ट्रीटमेंट है जो हम अपने घर में कर सकते हैं, प्राणायाम की मदद से, योग की मदद से, आयुर्वेद की दवाओं की मदद। और मेरा एक ही निवेदन है आप सभी को कि आप जो सुनेंगे अब मुझसे वो सबको सुनाएं, आप बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ये जानकारी दें, क्योंकि हर बीमार आदमी को इसकी जानकारी की जरूरत है। मैं शुरू करता हूं डायबिटीज से, जो सबसे खराब बीमारी। डायबिटीज भारत में 5,70,00,000 लोगों को है और 3 करोड़ को हो जाएगी अगले कुछ सालों में, सरकार ये कह रही है। हर 2 मिनट में एक मौत हो रही है डायबिटीज से, और कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत हो रहे हैं, किसी की किडनी खराब हो रही है, किसी का लीवर खराब हो रहा है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, किसी को पैरालिसिस हो रहा है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, खतरनाक हैं डायबिटीज के। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? मेरी तो एक छोटी सी आपको गुजारिश है, सलाह है कि आप इंसुलिन पर ज्यादा निर्भर ना करें, क्योंकि ये इंसुलिन है वो डायबिटीज से भी ज्यादा खराब है, साइड इफेक्ट उसके बहुत ज्यादा है। तो क्या करें? प्राणायाम करें। अब प्राणायाम कौन सा करना है? सबसे पहले आपको करना भस्त्रिका प्राणायाम, 5 मिनट रोज सवेरे खाली पेट, डायबिटीज के हर एक पेशेंट को 5 मिनट भस्त्रिका। भस्त्रिका तो बहुत सरल है, आराम से बैठ जाएं जैसे मैं बैठा हुआ हूं, और आपकी उंगली और अंगूठे को इस तरह से स्पर्श करें ध्यान मुद्रा में, और लंबी सांस भरें, लंबी सांस छोड़ें, बस यही है,
बस से धीरे धीरे सांस भरे, धीरे धीरे सांस छोड़े, लंबी सांस भरे, गहरी सांस छोड़े। इसको 5 मिनट लगातार करें। इसके बाद कपालभाति, कपालभाति आधा घंटे करें, लगातार करें। कपालभाति में क्या है, झटके के साथ और ताकत से सांस को बाहर निकाल, और सांस के निकालने पे ध्यान देना है, लेने पे ज्यादा परेशानी आपको नहीं करनी। लेने का काम तो शरीर खुद कर लेगा, निकालने का ध्यान रखना है। झटके से सांस निकालनी है, ताकत से निकालें। और जब सांस निकालेंगे तो पेट अंदर जाएगा, बस सीधी सी बात। एक बार मैं आपको दिखाता हूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बस ये है कपालभाति प्राणायाम। आधा घंटे लगातार करें, अगर थक जाएं तो बीच में थोड़ी देर रोक के फिर दोबारा शुरू कर दें, करना आधा घंटे। और तीसरा एक प्राणायाम करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करना है आपको, आपकी दाहिनी नाक को दाहिने अंगूठे से बंद करें और बाईं नाक से पूरी सांस को निकालें, फिर बाईं नाक से सांस को भरें और दाहिनी नाक से निकाल दें, फिर दाहिनी नाक से सांस भरें, बाईं नाक से निकाल दें, फिर बाईं नाक से सांस भरें, दाहिनी से निकाल दें। बस यही है अनुलोम। इसको आधा घंटा करना। एक बार दिखा देता हूं, आप आराम से कर पाएंगे। बस आधा घंटे ये कर दें अनुलोम विलोम, आधा घंटे कपालभाति, 5 मिनट भस्त्रिका। ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है डायबिटीज के लिए। और इसके साथ आप चाहें तो आयुर्वेद की एक दवा जरूर ले लें। हमारे पतंजलि चिकित्सा केंद्र में तो मधुनाशिनी वटी एक आयुर्वेदिक दवा है जो डायबिटीज के लिए है, वो मिलती है। लेकिन आप चाहें तो अपने घर में भी बना सकते हैं। आयुर्वेद की एक दवा का मैं फॉर्मूला बताता हूं, घर में आप चाहे तो बना लें। 100 ग्राम मेथी का दाना ले लें और इसको धूप में सुखाकर पत्थर पे पीस के इसका पाउडर बना लें। 100 ग्राम तेज पत्ता ले लें, इसको भी धूप में सुखाकर पत्थर में पीस कर पाउडर बना लें। 150 ग्राम जामुन की गुठली ले लें, जामुन का बीज, इसको धूप में सुखाकर इसको पीसकर इसका पाउडर बना लें। और 250 ग्राम बेल पत्र के पत्ते ले लें, इसको धूप में सुखाकर इसको पीसकर इसका भी पाउडर बना लें। तो 250 ग्राम बेल पत्र के पत्ते, उसको सुखाकर पीस के पाउडर बनाना, 150 ग्राम जामुन का बीज या जामुन की गुठली, उसको सुखाकर पीसकर पाउडर बनाना, 100 ग्राम मेथी का दाना और 100 ग्राम तेज पत्ता, ये चारों को पीस लिया, पाउडर बन गया। अब ये आपस में मिक्स कर दें, सबको एक दूसरे में मिला दें। बस यही दवा है। इसको कैसे खाएंगे, एक चम्मच सुबह ले लें गर्म पानी के साथ, खाना खाने से घंटे भर पहले। सुबह खाना खाने का मतलब है नाश्ता करने से घंटे भर पहले, एक चम्मच। और एक चम्मच शाम को ले लें, जब रात का खाना खाते हैं ना, उससे एक घंटे पहले। तो सुबह शाम एक एक चम्मच पाउडर गर्म पानी के साथ, खाना खाने से घंटे भर पहले। 1.5-2 महीने अगर आपने ये दवा ले ली लगातार और ये प्राणायाम कर लिया, तो ये पक्का मान लीजिए कि आपकी डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोई कारण नहीं है कि आपकी शुगर ठीक ना हो, बहुत सरल है। और ये दवा जब आप बनाओगे तो कुल खर्चा उसका 20 से 25 रुपए आएगा। और जितनी दवा मैंने बताई है बनाने में, 25 रुपए तो खर्च होगा, और दवा जो बनेगी वो 3 महीने तक चलेगी और उतने दिनों में आपकी शुगर खत्म हो जाएगी, माने डायबिटीज ठीक हो जाएगी। तो प्राणायाम करते हुए आप ये आयुर्वेद की दवा। और ये जो 4 दवाएं मैंने बताई हैं, एक तो बेलपत्र का पत्ता, एक तो जामुन की गुठली,
मेथी दाना और तेज पत्ता, ये हजारों साल से भारत में इस्तेमाल की जा रही है डायबिटीज के लिए, हजारों साल से। और ये टाइम टेस्टेड मेडिसिन है। टाइम टेस्टेड माने समय पर जिन दवाओं की परीक्षा हो चुकी है और खरी उतरी है। हमारे जो पुराने वैद्य हैं ना, वो सब इस्तेमाल करते रहे इन दवाओं को। आयुर्वेद में इनका बहुत अच्छे से वर्णन है, शुगर को कंट्रोल करने और ठीक करने। तो आप ये दवा खाएंगे और प्राणायाम करेंगे, बस एक ही बात है जो सावधानी आपको रखनी, परहेज। डायबिटीज के सभी मरीजों को थोड़ा परहेज करना है, और परहेज ऐसा करना है कि ज्यादा चीजें ऐसी खाएं जिनमें फाइबर हो, रेशा ज्यादा हो, हाई फाइबर लो फैट डाइट, घी तेल वाली डाइट कम हो और फाइबर वाली ज्यादा हो, रेशेदार चीजें ज्यादा खाएं। सब्जियां सब में रेशे हैं वो खाएं, दाल जो खाएं वो छिलके वाली खाएं क्योंकि उनमें रेशा बहुत होता है, छिलके वाली सब दाल खाएं। मोटा अनाज ज्यादा खाएं, मोटे अनाज में फाइबर बहुत होता है तो मोटा अनाज खाएं, दाल सभी छिलके वाली, सब्जियां भरपूर खाएं, फल आदि ज्यादा ऐसे खाएं जिनमें रेशा बहुत है। तो आपको ऐसी डाइट लेनी है जो हाई फाइबर है और फैट में कम है। और दूसरा एक परहेज है, चीनी ना खाएं, चीनी छोड़, क्योंकि डायबिटीज की इस पूरी बीमारी को ठीक होने में चीनी सबसे बड़ी रुकावट है। आप जो चीनी खाते हैं ना, इसमें तकलीफ ही तकलीफ। आपको एक दो बात मालूम है चीनी के बारे में कि इसमें कोई ऐसा पोषक तत्व नहीं है जो आपके शरीर के काम आता हो, चीनी एक भी पोषक तत्व नहीं। अगर आपको समझाने की दृष्टि से मैं कहूं तो चीनी में कुछ भी कैल्शियम नहीं है, चीनी में कुछ भी फास्फोरस नहीं है, चीनी में कुछ भी आयरन नहीं है, चीनी में कुछ भी मैग्नीशियम नहीं है, पोटेशियम नहीं है। हमारे शरीर को 18-20 सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत जरूरत होती है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, इनमें से कोई नहीं है चीनी। और एक रोचक बात, चीनी में प्रोटीन बिल्कुल नहीं है और चीनी में एक भी विटामिन नहीं है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कुछ नहीं। चीनी में कोई मिनरल नहीं है जो शरीर के काम आता है। तो आप पूछोगे फिर चीनी में क्या है, जहर है उसमें जो आप खा, काम की चीज तो एक भी नहीं है उसमें। आप ये कहोगे चीनी में मीठापन तो है, हाँ मीठापन है, लेकिन वो मीठापन भी काम का नहीं है अपने शरीर के लिए। चीनी का जो मीठापन है उसको तकनीकी भाषा में सुक्रोज कहते हैं, और ये जो सुक्रोज है ये कभी भी हजम नहीं होता, आपको ये जानते हैं, सुक्रोज हजम नहीं होता, बहुत मुश्किल से होता। और सुक्रोज खुद तो हजम होगा नहीं, ये तो एक बात है, और जिसके साथ आप इसे खाओगे उसे भी हजम नहीं होने देगा। जैसे खाने के साथ आपने चीनी खाई तो चीनी तो हजम होगी नहीं, खाने को भी नहीं हजम होने देगी। इसमें है क्या जो आप खा रहे हो? मीठापन भी उसका आपके काम का नहीं। देखो जो मीठापन हमारे बहुत काम आता है उसका नाम है फ्रक्टोज। सुक्रोज भी एक मीठापन है, फ्रक्टोज भी एक मीठापन है। फ्रक्टोज जो है ना वो काम आता है अपने शरीर को। फ्रक्टोज किस में होता है? चीनी को छोड़कर भगवान की बनाई हर मीठी चीज में फ्रक्टोज होता है। जैसे आम है पका हुआ, उसमें फ्रक्टोज है, केला है उसमें फ्रक्टोज है, अंगूर है, नाशपाती है, अमरूद है, संतरा है, मौसमी है, अनन्नास है, अनार है, ये सब फ्रक्टोज के मीठेपन की उदाहरण है, भरपूर है, है जी? हाँ, एक मिनट बात पूरी हो जाए फिर उसको। तो आप जो भगवान की बनाई गई मिठाई है, सीधे शब्दों में कहूं, उसे खाओ, और ये इंसान की बनाई हुई चीनी है इसे मत खाओ, क्योंकि इंसान जो है ना वो शैतान हो सकता है, भगवान को भी शैतान के।
चीनी बनाता है आदमी और फल बनाए हैं सब भगवान, तो भगवान की बनाई गई मीठी चीजें भरपूर खाओ, उसमें कोई तकलीफ ज्यादा नहीं आएगी आपको। चीनी हटा दो अपने घर से, जो डायबिटिक पेशेंट है वो तो हटा ही दें, जो नॉन डायबिटिक है उनसे भी मेरी अपील है कि आप भी हटा दो। तो आप बोलोगे फिर हम क्या खाएंगे मीठा, गुड़ खाओ ना, गुड़ बहुत अच्छा है आपके, चीनी से 1000 गुना अच्छा है गुड़। मैं गुड़ और चीनी की जरा तुलना समझा दूं आपको, गुड़ में कैल्शियम भरपूर है, गुड़ में फास्फोरस भरपूर है, गुड़ में पोटेशियम भरपूर है, गुड़ में सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है, मैग्नीज भी है, चीनी में ये कुछ भी नहीं। और गुड़ जो है ना उसी से बनता है जिससे चीनी बनती है। देखो रोचक बात, चीनी भी गन्ने के रस से ही बनती है, गुड़ भी गन्ने के रस से बनता है, लेकिन गुड़ बनाने में सबसे सरल तकनीकी का इस्तेमाल होता है कि गन्ने का रस गर्म करते जाओ, थोड़ी देर में गुड़ बन जाए, इतना ही है। लेकिन चीनी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है जो इस्तेमाल होती है। एक तो जो केमिकल्स डाले जाते हैं चीनी बनाने में, ये सब खतरनाक। अगर आप कभी किसी चीनी मिल को देख लो अंदर से चीनी बनते हुए, तो आप चीनी को छूना भी पसंद नहीं करो, खाना तो दूर की बात, क्योंकि चीनी बनाने में जो केमिकल्स डाले जा रहे हैं ना, जरा घूम के देखो चीनी मिल में और पूछते जाओ ये जो केमिकल है ये क्या है, शरीर पर इसका क्या असर है, 2 मिनट में चक्कर आ जाएंगे आपको कि हम क्या खा रहे हैं। और दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि ये चीनी भारत में तब से आई जब से अंग्रेज आए, अंग्रेजों के पहले इस देश में कोई चीनी नहीं खाता था, सब गुड़ खाते थे। और एक रोचक बात बताऊं कि जब से अंग्रेज चीनी लेके आए तभी से हमारे देश की समस्याएं आई। मैंने चीनी पर बहुत रिसर्च किया और मैंने ये पाया कि भारत में 1868 में सबसे पहली चीनी मिल लगी, अंग्रेजों ने बनाई, और उसके बाद जो चीनी बिकी पूरे देश में, पहले तो ये चीनी कोई खरीदता नहीं था, तो अंग्रेजों ने मुफ्त में बंटवाई है, फ्री में। अब भारतवासी तो ऐसे हैं कि फ्री में जहर भी मिले तो लेने को तैयार। आप जानते हैं कोई भी आदमी जब पहली बार गुटखा खाता है तो फ्री में ही खाता है। हाँ, पहली बार तंबाकू खाएगा फ्री में खाएगा, पहली बार सिगरेट पिएगा फ्री में पिएगा, पहली बार दारू पिएगा फ्री में पिएगा, फिर बाद में पैसे लगाएगा उसके। अंग्रेजों को हमारी ये कमजोरी का पता चल गया कि भारत में अगर कोई चीज फैलानी है तो फ्री में बांटो पहले, फिर यही भारतवासी खरीदेंगे उस। चाय बेची उन्होंने तो ऐसे ही फ्री में पिलाई, पहले चीनी भी ऐसे ही लाई, तो हम चक्कर में फंस गए, पहले फ्री में लेते रहे फिर आदत पड़ गई फिर खरीद के। और आज ऐसा बुरा हाल है पूरे देश का कि सारा देश डूब गया इस चीनी, चाय में चीनी, दूध में चीनी, दही में चीनी, लस्सी में चीनी, मिठाइयों में चीनी। कई अद्भुत लोग तो ऐसे हैं जो दाल में भी चीनी डाल के खाते हैं। हाँ, बिना चीनी की दाल क्यों नहीं खाते, सब्जियों में चीनी डाल लेते। भला करे भगवान इन सबका, जल्दी इनको बुद्धि आए, ये चीनी से मुक्त हो जाए। और मैं आपको एक गहरी बात कह रहा हूं कि अंग्रेजों ने यहां तो चीनी में डबो दिया, फंसा दिया हमको, और उनके अपने देश में वो सब चीजें शुगर फ्री बना रहे हैं आजकल। आप इंग्लैंड में जाओ, लंदन में बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में हर मिठाई शुगर फ्री मिल जाएगी आप, शुगर फ्री केक बन रहे हैं, शुगर फ्री चॉकलेट्स बन रही हैं, शुगर फ्री पेस्ट्रीज बन रही हैं। जो उनकी मिठाइयां हैं वो यही हैं, चॉकलेट पेस्ट्री वगैरह वगैरह, वो सब शुगर फ्री बना रहे हैं और खा रहे हैं, खिला रहे हैं, और महंगी बिक रही है फिर भी लोग खा रहे हैं उसको। और ये अमेरिका में भी हो रहा है, अमेरिका के सारे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स भरे पड़े हैं शुगर फ्री प्रोडक्ट से। यूरोप में भी हो रहा है, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, और बड़ा भारी अभियान चल रहा है वहां पे, डॉक्टर्स उसमें इन्वॉल्व है, और उस अभियान का नाम ही है शुगर फ्री। हर व्यक्ति को वो बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। अमेरिका, यूरोप में कई टीवी चैनल ऐसे हैं जो बार बार लोगों को ये एजुकेट कर रहे हैं चीनी के बारे में, कह रहे हैं इससे बचो ये तकलीफ दे।
कारण जानते हैं क्या है? इस चीनी के चक्कर में अमेरिका में हर तीसरा चौथा आदमी मोटा हो गया, ओवरवेट हो गया। अमेरिका के स्कूलों में जाओ, थुल थुल बच्चे। हाँ, स्कूलों में जाओ तो जैसे हाथी के बच्चे वैसे वहां आदमी के बच्चे। पता चला कक्षा 4 और 5 में पढ़ रहे हैं, वजन 130 किलो, 120 किलो। ये सारा दुष्परिणाम चीनी का है। और चीनी से भी ज्यादा खतरनाक एक चीज इन्होंने बनाई थी, सैक्रीन। पहले चीनी में डुबोया, फिर सैक्रीन में डुबोया लोगों को, अब उससे भी खतरनाक एक चीज है एस्पर्ट है, उसमें डुबो दिया। अब अमेरिका और यूरोप में ये जागृति इतनी ज्यादा आ गई है, डॉक्टर्स लगे हैं, बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स इसमें लगे हैं। स्कूल में जा जाके बच्चों को कह रहे हैं शुगर फ्री खाओ कोई भी चीज, तो बच्चों ने वहां पेप्सी बंद किया है, कोका कोला बंद किया है, पेस्ट्रीज खा रहे हैं तो वो शुगर फ्री खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं तो शुगर फ्री, और उन्हीं की बिक्री बढ़ रही। तो वहां जागरूकता आ गई और वो समझ गए, और उन्होंने देखा कि उनके मोटापे का कारण चीनी है, उनके हाई ब्लड प्रेशर का कारण चीनी है, उनके देश में डायबिटीज का कारण चीनी है, ब्रेन स्ट्रोक का कारण चीनी है। अब तक जो रिसर्चेज हुई हैं वो बताती हैं कि चीनी 103 बीमारियों का कारण है, 103 डिसीज खाली चीनी से आती। तो वो मना कर रहे हैं कि मत खाओ, और अच्छे से उनके यहां ये बात चल पड़ी है। और मुझे अफसोस है कि हम भारतवासी चीनी में डूबते जा, और इतनी महंगी है फिर भी खा रहे हैं हम उसे। तो आप ये बंद ही करो तो अच्छा है। मेरा तो निवेदन है कि जो डायबिटिक हैं वो तो तुरंत बंद करें, जो नॉन डायबिटिक हैं, स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं और हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं वो भी बंद करें। इसमें कुछ है ही नहीं खाने लायक। और एक सबसे गंभीर बात जो मुझे आपसे कहनी है वो ये कि अगर आप चीनी खा रहे हैं तो चीनी खरीद रहे हैं, चीनी खरीद रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं, पैसा पता है कहाँ जा रहा है? भारत के सबसे बेईमान और हरामी नेताओं के घरों में वो पैसा जा रहा है। आप जानते हैं सारी चीनी मिलें भारत के मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियंस की। महाराष्ट्र में आओ, आपको मैं दिखाता हूं जितनी चीनी मिलें महाराष्ट्र में है, सब एक से एक भ्रष्ट नेताओं की। कर्नाटक में आ जाओ, वहां मैं आपको दिखाता हूं सारी चीनी मिलें भ्रष्ट नेताओं। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सारे देश में जितनी चीनी मिले हैं, मुश्किल से 1% चीनी मिलों को छोड़ दिया जाए जो सरकारों की है, बाकी सब भ्रष्ट और महाभ्रष्ट नेताओं की। और ये सारे भ्रष्ट नेताओं की एक लॉबी है जिसको शुगर लॉबी कहते हैं, और ये शुगर लॉबी सबसे भ्रष्ट है भारत। कोई भी कानून बदलवा दें, कोई भी नियम बदलवा दें, इस लॉबी की इतनी ताकत है। आपके खिलाफ कानून बदल जाए, आपके खिलाफ कोई नया कानून बन जाए, ये शुगर लॉबी ऐसे खेल खेलती है। और मुझे दुख है कि आप एक तरफ भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सोचते हैं और सारा पैसा आप चीनी खरीद खरीद के ऐसे नेताओं को दे रहे हैं जो और ज्यादा भ्रष्ट हो रहे हैं, और ताकत उनकी बढ़ रही। भारत की संसद में अगर ईमानदारी से आप सांसदों का देख लेंगे ना हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो 70% से ज्यादा सांसद ही शुगर लॉबी के हैं, और इन्होंने कंट्रोल कर रखा है पूरे देश की पॉलिटिक्स को। प्राइम मिनिस्टर कोई बने चलती इन्हीं की, और हर पार्टी में घुसे हो, और ये एक भी ऐसा कानून नहीं बनने देते जो चीनी के खिलाफ जाए। आपको मालूम है गन्ना सबसे सस्ता खरीदा जाता है इस देश में, और चीनी सबसे महंगी बिकती है इस देश में। ये क्या चक्कर है भाई? लूट रहे हैं ये सारे देश। गन्ना किसानों को 3-3 साल पेमेंट नहीं करते ये चीनी मिल वाले। किसान बेचारे तड़पते, परेशान होते, चक्कर काटते रहते, और पेमेंट होता है तो भी सबसे कम कीमत वाला, और चीनी सबसे महंगी कीमत पर बेचते हैं। बीच का सारा पैसा लूट के ये अपनी खराब राजनीति को और देश के ऊपर गलत कानूनों को थोपते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये देश करप्शन फ्री हो और इस देश के भ्रष्ट नेताओं को हम किनारे करने में कामयाब हों, तो शुगर लॉबी को अटैक करना पड़ेगा। और शुगर लॉबी का अटैक हिंदुस्तान का हर गरीब आदमी कर सकता है, वो चीनी छोड़ दे। जैसे ही आप चीनी खरीदना बंद करेंगे वैसे ही आपका पैसा
भ्रष्ट नेताओं के हाथ जाने से बचेगा। फिर आप उसकी जगह गुड़ खरीद लो, गुड़ जब आप खरीदोगे तो वही पैसा किसी गरीब किसान के घर में जाएगा और गरीब किसान को आपकी बहुत मदद चाहिए क्योंकि वो नंगा है, भूखा है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। हर साल इस देश में 56,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके घरों में पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? वो जो कुछ भी पैदा करते हैं गन्ने के रूप में, चीनी मिल वाले 3-3 साल तक उनके पेमेंट नहीं करते, बेचारे किसान कहां से खाएं? और उनका हाल तब और खराब होता है कि जब गन्ना मिल से, चीनी मिल से पेमेंट नहीं आया, वो अपने बैल बेचते हैं, गाय बेचते हैं, घर की संपत्ति बेचते हैं और जब कुछ नहीं बचता बेचने को तो आत्महत्या। तो इन किसानों को अगर बचाना है और उनको मदद देनी है तो आप गुड़ खरीदिए, गुड़ का पैसा सीधे उनके घर में जाता है। मैंने एक नहीं हजारों किसानों से ये बात की है कि मान लो आज आपका गन्ना जो चीनी मिल में जा रहा है, यही गन्ना आप गुड़ बनाने के उपयोग में लाएं और गुड़ बेचें तो आपको किस में लाभ है? सब किसान कहते हैं गुड़ बेचने में हमें बहुत लाभ है। वो कहते हैं एक तो कैश पेमेंट मिलता है हमको और ज्यादा पैसा हमारे घर में आता है और खर्चा हमारा कम होता है, और चीनी मिल में 3-3 साल तो पेमेंट नहीं मिलता और सबसे कम कीमत देते हैं ये सारे चीनी मिल वाले। चीनी मिल वालों ने कार्टेल बना रखा है और गन्ना किसानों का कोई कार्टेल समूह नहीं, तो उनका शोषण। तो आप गुड़ खरीदेंगे तो पैसा गरीब किसानों को मिलेगा, और मेरा ये कहना है कि आप गुड़ खाएंगे तो आपके शरीर को भी फायदा है क्योंकि उसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा है और चीनी में तो कुछ है नहीं, और गुड़ खरीदेंगे तो पैसा गरीबों तक जाएगा। मैंने एक सरल कैलकुलेशन किया था, वो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि सारे भारतवासी जितने रुपए की एक साल में चीनी खाते हैं, अगर इतने ही रुपए का गुड़ खाने लगे हर साल, तो 15 करोड़ किसानों को हमेशा के लिए हम करोड़पति बना सकते। माने 15 करोड़ किसान हमेशा के लिए करोड़पति हो जाएं, वो कभी भी गरीब ना रहे, उनका घर समृद्धि से भर जाए, संपत्ति उनके यहाँ इतनी हो जाए, हम इतनी बड़ी मदद उनकी कर सकें। हम अपनी तो मदद करेंगे ही गुड़ खा के, हम हमारे गरीब किसानों की भी मदद करेंगे। और आपको एक छोटी सी आखिरी बात बताऊं, चीनी बनाने में पानी बहुत वेस्ट होता है, पानी बहुत बर्बाद होता है और पानी बहुत कीमती है, पीने को नहीं मिल रहा है, वो चीनी मिलें बर्बाद कर रही है। जितना पानी चीनी मिलें बर्बाद कर देती हैं उतने पानी में हजारों मीट्रिक टन धान पैदा हो सकता है। और सबसे आखिरी बात, चीनी मिलों से जो कचरा निकलता है पता नहीं वो क्या क्या प्रदूषण करता है, फिर उससे निपटने के लिए और पैसे खर्च करने। और अच्छी बात है कि गुड़ बनाने में ना कोई प्रदूषण होता है ना फालतू पानी बर्बाद होता है, क्योंकि गुड़ बनाने में तो गन्ने का रस ही है जिसे गर्म करना पड़ता है, पानी का उसमें कोई योगदान ही नहीं। बस इतना ही है कि गुड़ बनाते समय थोड़ा दूध डाल के उसको साफ किया जाता है और कुछ किसान उसको भिंडी के रस से साफ कर लेते हैं, इतनी सी बात। तो आप गुड़ खाएं, चीनी हटाएं, डायबिटिक हैं वो तो तुरंत चीनी बंद करें, जो नॉन डायबिटिक हैं वो भी बंद करें, गुड़ चाय के लिए इस्तेमाल करें, माने चाय गुड़ की पिए, दूध गुड़ से पिए, दही गुड़ का खा सकते हैं आप, जो है लस्सी गुड़ से पिए, अगर आपको मिठाई बनानी है, हलवा बनाना है तो गुड़ का बनाएं, लड्डू बनाना है गुड़ का बनाएं, घर में कोई बर्फी पेड़ा बनाना है गुड़ का बनाएं, गुड़ का तो सब कुछ बनता है। कल संयोग से मैंने गुड़ की खीर खाई, और पीछे थोड़ा गुड़ खाओ, जरूर खाओ, थोड़ा सा ही खाओ लेकिन खाओ, क्यों? ये थोड़ा सा गुड़ पूरे भोजन को पचा देने में बहुत बड़ी मदद करता है। आप कुछ भी खाना खाएंगे उसको हजम होने में, डाइजेस्ट होने में सामान्य रूप से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर आपने गुड़ खा लिया तो 4 घंटे में ही वो खाना आपका पचेगा। ये गुड़ पर हमारे आयुर्वेद की सबसे बड़ी रिसर्च। तो आप खाने के बाद गुड़ जरूर, खाना जल्दी पचेगा। और इसका उल्टा है, अगर आपने खाने के बाद थोड़ी चीनी खाई तो ये खाना तो पचेगा नहीं कम से कम 8 घंटे तक,
और वो चीनी को पचाने में पूरा खाना बर्बाद हो जाएगा, लेकिन चीनी पचेगी नहीं। चीनी में एक केमिकल जो हमेशा याद रखिए आप, वैसे तो केमिकल उसमें बहुत हैं, लेकिन एक आपको जल्दी याद हो जाए, सल्फर सबसे खराब केमिकल। बिना सल्फर के चीनी नहीं होती, चीनी का अस्तित्व तो सल्फर से है। तो सल्फर वो केमिकल है जिसको गंधक कहते हैं। गंधक वो है जिसको दिवाली पर पटाखे बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे बच्चे जो दिवाली में पटाखे चलाते हैं ना, वो सब गंधक से बनते हैं, और वही गंधक चीनी में इस्तेमाल हो रहे, और आप चीनी खा रहे हैं तो वो आपके शरीर में जा रहे हैं। और ये जो गंधक है सल्फर, ये चली तो जाती है शरीर में चीनी के साथ, लेकिन निकलती नहीं बाहर। हमारे शरीर की ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई गंदगी, कोई कचरा गया तो या तो यूरिन के साथ निकल जाएगा, पेशाब के साथ, नहीं तो स्टूल के साथ, मल के साथ, नहीं तो पसीने के साथ निकल जाएगा, कभी जरूरत हुई तो बलगम के साथ निकल जाएगा। भगवान ने व्यवस्था बना ली, लेकिन चीनी का जो सल्फर है ये नहीं निकलता, ये जमा होता रहता है, रक्त में जमा होता है, खून में जमा होता है। और एक लिमिट जब ये क्रॉस कर जाता है तो खून में कचरा, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो बढ़ता है। और कोलेस्ट्रॉल वो खतरनाक शैतान है जिसके कारण 103 बीमारियां आती हैं। इसलिए आप सावधान रहे भविष्य के लिए। मेरा तो हमेशा यही मानना था कि जैसे अंग्रेज भारत से गए तो चीनी भी उनके साथ हम भेज देते, सारी चीनी मिले उठा के वो ले जाते यहाँ से, क्योंकि इसमें कबाड़ और कचरा है और कुछ है नहीं, तो देश का भला हो जाता, वापस हम फिर गुड़ खाने लगते, गुड़ बनाने लगते। लेकिन वो नहीं हुआ, अंग्रेजों को भगा दिया, चीनी को रख लिया। अब ये चीनी को भी घर से हटाइए आप, वैसे ही जैसे अंग्रेजों को आपने देश से हटाया, और आप स्वस्थ बनेंगे, निरोग बनेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आप चीनी छोड़ के आज से शुरू करके देखिए, 15 दिन में वेट कर लीजिए अपना, आपको आश्चर्य लगेगा कि आपका वजन कम हो रहा है 15 ही दिन में। कितना भी वेट आपका बढ़ा है, चीनी छोड़ के देखिए, सब वजन कम हो, तोन बाहर निकली है, पेट बाहर निकला है, चीनी छोड़ के देखिए पेट अंदर चला गया, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, सब में आराम हो जाए, नींद अच्छी नहीं आती, चीनी छोड़ के देखिए बहुत अच्छी नींद आएगी, सर्दी जुकाम अगर बार बार होता रहता है चीनी छोड़ के देखिए कम हो जाए, माइग्रेन आपका जो है ना बहुत तकलीफ दे रहा है चीनी छोड़ के देखिए खत्म हो, एक चीनी छोड़ते ही बहुत तरह के रिलीफ होना शुरू होते हैं। और आप सबसे बड़ा रिलीफ ये पाएंगे कि आपको शरीर हल्का लगेगा हर तरह से छोड़ रहे। हमने हजारों की छुड़वाई और सब एक ही बात कहते हैं, वजन कम हो गया, पहले से अच्छी नींद आ रही है, घुटने का दर्द कम हो गया, कमर का दर्द कम हो गया, कई तरह की सर्दी जुकाम, तरह तरह की स्नोफीलिया, साइनस जैसी बीमारियों में रिलीफ आया, क्योंकि खून शुद्ध होने लगा ना तो सब ठीक ही होने वाला है। तो आप इसको करिए और दूसरों को भी बताइए, और आप इस काम को थोड़ा गंभीरता से कर पाए तो आप स्वस्थ होने के रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे, बीमारियां बहुत कम हो जाएंगी। तो डायबिटीज के बहाने मैंने आपसे ये बात कही, थोड़ा जल्दी जल्दी 2-3 बातें और कह दूं, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको है, ये तो डायबिटीज की बात हुई, हाई ब्लड प्रेशर आपको है तो आप 3 प्राणायाम करिए, भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधा घंटा, अनुलोम विलोम आधा घंटा, और हर दिन थोड़ी कुछ आयुर्वेदिक दवाएं ले लीजिए जो घर में ही है। जैसे एक बहुत अच्छी दवा आपके घर में है, दालचीनी, दालचीनी मसाले के रूप में आप यूज करते हैं, वो आप खाइए, पत्थर में पीस के पाउडर बना के, आधा चम्मच दालचीनी रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ। और अगर थोड़ा खर्च कर सकते हैं तो दालचीनी को शहद के साथ लीजिए, आधा चम्मच शहद, आधा चम्मच दालचीनी गरम पानी के साथ, बहुत अच्छी दवा है हाई बीपी के। दूसरी और एक अच्छी दवा है, आप चाहें तो वो उसे भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक, या तो वो या तो ये। दूसरी दवा है मेथी दाना, मेथी दाना आधा चम्मच लीजिए, 1 गिलास गरम पानी में रात को भिगा दीजिए, रात भर पड़ा रहने दीजिए उसको पानी में, सवेरे उठकर पानी को पी लीजिए,
और मेथी दाने को चबा के खा लीजिए, ये बहुत जल्दी आपका हाई बीपी ठीक करेगा, 1.5 से 2 महीने में बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। और एक तीसरी दवा है हाई बीपी के लिए, अर्जुन की छाल। अर्जुन एक वृक्ष होता है, कहीं भी मिलता है, छत्तीसगढ़ में तो शायद हर जिले हर गांव में मिल जाता है। ये वृक्ष का जो तना होता है वहां से कुछ छाल उतरती है सूखी, वो बाजार में मिलती है, आप खरीदेंगे तो 25-30 रुपए किलो में मिलेगी, बहुत सस्ती। इस अर्जुन की छाल को धूप में सुखा के पत्थर में पीस के बना लीजिए इसका पाउडर, आधा चम्मच पाउडर, आधा गिलास गर्म पानी मिला के ले लीजिए। बहुत अच्छा होगा कि आधा चम्मच अर्जुन छाल पाउडर को आधा गिलास गर्म पानी में उबाल दें और खूब उबलने के बाद इसको चाय की तरह से पिए। ये हाई बीपी को ठीक करेगा, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स को ठीक करेगा, मोटापा कम करता है ये, हार्ट में अगर कहीं आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज को भी ये निकाल लेता है अर्जुन की छाल। डॉक्टर्स जिनके बारे में ये कहते हैं ना कि दिल कमजोर है आपका, अगर दिल कमजोर है तो आप जरूर अर्जुन की छाल लीजिए हर दिन, दिल बहुत मजबूत हो जाएगा। आपका ESR ठीक होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाए, बहुत अच्छी दवा है ये अर्जुन की छाल। और एक अच्छी दवा है अपने घर में, उसका नाम है लौकी का रस। 1 कप लौकी का रस रोज पीना सवेरे खाली पेट, नाश्ता करने से 1 घंटे पहले। और इस लौकी के रस में धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, तुलसी पत्ता, 5 धनिया पत्ता, 5 पुदीना पत्ता, 5 तुलसी पत्ता मिला के 3-4 काली मिर्च पीस के ये सब डाल के पीना, बहुत अच्छा, इसे आपका बीपी ठीक करेगा और ये हृदय को भी बहुत व्यवस्थित कर देता है। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने पिछले 10 वर्षों में करोड़ों भारतवासियों को लौकी का रस पिलाया और गंभीर रोग ठीक हुए, उनके डायबिटीज ठीक हुई, हाई बीपी ठीक हुआ। आज स्थिति ये है कि जो लौकी कभी 2 रुपए किलो बिका करती थी अब वो 20 रुपए किलो, क्योंकि डिमांड बढ़ी ना तो कीमत बढ़ गई। हमें इसका कोई अफसोस नहीं, अगर थोड़ी कीमत भी बढ़ी तो फायदा किसी किसान को ही मिलेगा। आप चाहें तो लौकी को अपने घर में भी लगा सकते हैं, थोड़ी भी कच्ची जमीन है, लौकी आराम से होती है। और लौकी के बारे में कहा जाता है कि खराब से खराब जमीन में पैदा हो जाए, घर में भी लगा सकते हैं, छत में लगा सकते हैं। अगर आपकी छत है, एक गमला है ना, गमला मिट्टी का, उसी में लौकी लग जाए, एक बीज डालिए, बेल हो जाएगी, लौकी पूरी आएगी। और इसके 2 फायदे, छत पे लौकी की बेल फैला दीजिए तो नीचे का तापमान कम हो जाएगा अंदर का। लौकी तो मिलेगी फ्रेश, घर के अंदर का तापमान कम हो जाए, करके देखा मैंने, और इसमें कम से कम 3 से 4 डिग्री का फर्क आ जाता है घर के तापमान, तो अंदर की गर्मी आप कम कर पाएंगे और आपको फ्रेश लौकी मिल जाएगी। मैंने इसका हिसाब निकाला था कि 100 वर्ग फीट की छत अगर किसी के भी पास है, 10 फीट लंबी 10 फीट चौड़ी, तो इसमें कम से कम 100 वर्ग फीट की छत में 5,000 रुपए की लौकी पैदा कर सकते, कम से कम, खुद खा सकते हैं, पड़ोसियों को खिला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत भरपूर फल देने वाली बेल क्रीपर है, सूर्य के प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करके काम करने वाला ये पौधा है। तो आप लौकी का रस पिए, बहुत अच्छा है, हाई बीपी भी ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखेगा, ट्राइग्लिसराइड ठीक होंगे, डायबिटीज में भी काम आता है, शुगर को भी ठीक कर देता है, कई काम कर देता है। और एक दवा बताता हूँ, बहुत अच्छी दवा है, बिल्कुल मुफ्त की दवा है वो, तो बेल पत्र के पत्ते, ये हाई ब्लड प्रेशर में बहुत काम आते हैं, आप इसको उपयोग करिए। 5 पत्ते ले लीजिए बेल पत्र के, पत्थर में पीस के बनाइए उसकी चटनी, और जो चटनी बन गई बेल पत्र के पत्ते की, उसको 1 गिलास पानी में डाल के खूब गर्म कर दीजिए, इतना गर्म करिए कि पानी आधा हो जाए, फिर इसको ठंडा करके पी लीजिए, ये सबसे जल्दी हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। और ये बेलपत्र आपके शुगर को भी नॉर्मल कर देगा।
जिनको हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों है उनके लिए ये सबसे अच्छी दवा है। बेलपत्र, शुगर भी ठीक होगी, ब्लड प्रेशर भी ठीक। और ये बेलपत्र वही है जो हम शंकर भगवान को अर्पित करते हैं। मेरा एक निवेदन है कि आप जब शंकर भगवान को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो शंकर जी का स्पर्श करा के ये वापस ले आइए, क्योंकि ये प्रसाद है। आप वहां मंदिर में छोड़ देते हैं बेलपत्र को, पुजारी क्या करता है, वो इकट्ठा करके कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। मैंने इसका हिसाब निकाला था कि जितने शंकर जी के मंदिर भारत में हैं, सावन के महीने में, सावन का महीना सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पूजा पाठ का महीना होता है, तो श्रावणी चार सोमवार, कभी कभी पांच आते हैं, उन पांच सोमवारों को जितना बेलपत्र हमारे मंदिरों में चढ़ा दिया जाता है, अगर वही हम इकट्ठा कर लें और उसको सुखा के पाउडर बना लें तो 20 करोड़ भारतवासियों का हाई ब्लड प्रेशर इससे ठीक किया, हाई बीपी भी ठीक कर पाएंगे हम, शुगर भी ठीक कर। अब होता यह है कि हम तो बेलपत्र छोड़ के चले आते हैं, पुजारी को कोई काम नहीं है उसका, वो बेचारा अगले दिन सफाई करके फेंक देता है कचरे में, और कहाँ जाता है वो तो मुझे मालूम नहीं, कोई जानवर भी खा ले तो भी अच्छा है। लेकिन मेरी आपसे यही दरखास्त है, निवेदन है कि आप शंकर जी को बेलपत्र जरूर अर्पित करिए, लेकिन उनको स्पर्श करा के वापस ले लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए शंकर जी ने दिए हैं। शंकर जी को तो कोई हाई बीपी नहीं है, ना उनको डायबिटीज, ये तो आपकी समस्या। और बेलपत्र इतना है भारत में शायद इसलिए क्योंकि पता है भगवान को कि हम इन बीमारियों में फंसे हुए, इसलिए हर गांव में बेलपत्र का पेड़ मिल जाएगा। तो ये ईश्वर ने आपको बिल्कुल मुफ्त दिया है, लेकिन ये बहुत कीमती है। कॉस्ट इसका शायद जीरो है, लेकिन वैल्यू बहुत है इस, फालतू बर्बाद मत करिए। अगर यहाँ कोई पुजारी जी बैठे हैं तो उनको निवेदन है कि अगर मंदिर में बेलपत्र आ रहे हैं तो उनको फेंकिए मत, सुखाइए, पत्थर में पिसवा के पाउडर बनाइए और उसकी पुड़िया बना के भक्तों को वापस दे दीजिए, ये प्रसाद है शंकर जी, और उनको कहिए कि वो पानी में उबाल उबाल के पीते रहे ताकि हाई बीपी भी ठीक रहे और शुगर भी ठीक। बहुत अच्छी दवा। और एक बढ़िया दवा बताता हूँ आपको हाई बीपी के लिए, वो भी बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी इस देश में, गाय मूत्र पिए आधा कप रोज सुबह खाली पेट। हमारी भारत की जो गाय है जिसको हम देशी गाय कहते हैं, स्वदेशी गाय कहते हैं, इसका आधा कप मूत्र रोज सुबह खाली पेट कोई भी पिए, हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ठीक होता है। और ये गोमूत्र बहुत अद्भुत है, ये हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, ये लो बीपी को भी ठीक करता है, दोनों में काम आता है। और यही गोमूत्र डायबिटीज को भी ठीक कर लेता है। अगर आप खाली गोमूत्र पी रहे हैं तो आपकी शुगर भी ठीक होगी, बीपी भी ठीक होगा, और ये गोमूत्र पिए ना तो घुटने का दर्द भी ठीक होता है, अर्थराइटिस, गाउट दोनों ठीक होते हैं। ये अगर गोमूत्र आप पी रहे हैं तो दमा भी ठीक होता है, अस्थमा ठीक होता है, ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो जाता है गोमूत्र से। हमने परीक्षण करके देखा है कि अगर किसी व्यक्ति को आप एलोपैथिक मेडिसिन दें ट्यूबरकुलोसिस के लिए, उसको 9 महीने लगते हैं ठीक होने, लेकिन उसी पेशेंट को गोमूत्र पिला दो तो 3 महीने में ही ठीक हो। और एक रोचक बात बताता हूं कि जिनको हम एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, उनको ट्यूबरकुलोसिस बार बार आती है, एक बार ठीक होगी थोड़े दिन में फिर आ जाएगी, फिर ठीक होगी फिर आएगी, लेकिन जिनको गोमूत्र पिला दिया उनकी ट्यूबरकुलोसिस एक बार ठीक होती है, दोबारा नहीं आती, इतना प्रभावी है। आप इसे बिल्कुल मत भूलिए, ट्यूबरकुलोसिस के केस में अस्थमा है, दमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, माइग्रेन है, हेडेक है, आपके शरीर में वजन ज्यादा है, मोटापा है, आपके जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, गाउट है। हमने 48 बीमारियों में इसका परीक्षण किया है और ये बहुत बढ़िया दवा है, बहुत अच्छी दवा। इसलिए गाय मूत्र को अमृत के समान माना गया भारत के आयुर्वेद। आप जरूर इसका उपयोग करें। बस इसमें दो सावधानी है। पहली सावधानी तो मैंने बता दिया कि गाय मूत्र लेना तो वो गाय स्वदेशी होनी चाहिए, विदेशी गाय का नहीं लेना। भारत में गाय भी विदेशी है,
जर्सी होलिस्टीन फ्रीजियन उसका मूत्र अच्छा नहीं, वो मत पीना, जो स्वदेशी गाय है उसे करें। आप ये पूछोगे पहचान कैसे करें स्वदेशी गाय की, बहुत आसान है। जिस गाय का शरीर ऊपर से आप देखो उसकी पीठ ऐसे सपाट है प्लेन, वो सभी विदेशी गाय। और जिस गाय की पीठ पर ऐसे करके कंधा निकला हुआ है पीछे, वो सभी देशी गाय, भारत की गाय। तो ऐसे कंधा निकला हुआ अगर अच्छे से निकला है बढ़िया, तो वो सबसे अच्छी गाय, उसी का मूत्र पीना। और दूसरी एक सावधानी है कि गाय का मूत्र जब आप लेंगे तो वो गाय गर्भावस्था में नहीं होनी चाहिए। अगर गाय गर्भवती है तो उसका मूत्र नहीं लेना, और ये तो पता आपको हो ही जाएगा वो गर्भवती है या नहीं। गर्भवती गाय के मूत्र से एसिडिटी बढ़ जाती है, ये गर्भवती गाय का मूत्र एसिडिक हो जाता है। वैसे गाय का मूत्र जो है ना वो एल्केलाइन है, क्षारीय है, लेकिन जब गाय गर्भावस्था में होती है तो मूत्र उसका एल्केलाइन नहीं रहता, वो एसिडिक हो जाता है, और वो एसिडिक मूत्र आपको तकलीफ करेगा, इसलिए वो आप नहीं लेंगे। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि कुमारी गाय का मूत्र लेना, जो माँ नहीं बनी उसका लेना, जो बछड़ी है बछिया है उसका लेना, ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है वो मूत्र लेना। आगे चलें, कुछ और बीमारियों की बात करूं। अभी हाई बीपी तो हो गया, इतनी दवाएं, लेकिन बस मेरा निवेदन है कि जितनी मैंने दवाएं बताई इनमें से कोई एक ही लेनी है आपको। हाँ, आप दालचीनी चाहो तो दालचीनी ले लो, आप मेथी का दाना चाहो तो मेथी का दाना ले लो, लौकी का रस चाहो तो लौकी का रस ले लो, बेलपत्र चाहो तो बेलपत्र का काढ़ा, एक ही लेना और प्राणायाम के साथ, तो बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएगी। आगे चलें, लो बीपी। लो बीपी की एलोपैथी में तो कोई दवा नहीं, देखो आप आयुर्वेद में बहुत दवाएं हैं, भरपूर दवाएं हैं लो बीपी। सबसे अच्छी दवा है गुड़, ये जो गुड़ है ना ये पानी में घोल के नमक मिला के नींबू का रस डाल के पीना, एक गिलास पानी 15-20 ग्राम या 25 ग्राम तक गुड़ मिलाओ और उसमें डालो नमक और डालो नींबू का रस और पीओ, दिन में 2-3 बार पी लो, लो बीपी सबसे जल्दी ठीक होगा इससे। और एक अच्छी दवा है लो बीपी की, बहुत बढ़िया दवा, अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो रोज अनार का रस पीओ, नमक डाल, बहुत जल्दी लो बीपी ठीक होगा। अनार का रस, गन्ने का रस पियो नमक डाल के, ये भी लो बीपी ठीक करता है। संतरे का रस पियो नमक डाल के, ये भी लो बीपी ठीक करता है। अनन्नास का रस पी सकते हैं नमक डाल के, ये भी लो बीपी ठीक करता है। और एक बढ़िया दवा बताता हूँ लो बीपी की, मिश्री और मक्खन मिला के खाओ, ये लो बीपी की सबसे अच्छी दवा है। मक्खन मिश्री मैं आप निकालते, बाजार वाला नहीं, दही बना के उसमें से मक्खन जो निकलता है वो मक्खन ताजा और मिश्री मिला के खाओ, श्री कृष्ण भगवान की डाइट है मक्खन मिश्री, रोज खाते और इसी की ताकत से कंस को मार, जरासंध को मार, इसी की ताकत से। मतलब मैं आपको बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, मक्खन खाने से मत डरो, जब श्री कृष्ण खाते थे तो आप भी खाओ। आप कहेंगे जी डॉक्टर तो मना करता है, हाँ डॉक्टर मना करता है, क्यों? क्योंकि डॉक्टर को जो पढ़ाया गया है वो मक्खन के बारे में नहीं पढ़ाया, मक्खन तो सिर्फ भारत में होता है, डॉक्टरी की जो पढ़ाई है इसका सिलेबस तो आप जानते हैं यूरोपियन अमेरिकन, और वहां मक्खन कौन सा है, पाश्चराइज्ड, वो खतरनाक, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। लेकिन हम जो दही में वो चलाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, मथानी, रही दही में मथानी चला के जो मक्खन निकलता है, ये सबसे जल्दी डाइजेस्ट होने वाला फैट है, इससे जल्दी कोई चीज नहीं हजम होती आप। और मक्खन के साथ अगर मिश्री मिक्स हो गई तो ये एक दूसरे के ऐसे जबरदस्त दोस्त हैं कि इनका कहना क्या। मेरा तो आप सभी को निवेदन है कि आपके घर के छोटे बच्चों को ये रोज खिलाओ मक्खन मिश्री, और थोड़ा सा काली मिर्च, काली मिर्च है, थोड़ी काली मिर्च डाल दो मक्खन मिश्री मिक्स करके, रोज नाश्ते में दे दो बच्चों को, तो जरूर देना। ओ मिश्री जो है ना चीनी से नहीं बनती, वो खांड सारी से बनती है,
चीनी बनाने का प्रोसेस बिल्कुल अलग है, मिश्री बनाने का बिल्कुल अलग। और मिश्री जब आप खरीदना ना बाजार से, तो मैं बताता हूँ, वो एक गोल बॉल जैसी आती है जिसमें धागा लगा रहता है, वो खरीदना। आजकल मिश्री ऐसी भी आने लगी है जो चीनी जैसी क्यूबिक फॉर्म में, वो मत लेना, वो चीनी से ही बन रही है। जो असली मिश्री है वो बॉल की तरह से होती है, गोल गोल होती है, उसमें धागा लगा रहता है, वो खांड से बनती है। खांड जो है ना चीनी से बिल्कुल अलग चीज है। तो आप वो वाली मिश्री खाओ, मक्खन मिला, बहुत बढ़िया। और मिश्री ना मिले तो गुड़ तो है ही, गुड़ और मक्खन खाओ। लो बीपी में इतने अच्छे रिजल्ट हैं इसके जो किसी मेडिसिन के नहीं, मक्खन गुड़ या मक्खन मिश्री। और एक बढ़िया दवा बताता हूं लो बीपी की, दूध में घी मिला के पियो, 1 गिलास दूध, 1 चम्मच घी, और घी ये गाय वाला, ना मिले तो भैंस वाला भी चलेगा, लेकिन अच्छा गाय वाला, और गाय वही जो देशी। 1 चम्मच घी, 1 गिलास दूध रोज रात को पी के सो जाओ, लो बीपी बहुत अच्छे से ठीक होगा। और एक बढ़िया दवा है लो बीपी की, वो तो सबसे अच्छी दवा है, सबसे सस्ती है, नमक का पानी पियो, पानी में नमक डाल के पीते रहो। जो सबसे गरीब लोग हैं, जो ना मक्खन खा सकते हैं, ना मिश्री खरीद सकते हैं, ना गन्ने का रस, ना अनार का रस, तो उनको बता दो कि पानी और नमक इतना तो पी ही सकते हैं, और गुड़ डाल दें तो और भी अच्छा है उसमें। नहीं डालें तो नमक पानी पीते रहें दिन में 2-3 बार। मैंने देखा है भारत में, मेरा अनुभव है कि ज्यादा गरीब लोगों को लो बीपी की ही शिकायत है। क्यों? खाने पीने को अच्छे से नहीं मिल रहा है, भरपूर नहीं मिल रहा। तो लोग जिनको खून कम होगा उनको बीपी कम होने ही वाला, तो उनको इतना हम बता सकते हैं कि नमक घोल के पानी में पीते रहे, बहुत अच्छा है। आगे चलें, हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज, तीन हो गया। अब चौथी कुछ गंभीर बीमारी जैसे दमा अस्थमा है, मैं एक दवा तो पहले ही बता चुका हूँ, गाय मूत्र पिए हैं दमा अस्थमा ट्यूबरकुलोसिस में। दूसरी दवा है दालचीनी, ये शहद मिला के खाएं गर्म पानी के साथ, आधा चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच शहद गर्म पानी के साथ। पेट से जुड़ी हुई कुछ बातें कर लें, हमारे पेट में अगर कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है, तो इसकी सबसे अच्छी दवा अपने घर में है अजवाइन। अजवाइन ले लें, कच्ची अजवाइन सबके घर में है, आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच गुड़, दोनों मिलाएं और चबा के खाएं, पीछे से गर्म पानी पी लें, और ये रात में ही खाएं सोते समय। जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, पेट साफ नहीं होता, वो रात को सोते समय 1 चम्मच गुड़, आधा चम्मच अजवाइन मिला के चबा के खाएं और पीछे से गर्म पानी पिए, सुबह उठते ही पेट साफ होगा। शायद 1 मिनट भी आप वेट नहीं कर पाए, इतना बढ़िया मेडिसिन है ये अजवाइन और गुड़। और एक अच्छी दवा है कॉन्स्टिपेशन के लिए, त्रिफला चूर्ण, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी से रात को ले लें, नहीं तो गर्म दूध से ले लें, बहुत अच्छी दवा। और एक तीसरी दवा है अनार का रस पिए, पेट साफ होता है। चौथी एक दवा है अंगूर का रस पिए, बहुत पेट साफ होता है। अनार चबा के खाएं तो भी पेट साफ होगा, अंगूर चबा के खाएं तो भी पेट साफ होगा। सलाद ज्यादा खाएं, खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर, पेट बराबर साफ होगा। और एक बड़ी को बिल्कुल मुफ्त का इलाज बताता हूं, अगर आपको अच्छे से पेट साफ रखना है अपना, खाने को खूब चबा चबा के खाएं तो कभी भी पेट साफ ही होने वाला है। जल्दी खाना ना खाएं, बस इतनी सी बात, एक रोटी का टुकड़ा मुंह में डालें, 32 बार चबाएं, जितने दांत उतनी बार चबाएं, तो खाना बिल्कुल पानी की तरह होके शरीर में उतरे, तो कभी भी कॉन्स्टिपेशन हो ही नहीं सकता। बस इतना सा ध्यान रखें, खाना चबा चबा के खाएं और पानी घूट घूट करके पिए, सिप करके पानी पीने की आदत डालें। पानी को गटागट नहीं पीना, एक सिप पानी पिया, थोड़ी देर रुके, फिर पिया, फिर रुके, फिर पिया, फिर रुके, फिर पिया, ऐसे पानी पी। फायदा क्या है इसमें? मुंह में लार बनती है ना, हर से 1 मिनट में 0.5 मिलीग्राम लार बनती है मुंह में,
तो हर एक मिनट में एक एक घूंट पानी पिएंगे तो ये लार बार बार अंदर जाएगी। और ये है चमत्कार, लार जो है ना ये कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है वो दो ही कारण से है, खाना जल्दी खाएंगे लार अंदर कम जाएगी, पानी जल्दी पिएंगे लार कम जाएगी, तो कॉन्स्टिपेशन होने वाला। आप लार को ज्यादा अंदर लेके जाओ तो खाना चबाने के पीछे भी यही कारण है कि ज्यादा लार अंदर जाए और पानी घूट घूट पीते रहो। देखो मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, इसको आप जो है ना हंसी में मत टालना, ये हंसने की तो बात है लेकिन हंसी में ना छोड़ना इसको। जितने जानवर है ना, पशु पक्षी, मनुष्य को छोड़कर सारे पशु पक्षी, किसी को भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। देख लो किसी को, वो 1 से 1.5 मिनट में फ्लश आउट कर देते हैं सब कुछ, शायद कभी कभी आधे मिनट में ही करते हैं, और हमको टॉयलेट में 1-1 घंटा लगता है। कई लोग तो 2-2 घंटे बैठे रहते हैं टॉयलेट। हाँ, और उनको पूछो क्या करते हो, भाई 2 घंटे टॉयलेट में, कहते न्यूज पेपर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, स्टूल पास आउट नहीं होता, इंतजार करते रहते हैं और फिर भी नहीं होता तो खूब ताकत लगाते हैं, हाँ सब करते हैं फिर भी नहीं होता, फिर गाना भी गा लेते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी। और कभी कभी जब बहुत तकलीफ होती है ना तो और एक गाना गाते हैं, एक बार आ जा आ जा आ जा, वो कभी नहीं गाती। ये सारा कहानी आदमी मनुष्यों का, जानवरों को नहीं, वो 1 मिनट में आधे मिनट में सब कुछ एक्सक्रीटा उनका निकल जाता है मन में। क्यों, आप देखो सारे जानवर खाने को चबा चबा के खाते हैं। गाय को देखो, भैंस को देखो, बैल को देखो, बकरी को देखो, किसी को भी देखोगे वो इतना चबाते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, बैठ जाते हैं, फिर जुगाली करते हैं, जो खाया हुआ खाना है ना उसको वापस चबाते हैं, तो किसी को कॉन्स्टिपेशन है। और पानी सब घूट घूट पीते, सारे पशु पक्षियों को आप देखोगे पानी सिप सिप करके पिए, कुत्ता है ना चाट चाट के पानी पीता है, शेर चीता ये सब चाट के पानी पीते हैं, गाय बैल भैंस घूट भर भर के पानी पीते हैं। तो ये दो नियम पालन करते हैं सारे पशु पक्षी, इसलिए वो हमसे ज्यादा स्वस्थ है। मैंने आज तक किसी पक्षी को ओवर वेट नहीं देखा, किसी की तोंद बाहर नहीं निकलती, कोई ओवर वेट नहीं, हमसे ज्यादा स्वस्थ है, मस्त है, स्लिम और ट्रिम, क्योंकि वो प्रकृति के बनाए नियमों का पालन करते हैं। और ये दो नियम बहुत महत्व के हैं, खाने को चबा के खाना और पानी को घूट घूट करके पीना, आप करो इनका पालन। तो ये दो नियम से फायदा पता है क्या होगा, पेट तो साफ ही होगा, जिंदगी में आपको हमेशा वात पित्त कफ संतुलित रहे, ऐसी ताकत है इन दो नियमों। और वात पित्त कफ अगर संतुलित है तो बीमारी नहीं पड़ोगे आप। तो आयुर्वेद में एक रास्ता तो यह है कि हम इलाज क्या करें, दूसरा रास्ता है बीमार ही ना पड़े। आगे चले और कुछ दवाएं बताता हूं, जैसे पेट से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां हैं, अर्श, अर्श माने बवासीर, पाइल्स, हेमरॉइड्स, फिस्टुला, फिशर, इसमें बहुत अच्छी दवा है मूली का रस, मूली का रस पिए, 1 कप मूली का रस खाना खाने के बाद रोजाना पिए, बहुत जल्दी आपकी बवासीर माने पाइल्स ठीक हो जाए। और मूली का रस जो है ना दोनों तरह की बवासीर को ठीक करता है, खूनी और बादी। पाइल्स तो 2 तरह की होती है ना, एक खूनी और एक बादी, दोनों ठीक हो जाती है मूली के रस। मूली के रस से फिशुला फिशर भी ठीक होने में बहुत मदद मिलती है। और एक अच्छी दवा है अपने घर में इस बीमारी के लिए, पाइल्स और हेमराइड्स के लिए, कपूर, ईश्वर की पूजा करने के लिए जो कपूर हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन। क्या करना है, थोड़ा सा कपूर लेना, बहुत मामूली सा, और केले में लगा के उसको केला खा जाना तो ये अंदर चला जाए। और इसकी रोज लेने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1 ही दिन लेना, और 1.5-2 महीने में बिल्कुल ठीक कर देगा आपके पाइल्स को। और एक अच्छी दवा है नारियल, है ना नारियल, उसके ऊपर के जो रेशे निकलते हैं
जिनको हम छीन के फेंक देते हैं, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है पाइप्स। ये नारियल के रेशे पत्थर पे पीस दो और इसका पाउडर बना दो, या इसको पहले जला लो। और एक दवा है, ये अनार है ना, अनार भी बहुत अच्छी मेडिसिन है इसके। आगे चले, डायरिया डिसेंट्री हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छी दवा है घर में जीरा, आधा चम्मच जीरा चबा के खाओ, पीछे से गुनगुना पानी पी लो, ये एक खुराक में ही ठीक कर देता है डिसेंट्री। और एक अच्छी दवा है अपने घर में, कच्चा दूध बिना गर्म किया हुआ आधा कप, और उसमें नींबू निचोड़ के जल्दी पी लो, क्योंकि नींबू डालें तो दूध फटेगा, फटने से पहले पी जाओ, बहुत जल्दी ठीक कर रहा है। ये एक ही खुराक लेना, उतने में डायरिया ठीक हो जाए, दूसरी लेने की जरूरत नहीं। घुटनों का दर्द है, गठिया संधिवात, इसकी एक दवा तो मैं बता चुका हूं गोमूत्र, दूसरी दवा है मेथी हल्दी सौंठ, मेथी 100 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, तीनों को पाउडर के रूप में एक दूसरे में मिला ले, और एक चम्मच लेना है सुबह खाली पेट गर्म पानी से, ये घुटने का दर्द ठीक होगा। और एक अच्छी दवा है, एक पेड़ आता है उसको हार सिंगार कहते हैं, कई लोग उसको परिजात कहते हैं, उसमें सफेद फूल आते हैं और फूल की जो डंडी है वो नारंगी होती है हमेशा, और बहुत खुशबू आती है, और फूल रात को बहुत खिलते हैं, और सवेरे देखोगे तो सब जमीन पे पड़े हुए मिलते हैं। वो हार सिंगार के पत्ते 5 ले लो, पत्थर में पीस के उसकी चटनी बना लो, चटनी बना के एक गिलास पानी में इतना गर्म कर देना कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको पीना, छानना नहीं, फिल्टर नहीं करना, ऐसे पीना ठंडा कर। मैंने देखा जिनको 20-20 साल से घुटनों का दर्द है, गठिया था, संधिवात का, 2 महीने में ही ठीक हो गया। ऐसे कई मरीज हमने देखे जो टोटली बेड रिडन है गठिया के कारण, शरीर एकदम अकड़ गया उनका, हिलना डुलना भी नहीं होता, उनको ये पिलाया, 2.5-3 महीने में सब ठीक हुए, चलना शुरू कर गए, बहुत अच्छी दवा है। आप जो बुजुर्ग लोग अपने घर में है ना, बड़े बूढ़े लोग जिनके घुटने हमेशा दर्द करते हैं, चलना मुश्किल होता है, उनको सबको ये बताओ हार सिंगार के पत्ते का काम। कभी कभी डॉक्टर आपको ये कहे ना कि नी जॉइंट्स बदलवा दो, ये घिस गए, जरूरत नहीं है, आप ये काढ़ा पी लो, वो पुराने घुटने ही काम करेंगे, बहुत अच्छी मेडिसिन। और यही मेडिसिन, ये हार सिंगार के पत्ते का काढ़ा फीवर के लिए, बुखार के लिए बहुत अच्छी औषधि है। कई बार ऐसे खतरनाक किस्म के बुखार हमको आ जाते हैं, जैसे चिकनगुनिया है, डेंगू फीवर आए, इंसेफ्लाइटिस, ब्रेन मलेरिया जिसको हम कहते हैं, वायरल फीवर, ये सब तरह के बुखार को अकेला ही ठीक कर देता है हार सिंगार के पत्ते का काढ़ा। 5 पत्ते तोड़ना, पत्थर में पीस के चटनी बना के एक गिलास पानी में इतना गर्म करना, पानी आधा हो जाए, फिर ठंडा करके पीना। बुखार के केस में ये 3 दिन से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सभी बुखार 3 दिन में लगभग ठीक हो जाए। और जो घुटने का दर्द है तो इसको 3 महीने तक ले सकते हैं हर दिन, और लेना सवेरे खाली पेट ही सबसे अच्छा। और एक दवा है बुखार की, तुलसी पत्ते, 15-20 तुलसी पत्ते तोड़ लो, 3-4 काली मिर्च ले लो, पत्थर में पीस के उसको बना लो चटनी जैसा, पानी में गर्म करके पी जाओ, बहुत अच्छी दवा है, ये भी फीवर को ठीक कर। और एक अच्छी दवा है हमारे घर में है बुखार के लिए, वो क्या है, एक नीम के पेड़ पर आपने अक्सर देखा एक बेल आती है, क्रीपर, उसको गिलोय कहते हैं, अमृता कहते हैं, गुड़ुच कहते हैं, गुड़ुंच कहते हैं, ये बहुत अच्छी दवा है। उस बेल की थोड़ी सी लकड़ी काटो चाकू से, इतनी सी, और पत्थर में पीस के पानी में उबाल दो, उबालना इतना है कि पानी आधा हो जाए, बस उसको पी लो ठंडा करके, तो खराब से खराब बुखार इससे जल्दी उतर जाता है। और हमने इसके प्रयोग किए हैं कि बहुत जब गहरा बुखार आता है, बहुत फीवर हाई होता है, तो बॉडी में नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं ब्लड में, तो मरने की हालत होती है पेशेंट, उस कंडीशन में ये बेस्ट मेडिसिन नीम की गिलोय अमृता।
गुड़च। जब प्लेटलेट्स कम हो जाए ना किसी के, तुरंत बोलना उसको कि इसका काढ़ा पी। और एक काम में ये काम लेना आप इसको, जब WBCs बहुत तेजी से गिरे, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स बहुत कम हो जाए और पेशेंट के मरने की स्थिति आए, तब आप जरूर बताना उसको। आयुर्वेद में इसको अमृता कहा है, अमृत जैसी, माने मरते हुए को जिंदा कर लिए ऐसी दवा। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि घर में अगर आप इसको लगा दो, ये बेल को, तो नीम के पेड़ पे तो होती है, किसी भी पेड़ पे होती है। मैंने देखा जिसके घर में ये लगा दिया उसके घर में मच्छर नहीं आ सकते। ये मुफ्त का मॉस्किटो रिपेलेंट है, घर में लगा के छोड़ दो मच्छर अंदर नहीं आए। मैंने अपने घर में करके देखा, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और कुछ दो चार दवाएं जल्दी जल्दी बताता हूं जो आपके बहुत काम आएंगी। जैसे सिर दर्द है, माइग्रेन है, हेडेक है, इसकी बहुत अच्छी दवा है गाय का घी। हल्का गर्म करो गाय घी और एक एक बूंद नाक में डाल के रात को सो जाओ, सभी तरह के सिर दर्द ठीक होते हैं। और गाय घी अगर आप नाक में डालो ना तो कई बीमारियां ठीक होंगी। जैसे अगर आपको रात में नींद नहीं आती, बिस्तर पे करवटें बदलते रहते हैं, आप ये गाय घी डाल के सो जाओ, बहुत अच्छी नींद है। कई लोग हैं जो रात को सोते समय नाक से संगीत निकालते हैं और इतना जोरदार संगीत निकलता है कि पड़ोसी उनके सो ही नहीं सकते, वो तो मस्त सो जाते हैं, पड़ोसी परेशान रहते हैं। उन सभी लोगों की सबसे अच्छी दवा है ये गाय घी। हल्का गर्म करो, एक एक बूंद नाक में डालो ड्रॉपर की मदद से। गाय घी और बड़े काम में आता है, जैसे साइनस, साइनोसाइटिस या साइनस, उसकी बहुत अच्छी दवा है ये गाय घी। किसी को भी साइनस की तकलीफ है, कितनी भी पुरानी है, आप उनको बोलो गाय घी डालें, आप बहुत जल्दी ठीक। इसनोफीलिया जिनको भी है उनको बोलो गाय घी डालें नाक में, बहुत जल्दी ठीक होगा। और जैसे नाक में कई बार हड्डी बढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है, पॉलिप, उसकी बहुत अच्छी दवा है ये गाय, हल्का गर्म करके डालते। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जिनको बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, हर समय छींकते हैं, नाक से पानी निकलता, उनको बोलो गाय घी डाल के रात को सो। कई बार नाक बंद हो जाती है तो मुंह से सांस लेते हैं, गाय घी डाल दो, एक ही बार में नाक खुल जाए। और बहुत गंभीर एक बीमारी में ये काम आता है गाय घी। जब किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, और हमारे ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लड जमा हो जाता है, क्लॉट, उसको निकालने की ताकत इस गाय घी में है। आप नाक में डालते रहो एक एक बूंद, और जिनको ये तकलीफ है उनको कहना ऐसे करके उसको थोड़ा सा खींचे, वो ब्रेन में अंदर जाएगा। गाय भी ब्रेन के हर उस पार्ट में पहुंच जाता है जहां मेडिसिन भी नहीं पहुंच सकती, बहुत अद्भुत है। और ये एक गाय भी कम से कम 28-30 बीमारियां ठीक करता है। आपको इसके बारे में एक रोचक बात बताऊं कि ये गाय भी जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा मिलता नहीं कहीं। आप रखो इसको, थोड़ा थोड़ा शीशी में बना के रखते जाओ, पुराना जितना होता जाएगा क्वालिटी बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आता है कि ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी ठीक करते हैं। और कुछ दवाएं बताता हूं, आंख की बीमारियां, आंख, आंख में मोतियाबिंद हो सकता है, काला मोतिया हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट बीमारी आई, या मायोपिया हुआ, या कलर ब्लाइंडनेस, डे ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सबके लिए बहुत अच्छी दवा है गाय मूत्र, ताजा फ्रेश, एक एक बूंद आंख में डालो, बहुत अच्छा काम करता है। आंखों में ऐसी कई बीमारियां हैं जो जल्दी ठीक नहीं होती, जैसे रेटिनल डिटैचमेंट ठीक नहीं होता जल्दी, लेकिन गाय मूत्र डालने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब इसमें सावधानी वही है कि गाय गर्भवती ना हो और मूत्र देशी गाय का। कान की कई बीमारियां हैं, कान में एक एक बूंद गोमूत्र डाल दो ठीक हो जाता है, कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है, एक बूंद गोमूत्र डालो तुरंत दर्द बंद होता है, कान से गंदगी निकलती है, मैल निकलता है, वो ठीक होगा।
कई बार कान में हमिंग साउंड आती है, हम ऐसे कान में घूमता गूंजता रहता है, ये बहुत अच्छे से ठीक होता है गाय बीज से, सॉरी गाय मूत्र से। गले की कई बार कई बीमारियां हैं जो गोमूत्र ठीक कर देता है, और गोमूत्र के साथ एक अच्छी और दवा है हल्दी। गले का इन्फेक्शन है, हल्दी इस्तेमाल करिए। टॉन्सिलाइटिस की बीमारी में हल्दी उपयोग करिए। मेरा आप सबको निवेदन है कि बच्चों के कभी भी टॉन्सिलाइटिस ऑपरेशन मत कराइए, बहुत तकलीफ होती है आगे के जीवन में। क्या करें, हल्दी दीजिए उनको। कैसे दें, आधा चम्मच हल्दी सीधे उनका मुंह खोल के गले में डाल दीजिए अंदर, और थोड़ी देर मुंह बंद करके उनको कहिए बैठ जाएं, तो फिर ये हल्दी है ना लार के साथ अंदर जाएगी, और एक डोज में, सिंगल डोज में आपको टॉन्सिलाइटिस ठीक कर देगी, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा गले। अगर इसको रिपीट करना पड़े ना तो 5-7 दिन के पहले मत करिए, वैसे तो करना नहीं पड़ता, लेकिन करना पड़े तो कम से कम 7 दिन बाद ही रिपीट करिए। और कुछ फुटकर बीमारियां बताता हूं, एक मेडिसिन के बारे में बताता हूं बीमारियां उससे जुड़ी। एक बहुत अच्छी दवा आपके घर में है, पान में जो चूना खाते हैं ना चूना, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है चूना, कई बीमारी ठीक होती है इससे। जैसे आपको जॉन्डिस हुआ, पी लिया चूना खाइए, फिर आप बहुत अच्छी दवा, गन्ने का रस लीजिए उसमें चूना मिला के पी लीजिए, चूना लीजिए गेहूं के दाने के बराबर, और गन्ने का रस ले लीजिए 1 गिलास, और गन्ने का रस ना मिले तो गुड़ का पानी बनाइए 1 गिलास, गुड़ और पानी, और उसमें चूना डाल के पी लीजिए, जॉन्डिस की बहुत अच्छी दवा। और यही चूना जो है ना नपुंसकता की भी दवा है, इम्पोटेंसी वो बेस्ट मेडिसिन। तरीका वही है, गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में, नहीं तो गुड़ के पानी में पी। ये चूना बहुत अच्छी दवा है जॉइंट्स पेन के लिए, अगर घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, चूना गेहूं के दाने के बराबर पानी में मिला के पी सकते हैं, दही में डाल के खा सकते हैं, दाल में मिला के पी सकते हैं, रस कोई जूस में भी पी सकते हैं, जॉइंट्स पेन बहुत जल्दी ठीक होता है। हड्डी का दर्द कितना भी है वो चूना ठीक करेगा। एक बहुत खराब बीमारी है ना स्पॉन्डिलाइटिस, उसमें चूना बहुत अच्छी मेडिसिन। आपके जो पीठ की रीढ़ की हड्डी है इसमें लंबर रीजन में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है L1, L2, L3 के आसपास गैप बढ़ गया है तो आप चूना खाइए, बहुत जल्दी ठीक हो। अगर हड्डी टूट गई है, क्रैक हो गई है, उसको जल्दी जोड़ना है तो चूना खाइए, गेहूं के दाने के बराबर, दही में, नहीं तो छाछ में, नहीं तो दाल में, पानी में, किसी तरह से खाइए। हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी लंबाई बढ़ानी है तो चूना खिलाइए, 2-3 साल लगा और उतना ही दीजिए गेहूं के दाने के बराबर, दही में, दाल में, किसी। हमारे घर में अगर ऐसे बच्चे हैं जो मेंटली थोड़े से वीक हैं, मानसिक रूप से कमजोर है, मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं, मतिमंद, उन सबको चूना दीजिए 2-3 साल लगातार, ऐसे दीजिए दही में, गन्ने के रस में, या तो दाल आदि, बहुत अच्छे से ठीक हो। ये चूना बहुत अच्छे से काम आता है जब आपके दांत में ठंडा गर्म पानी लगे तो उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये चूना बहुत अच्छे से काम आता है जब नाखून में कोई इन्फेक्शन हो जाए, नेल्स में कोई भी बीमारी है, इन्फेक्शन है, तो आप चूना दीजिए, बहुत अच्छे से ठीक हो। ये जो चूना है ना आप इसको जरूर हरेक उस माँ को दीजिए जिसकी उम्र 50 वर्ष हो गई। जब भी कोई मां 50 वर्ष के आसपास की उम्र में आती है ना तो उनका मेंसेस साइकिल बंद हो जाता है, उस समय जो मेनोपॉज पीरियड शुरू होता है उसकी सारी कॉम्प्लिकेशन चूने से ठीक होते हैं। अक्सर हमारी माताओं को बढ़ती हुई उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस का बेस्ट मेडिसिन चूना है। हमारे घर में अगर कोई गर्भवती माँ है उसको जरूर चूना खिलाइए, गेहूं के दाने के बराबर चूना और 1 कप अनार के रस में,
अनार का रस और गेहूं के दाने के बराबर चूर्ण। रोज किसी भी गर्भवती माँ को नाश्ता करने से एक घंटे पहले दीजिए। क्यों? गर्भवती माँ को कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत है और आयरन की बहुत जरूरत है। ये अनार के रस में आयरन बहुत है और चूने में कैल्शियम बहुत है, तो आयरन कैल्शियम का ये कॉम्बिनेशन है अनार का रस और चूना। हमने देखा कि जो माताएं 9 महीने लगातार चूना खाएं और अनार का रस पिए, वो सभी की डिलीवरी नॉर्मल होती है, सीजर नहीं करना पड़ता। दूसरा फायदा ये है कि बच्चे जो जन्म लेते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत स्वस्थ बच्चे होते हैं, वो बच्चे कभी भी बीमार जल्दी नहीं पड़े। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जिन बच्चों की माताओं ने ये चूना खाया है अनार के रस में, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट, क्योंकि ब्रेन और बॉडी दोनों का डेवलपमेंट चूना कराता है। हर मां को बोलिए कि गर्भावस्था में जरूर खाए चूना और अनार का रस। हम डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई कैल्शियम की गोलियां खाते हैं और वो महंगी भी बहुत हैं और उनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं। चूना सस्ता भी बहुत है, क्वालिटी में बहुत अच्छा, मिलावट होती नहीं, क्योंकि इतना सस्ता है कोई मिलावट क्या करे, क्योंकि हर चीज इससे महंगी है जो भी इसमें मिलाई जाएगी। और कभी भी चूना मिल जाएगा पान वाले की दुकान में, कभी भी आप ले सकते। और मेरा तो एक छोटा सा सजेशन है आप सभी को, आपके घर में जो पीने का पानी होता है ना, उसमें रोज चूना डाल दीजिए, तो जो भी पानी पिएगा सबको कैल्शियम मिलेगा। चूने के दो फायदे हैं, एक तो कैल्शियम मिलेगा, दूसरा पानी को ये शुद्ध कर देता है। चूने से पानी सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। हाँ, अब एक 10 लीटर का मटका है, मान लो 10 लीटर के मटके में चावल के या गेहूं के 10-15 दाने के बराबर चूना डाल दो, 20 लीटर के मटके में उसका डबल कर दो। जो भी चूने का पानी पिएंगे उनको जिंदगी में एक तो खून की कमी नहीं होगी, माने ब्लड बराबर बनेगा। खून बढ़ाता है चूना, हीमोग्लोबिन को अगर आप महसूस करते हैं कि कम हुआ तो चूना शुरू कर दो, बढ़ जाता है। पान में भी खा सकते हैं, बस इसमें एक ही बात है कि पान में चूना खाए ना तो उसमें कत्था ना लगाए। ये जो कत्था है ना, ये प्रॉब्लम करता है। ये जो कत्था आ रहा है आजकल बाजार में, ये सब नकली है, क्योंकि असली कत्था बहुत महंगा है तो कोई पान वाला उसे नहीं लगाता, और ये नकली कत्था सब कैंसर है। तो आप चूने का पान खाएं, कत्था ना लगाए। और एक निवेदन है, उस पान में सुपारी ना खाएं। सुपारी के अलावा जैसे सौंफ है वो पान में ले लें, इलायची ले लें, लौंग ले लें, और अगर आप डालना चाहते हैं उसमें तो ये सुआ दाना डालें या कुछ और डालें, लेकिन सुपारी नहीं। सुपारी जो है ना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ये डाइजेस्ट नहीं होती, ये सब स्टोन में कन्वर्ट होती, इसलिए सुपारी ना खाएं। चूने का पान खाएं, बहुत अच्छा, और चूने का पान बेस्ट कॉम्बिनेशन है आयुर्वेद में। देखो मैं आपको बताऊं, चूना वात नाशक है, माने वात की हर बीमारी की चूना दवा है ऐसे, और पान जो है ना पित्त और कफ नाशक है। पित्त की जितनी बीमारियां हैं, कफ की जितनी बीमारियां हैं, पान उनमें औषधि है। तो चूने का पान अगर आप खा रहे हैं तो वात पित्त कफ नाशक चीज खा रहे हैं तो आप तो बीमारी नहीं पड़े, ऐसा अद्भुत कॉम्बिनेशन है चूने का पान। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जिसने भी ये परंपरा शुरू की चूने का पान खाने की, वो बहुत इंटेलिजेंट कोई रहा हो। हमारे घरों में है ना चूने का पान खाते हैं, सब घर में पानदान रहता है। मैंने तो कई शादियों में देखा है दहेज में पानदान देते हैं। हाँ, बिहार में देखा, झारखंड में देखा, आसाम में देखा, बेटी को कुछ और दे ना दे लेकिन पानदान जरूर देते हैं, भरा हुआ पान और चूना। तो ये शायद इसलिए हुआ कि हमें कैल्शियम की बहुत जरूरत है शरीर को, और एक कैल्शियम कम हो जाए शरीर में तो 70 बीमारियां आ जाती, एक कैल्शियम के कम होने से।
तो भारतवासियों ने ये देखा होगा कि कैल्शियम कम होने से इतनी तकलीफें हैं, तो इसलिए चूने के पान की परंपरा आई हमारे देश में। तो आप चूने का पान खाइए, चूना दही में डाल के खाइए, चूना पानी में खाइए, दाल में डाल सकते हैं, दाल बनाते हैं ना, थोड़ा चूना डाल दीजिए, दो खाएगा सबको मिलेगा कैल्शियम। किसी भी तरह दूध में नहीं खा सकते चूना, दूध छोड़कर किसी। और एक आखिरी बात चूने के बारे में है, वो ये कि जिनको स्टोन की प्रॉब्लम है, या तो गॉल ब्लडर स्टोन है, या तो किडनी स्टोन है, या तो मूत्रपिंड में, वो चूना ना खाए जब तक कि स्टोन नहीं निकलता। अब आप ये कहेंगे स्टोन के लिए बताओ क्या दवा है। गॉल ब्लडर स्टोन की दवा है सेब का रस पीने, एक कप सेब का रस रोज सुबह खाली पे 6-8 महीने लगातार। और किडनी स्टोन के लिए क्या है, किडनी स्टोन के लिए गोमूत्र पिए आधा कप, और मूत्रपिंड के स्टोन के लिए भी गोमूत्र पिए आधा कप। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि ये सब इलाज आप करें तो प्राणायाम करते हुए करें, क्योंकि ये सब दवाओं के प्राणायाम से बहुत अच्छे संबंध है। आप प्राणायाम करते हुए ये दवाएं लेंगे, दवाओं का असर कई गुना बढ़ जाता है। जो दवा सामान्य रूप से 3-4 महीने में आपको ठीक करेगी, वही दवा प्राणायाम करते हुए खाएंगे तो 1-1.5 महीने में ही ठीक कर देती। और प्राणायाम 3 सबको करने हैं, मैंने पहले ही बताया, भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधे घंटे, अनुलोम विलोम आधे घंटे। वैसे तो 8 प्राणायाम है, अगर आप सब करें तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते तो 3 तो जरूर करें। अब एक छोटी सी बात और कहता हूं कि मैं तो ये बोलता ही जा रहा हूं और घड़ी की तरफ देखा तो बहुत समय हो गया मुझे और एक विषय पे आपसे बात करनी है, इसलिए अब इसको मैं यही ड्रॉप करता हूँ। आप आगे अगर इस विषय में और जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप एक पुस्तक पढ़िए, पतंजलि योग पीठ की तरफ से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, उसका नाम है जड़ी बूटी रहस्य, जड़ी बूटी रहस्य। ये पुस्तक हमारे किसी भी पतंजलि चिकित्सा केंद्र में मिल जाएगी, आप ले लीजिए। और इसमें बहुत दवाएं बताई, मैंने तो थोड़ी सी बताई, 1000 से ज्यादा मेडिसिन के बारे में इस पुस्तक में जानकारी। दही का ही, तो आप ये पुस्तक ले लें, जड़ी बूटी रहस्य कहीं भी मिलेगी पतंजलि चिकित्सा केंद्र में। परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने इस पुस्तक को लिखा है और बहुत ज्ञान की बातें उसमें है। हमने देखा कि जिसके घर में वो पुस्तक है और हम लोग उसको रीडिंग करते रहे, पढ़ते रहे, इतना ज्ञान मिलेगा आपको आयुर्वेद का कि आपको कभी भी किसी बीमारी के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा किसी डॉक्टर के पास। और दवाएं वही जो अपने आसपास हैं, रसोई में जो दवाएं हैं, रसोई के नजदीक में जो हमारा किचन गार्डन है उसमें जो दवाएं हैं, ऐसी ही दवाओं की जानकारी उसमें बहुत ज्यादा, तो आप ये जरूर पढ़ सकते हैं। और एक काम करें, रात को आस्था चैनल पर 9 बजे जरूर देखें एक कार्यक्रम जिसका नाम है आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन, हर दिन रात को ये आता है 9 बजे से 10 बजे, और सवेरे 7:30 बजे से 8:30 बजे ये रिपीट होता है रोज सुबह आस्था चैनल पर। और ये कार्यक्रम भी परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी प्रस्तुत करते हैं। अगर रोज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो बहुत ज्ञान आपको मिलेगा, जरूर देखें। मेरा तो निवेदन है कि दूसरे चैनल अगर बंद करने पड़े आपको तो जरूर करना, ये जरूर देखें, क्योंकि दूसरे चैनलों पे आप क्या देखते हैं, सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, तेरी मेरी कहानी, उसकी कहानी, और ये सारे सीरियल में एक ही थीम है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। हाँ, किसी की पत्नी किसी के पति के साथ भाग गई, किसी का पति दूसरी की पत्नी को लेके भाग गया, एक पुरुष 10-10 महिलाओं को फंसा रहा, एक महिला 10 पुरुषों को फंसा रही, ये क्या देख रहे हो? सास बहू का झगड़ा चल रहा है, बहू सास का झगड़ा चल रहा है, देवरानी जेठानी झगड़ रही है, साजिश कर रही है एक दूसरे के खिलाफ, इसमें कुछ मजा आ रहा है क्या? हम कहते हैं मनोरंजन हो रहा है। ये सब कुछ आपके घर में हो तो आपको सिर्फ पीटने का मन करेगा, तो इसमें कुछ मनोरंजन नहीं, फालतू है, ये टाइम वेस्ट करने वाले कार्यक्रम ना दे। इसकी जगह आस्था चैनल पे ये जो अच्छा कार्यक्रम है 9 से 10 बजे तक इसे देखें, 8 से 9 बजे तक परम पूजनीय स्वामी जी का कार्यक्रम आता है योग प्राणायाम का, वो देखें।
सुबह 5 बजे से 7:30 तो रोज ही आता है, फिर 7:30 से 8:30 योग प्राणायाम, संस्कार में भी ये सब आने लगे हैं, आप संस्कार भी देख सकते हैं। तो मेरा कहना है कि समय तो आपके पास सीमित है, अब आप उसको सास बहू के झगड़े को देखने में खत्म करें या आयुर्वेद के ध्यान लेने में, वही समय है आपके पास, और जो समय बीतेगा वो वापस नहीं आएगा। आयुर्वेद के बारे में जान लेंगे, योग प्राणायाम को जान लेंगे, तो आपको भी लाभ होगा, दूसरे को भी। तो मेरा ये निवेदन है। और फालतू के कुछ चैनल हैं जिनको बिल्कुल ही आप बॉयकॉट करें तो अच्छा ही है। आजकल वो पता नहीं क्या क्या सब फालतू दिखाने लगे हैं, बिग बॉस, एकदम वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी और कुछ नहीं। और इसके अलावा वो राखी का इंसाफ और पता नहीं किस किस का इंसाफ, सिवाय बदतमीजी के, वल्गैरिटी के अलावा कुछ। गालियां दी जा रही हैं खुलेआम, जो गाली हम सड़कों पे नहीं सुनते वो अब टीवी चैनल में आ गई, सरेआम गाली गलौज हो रही, एक दूसरे को भला बुरा कह रहे, एक दूसरे को नंगा करने में लगे हैं, टांग खिंचाए, इनका तो सबका विरोध होना चाहिए। मेरा तो निवेदन है कि यहां अगर हाई कोर्ट के कुछ एडवोकेट्स वगैरह बैठे हों तो इन सब पे पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन ठोकिए, इनको मजबूर करिए टीवी चैनल वालों को, ये ऑब्सेसिटी और ये वल्गैरिटी नहीं, यही करिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में करिए, बिलासपुर में तो आपके हाई कोर्ट है ही, तो ऐसे कुछ काम करिए तो इनको सबक मिले सीखने। और मेरा तो दिल करता है कि सारे हाई कोर्ट में मुकदमे किए जाएं, बिग बॉस पर और ये राखी के इंसाफ पर, तो राखी को इंसाफ यहाँ का कोर्ट देगा, ये सबको इंसाफ देती फिरती, हाँ एक से भड़ेती फैला रखी है उसने, चाहे क्या क्या बकवास करती है, कैसे कैसे शब्द बोलती है, और सरकार खामोश बैठी है। सरकार ने ऐसा सोच रखा है कि ये अश्लीलता घर घर पहुंचे, ये सरकार सोच रही है, तभी तो इनको लाइसेंस और परमिट सब दिए जाते हैं, ना उनका कोई सेंसर करते हैं, ना उन पर कोई रुकावट करते हैं। शायद सरकार को लगता है कि लोग यही सब देखते रहे तो गरीबी भुखमरी के बारे में सोचेंगे नहीं, बेकारी के बारे में बात करेंगे नहीं, तो लोग मीठी नींद की गोली खाके सोए रहेंगे। तो आप थोड़ा सा समय के बारे में गंभीरता से सोचें कि आपका समय कितना कीमती है और उसको कहाँ हम लगा रहे हैं। मेरा और एक छोटा सा निवेदन है, फालतू टीवी में आजकल क्रिकेट मैच बहुत आता है, इसको भी ज्यादा ना देखें, क्योंकि क्रिकेट अब कोई खेल नहीं है, ये सट्टेबाजी है और ये जुआ है। 10 साल पहले से मैं ये बोल रहा हूं कि क्रिकेट सट्टा है, जुआ है, अब तो वो सब सिद्ध हो गए। 10 साल पहले मैं कहता था तो लोग मुझे कहते थे कि आप एग्जैजरेशन कह रहे हैं, अब तो हर एक खेल मैच फिक्स है, आप उसमें ताली पीट रहे हैं चौके और छक्के पे, वो फिक्स है, इतने चौके लगेंगे, इतने छक्के लगेंगे, इतनी बॉल पे नो बॉल, इतनी बॉल वाइड बॉल, इतने में रन, ये सब फिक्स है। खिलाड़ी रिश्वत खा के मैच हार रहे, आप वैसे ही दुखी हो रहे हैं कि हम हार गए, उन्होंने पैसे खाए हारने के, हाँ हम दुखी हैं कि भारत हार गया, ये हार गया, वो उन्होंने पैसे खा रखे हैं, हार नहीं है उनको, क्योंकि हारने के लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं जीतने वालों की तुलना, और सारा खेल ये सट्टेबाजी में, ये आईपीएल का खेल जो आया ये सब सट्टेबाजी, कितना बड़ा घोटाला हुआ है आईपीएल में आप सभी देख रहे हैं, अब उस घोटाले पे पर्दा डालने की कोशिश हो रही, उसको भगा दिया यहां से, जो मुख्य घोटालेबाज है आईपीएल का वो लंदन में बैठ गया, मोदी वहां, ललित मोदी, और यहाँ जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो खा रहे थे पैसा वो अभी खामोश होकर बैठे। इस क्रिकेट ने तो देश का ऐसा कबाड़ा किया है कि हमारा कृषि मंत्री क्रिकेट के अलावा कुछ करते ही, अच्छा होता कि उसको क्रिकेट मंत्री बना दिया जाए। किसान मर रहे हैं भूख से, आत्महत्या कर रहे हैं, कृषि मंत्री को क्रिकेट से फुर्सत नहीं, पहले बीसीसीआई का अध्यक्ष, अब अंतरराष्ट्रीय उसका अध्यक्ष, इसी के लिए अगर मजा है उसको तो छोड़े कृषि मंत्रालय, जाए क्रिकेट में, हमें क्या तकलीफ है। हमें तो तकलीफ है कि हमने उसको कृषि मंत्री बना के बिठाया, देश के 70-80 करोड़ किसानों का भविष्य तय करने के लिए उसके पास क्रिकेट से खुल सकते हैं, बहुत अफसोस है। और सरकार भी इतनी कमजोर और लाचार कि उसकी जगह दूसरे को नहीं बना पाए। और ये क्रिकेट मंत्री क्यों, माने क्रिकेट में इतनी रुचि क्यों है, हर बड़ा नेता क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बन रहा है इस समय, क्यों, पैसे हैं ना इसमें,
हजारों करोड़ का ये बिजनेस है, इसलिए सबकी लार टपकती है वहां जाने। और सबसे खराब बात है, गुलामी का खेल है, अंग्रेज आए तो क्रिकेट आया, जहां जहां अंग्रेज गए वहीं क्रिकेट गया। भारत क्रिकेट खेलता, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब अंग्रेजों के गुलाम है। जो देश अंग्रेजों के गुलाम नहीं है कोई क्रिकेट नहीं खेलता। चाइना में क्रिकेट नहीं, कोई नहीं खेलता, जापान में नहीं, कोरिया में नहीं। और मैंने तो देखा जो इंटेलिजेंट है वो कोई क्रिकेट नहीं खेलते, जो भी देश होशियार है वो क्रिकेट नहीं खेलते। कहते समय कौन बर्बाद करे, 8-8 घंटे दिन भर मूर्खों की तरह से भरी धूप में पागलों की तरह खड़े हैं क्रिकेट के मैदान, क्या मिलने वाला है? कुछ आपको क्या मिलता, मेरे तो ये समझ नहीं। आप उनको तो पैसे भी मिलेंगे, आप टीवी खोल के बैठे हो। और ऐसे मूर्खों को मैंने देखा है भारत में क्रिकेट का मैच देखते। एक बार मैं सच्ची घटना सुनाता हूं, मैं किसी के घर खाना खाने गए, मराठी परिवार, और एक पिता, एक माता, एक बेटा, तीन थे परिवार, पिता और बेटा दोनों मैच देख रहे और पता नहीं भारत की टीम खेल रही थी, तो कोई खिलाड़ी ने छक्का मार दिया, मैं नाम भूल गया वो खिलाड़ी का। तो महाराष्ट्र में पता है क्या होता, पिताजी को बाबा कहते हैं, बाबा, बाबा माने पिता। तो वो जो बच्चा था ना वो बहुत एक्साइटेड हो गया और चिल्लाने लगा, बाबा छक्का, बाबा छक्का, बाबा छक्का, बाबा छक्का। अब मुझे तकलीफ हो गई, मैंने उस बच्चे से कहा, भाई तू क्या बोल रहा है, तेरा बाबा कब से छक्का है? आप जानते हैं छक्का कौन होता है? जो ही और शी दोनों नहीं होते वो सब छक्के हैं। और वो कह रहा बाबा छक्का, बाबा छक्का। माने ऐसा एक्साइटमेंट कि बाबा को छक्का बना है। और ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं, तेंदुलकर आउट हो गया, जीरो पे आउट हो गया। अरे भाई तुमको क्या तकलीफ है तेंदुलकर आउट हो गया, या वो डबल सेंचुरी बनाए तो तुमको क्या खुशी है? तेंदुलकर सेंचुरी बनाए या भारत मैच जीते तो क्या गरीबी खत्म होती है, बेकारी खत्म होती है, महंगाई कम होती है क्या, हमारे जीने की आस बढ़ती है क्या, बीमारियां कम होती हैं क्या? कौन सी समस्या का समाधान जिसके लिए हम क्रिकेट देखें? मुझे बहुत दुख होता है, 8 करोड़ भारतवासी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जब क्रिकेट मैच होता है तो सब काम छोड़कर टीवी से चिपक जाते, कुछ करते ही नहीं। बैंकों से छुट्टी ले लेते हैं, न्यायालयों से छुट्टी ले लेते हैं, कोर्ट में नहीं जाते, फैसले नहीं करते, घर में बैठे टीवी से चिपके। कोई इंडस्ट्री नहीं चलाता है वहां नहीं जाएगा, दुकान खोलता है वहां नहीं जाएगा, बैठे। और अगर चला भी गया तो वहां हर समय कान लगा रहता है, कितने रन बने, कितने विकेट गिरे, कितने रन बने। पागलों की तरह से हम व्यवहार करते, सामान्य व्यवहार भी हमारा खत्म हो। तो ऐसे फालतू अंग्रेजों के गुलामी के खेल को क्यों हम बेकार इतना तवज्जो दे रहे? और मैं आपसे एक बात बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, क्रिकेट पर मैंने बहुत रिसर्च किया और मैंने इसके कई दस्तावेज इकट्ठे किए। जब अंग्रेज इस क्रिकेट को लेके आए तो क्यों लेके आए, उसके पीछे का उनका लक्ष्य क्या था? क्योंकि अंग्रेज कोई भी काम ऐसे नहीं करते थे, उसके पीछे बड़ी गहरी उनकी चाल और साजिश होती। भारत में क्रिकेट लाए क्यों? यहाँ के राजाओं के साथ वो मैच खेलते थे और अक्सर राजा उसमें हारते थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज एक्सपर्ट थे इस खेल के और हमको तो आता नहीं था। तो अंग्रेज शर्त लगा के खेलते थे, बैटिंग होती थी। जैसे किसी राजा से मैच हो रहा और उसमें शर्त लगी है कि अगर राजा हारेगा तो उसका राज्य अंग्रेज ले लेंगे, और राजा जीतेगा तो उसके राज्य में अंग्रेज चले जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे। ये शर्तें लगा के मैच हुआ करते, और ज्यादातर राजा क्रिकेट के मैच में हारते थे और उनका राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता। अंग्रेजों ने पता है क्या किया, भारत के राजाओं के हाथ में क्रिकेट का बैट दे दिया और उनका पूरा राज्य हड़प दिया, और बड़े बड़े खानदान इस क्रिकेट के चक्कर में गुलाम हुए इस देश। बहुत खराब खेल। तो आप इसमें फालतू समय खराब ना करें, मेरा निवेदन है। अगर आप टीवी ही देख रहे हैं तो आस्था चैनल, संस्कार चैनल के कुछ ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखें। अगर कुछ और देखना है तो हमारे यहाँ कुछ डिस्कवरी चैनल है, एनिमल प्लेनेट है, हिस्ट्री चैनल एक आया है, इसमें कुछ काम की चीजें हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। नियम वही है कि समय सीमित है, अब आप उसको कहां खराब कर रहे हैं वो आपके ऊपर है।
तो ये मेरी विनम्र विनती है। और एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अपने भारत देश में बहुत भयंकर गरीबी बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं इनका समाधान अभी आपको ही करना पड़ेगा, सरकार तो इसमें फेल हो गई। हमारी गरीबी, हमारी बेरोजगारी, हमारी महंगाई ये सब बढ़ती ही जा रही है। ना गरीबी कम हो रही है, ना बेकारी कम हो रही है, ना महंगाई। 64 साल में जितनी सरकारें आई सबने गरीबी दूर करने के लिए काम किया, एक भी सरकार गरीबी दूर नहीं कर पाई, बल्कि गरीबी और बढ़ी। और हैरान करने वाली बात यह है कि भारत की सरकारों ने 12 पंचवार्षिक योजनाएं इस देश में लगाई गरीबी हटाने के लिए, और गरीबी खत्म होने की बजाय और बढ़ी। हमारी गरीबी करीब 17 गुनी बढ़ी है पिछले 64 साल। आजाद हुए थे तब लगभग 4,80,00,000 लोग गरीब थे, अब इस देश में 84 करोड़ लोग गरीब हैं। आगे और बढ़ने की तैयारी। हमारे भारत सरकारों के जो आंकड़े हैं गरीबी के बारे में, मैंने एक बार क्या किया कि 12 पंचवार्षिक योजनाओं में गरीबी दूर करने के लिए सरकार ने कुल कितना खर्च अभी तक किया वो सब निकाला, तो अभी तक पता चला कि 180 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिया सरकार गरीबी हटाने के लिए। 180 लाख करोड़, ये इतनी बड़ी धनराशि है कि आप इसको कैलकुलेटर में नहीं लिख पाएंगे, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और 180 लाख करोड़ लिखने में 14 अंक लगते हैं। इतना धन इन्होंने खर्च कर दिया गरीबी मिटाने के लिए, लेकिन गरीबी नहीं मिटी। कहां गया ये धन? इसके बारे में भारत के एक प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने बड़े हिम्मत और साहस से एक उत्तर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जब गरीबी मिटाने के लिए हम 1 रुपये खर्च करते हैं तो गरीब आदमी तक 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा बीच में ही उसका लूट लिया जाता है। अब आप हिसाब लगाओ, अगर 180 लाख करोड़ सरकारों ने खर्च किया पिछले 64 वर्षों में, तो इसका 85% तो नेता और अधिकारियों की जेबों में चला गया, 15% ही शायद गरीबों तक पहुंच पाया, इसलिए गरीबी नहीं मिट पाया। हमारे यहाँ ये जो भ्रष्टाचार है ये इतना अधिक है कि दुनिया में शायद ही किसी देश में हो। दुनिया में 200 देश हैं, सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में भारत का नंबर आता है, सबसे भ्रष्ट देश। भारत के ऊपर एक देश है पाकिस्तान और एक है बांग्लादेश, उसके बाद भारत, और ये तीनों एक ही कुनबा है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा एरिया है पूरी दुनिया। दुनिया भर की संस्थाएं ये अध्ययन करती हैं, संयुक्त राष्ट्र महासंघ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, टैक्स जस्टिस नेटवर्क, ऐसी दुनिया की 20 संस्थाओं ने अध्ययन किया है और सबका कहना है कि भारत करप्शन में टॉप पे, सर्वश्रेष्ठ देश है भ्रष्टाचार में, रिश्वतखोरी में, घूसखोरी। और कैसे होता है वो रोज आप देखते हैं। आज हमारे देश में 11 दिन से संसद नहीं चल रही है, एक बहुत बड़ा घोटाला हो गया है, 1,76,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है एक भारत के भूतपूर्व मंत्री ने, ए राजा उसका नाम, संचार मंत्री है रहा, अब तो नहीं इसी पदे थे, 1,76,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। और मजे की बात है कि वो बार बार कह रहा है कि ये सब मैंने प्रधानमंत्री को बता के किया है, ये वो कह रहा है। माने वो कह रहा मैंने अकेले थोड़ी किया, ये सब प्रधानमंत्री को मालूम है जो कुछ मैंने किया, और 3 साल 6 महीने से वो ये कर रहा है। और प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो रही कि 3 साल 6 महीने में उसको निकाल के बाहर करें। हमारे देश में ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार है, ठीक है हम मानते हैं वो बहुत ईमानदार है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की ईमानदारी का देश को क्या लाभ मिला? उनके मंत्रिमंडल में रहते हुए किसी ने 1,76,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, जो आजादी के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। इतना बड़ा कोई दूसरा घोटाला नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ईमानदार है, लेकिन उनकी ईमानदारी का हमें क्या लाभ मिला, देश को क्या लाभ मिला? उनकी ईमानदारी का लाभ तब मिलता जब ये घोटाला नहीं हो पाता और प्रधानमंत्री रोकते उसको,
तब तो उनकी ईमानदारी का देश को कुछ फायदा है, वरना वो बहुत ही ईमानदार हैं, क्या करें उसका, उनकी ईमानदारी का। और प्रधानमंत्री के नजदीक ऐसे ही महाभ्रष्ट लोगों की मंडली है। 1,76,000 करोड़ कितनी बड़ी रकम है। मैंने इसका हिसाब जोड़ा था कि ये जो घोटाला हुआ है, ऐसा ही एक और घोटाला हुआ है कॉमनवेल्थ के घोटाला। एक सुरेश कलमाणी नाम का कांग्रेस का बड़ा नेता, उसने बनाई मंडली कॉमनवेल्थ खेलों की और 77,000 करोड़ का भयंकर घोटाला कर दिया। कॉमनवेल्थ खेल का घोटाला तो बहुत अजीब है। कुर्सियां किराए पे मंगाई गई और एक एक कुर्सी का इतना किराया दिया कि उसमें आप 50 कुर्सी खरीद लें, किराया दे दिया उतना कुर्सी। एसी मंगाई गई कमरों में लगाने के लिए, एक एक एसी का इतना किराया दे दिया कि उतने में कई एसी खरीद सके। समझ में नहीं आता क्या लूट मची, पैसे मिले तो सब एसी लूटने में लग। और एक तो ये खेल ही समझ में नहीं आते, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ खेल का मतलब दुनिया के 71 देश जो अंग्रेजों के कभी गुलाम रहे, वो हर 4 साल में अपनी गुलामी को याद करने के लिए इकट्ठे हो जाते, ये है। माने गुलामी को भूले नहीं, इसके लिए हर 4 साल में इकट्ठे होके कुछ खेल कूद करते हैं, याद रखो भाई तुम गुलाम थे। हाँ, और उसी गुलामी को पक्का याद रखने के लिए महारानी को बुलाते हैं, जिस महारानी ने हमको लाते मारी हैं, हमको गालियां दी हैं, हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, उसी को बुलाते हैं, उद्घाटन करो ताकि याद रहे कि इसी के गुलाम थे तुम सब। और वो महारानी ना आए तो उसके बेटे को बुला लिया इस बार, क्योंकि वो बीमार थी नहीं आई, तो उसका लड़का आया, उसने आके घोषणा की, तब खेल शुरू हुए। ये गुलामी नहीं तो क्या। और कभी कभी तो कुछ ऐसा लगता है, ये महारानी का डंडा आता है एक क्वींस बैटन, अब वो अंग्रेजी में कहें तो कुछ समझ में नहीं आता, हिंदी कहो महारानी का डंडा, यही हिंदी है उसकी, वो आता है और वो डंडा सब देशों में घूमते हुए आता है, 71 देशों में वो चक्कर लगाता हुआ आता है जिस देश में खेल होने वाले। वो डंडा लाने में सबसे बड़ा घोटाला किया है। हाँ, पता है क्या, डंडा जितने रुपए में नहीं आ सकता था उससे कई गुने ज्यादा पैसे खर्च किए। तो मैंने अभी हिसाब जोड़ा कि एक डंडा जो लंदन से चल के दिल्ली आया, उसमें जितना पैसा इन्होंने खर्च कर दिया लाने में, उतने पैसे में 100 डंडे सोने के बना गए थे। ये है घोटाला, को हर चीज में घोटाला। बिल्डिंग बनी है 100 करोड़ की और पैसा लगा दिया 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, 7,000 करोड़। और ऐसी विचित्र बिल्डिंगें, पुल बनाए टूट गए, वो आपने देखा होगा। ऐसी भद्दपिटी है पूरी दुनिया में भारत की, सारे लोग चिल्लाते थे कि भारत से ये खेल हटाओ, क्योंकि यहाँ खेल नहीं, खेल का भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का खेल तो यहाँ बड़ा है, बाकी सब छोटी चीज है। भला हो भारत के खिलाड़ियों का जिन्होंने मेहनत की, हिम्मत की और इस देश को कुछ 39 स्वर्ण पदक दिलवा दिए और भारत कुछ सम्मानजनक स्थिति में आया, 101 कुल पदक मिले उसमें से 39 गोल्ड मेडल थे। ये सब खिलाड़ियों के दम पे हुआ, वरना अधिकारियों ने तो सब घोट पीट के खा लिया। ऐसे हमारे यहां पर अब ये 77,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ खेल घोटाला और 1,76,000 करोड़ का संचार मंत्रालय घोटाला, दोनों की रकम को जोड़ दो करीब 2,50,000 करोड़ बैठती, और इतनी रकम से सोना खरीद दो तो छत्तीसगढ़ के हरेक परिवार को 10 किलोग्राम हम सोना दान में दे सकते हैं। ये इतनी बड़ी रकम, अगर वही सोना छत्तीसगढ़ की सड़कों पे बिछा दिया जाए तो हरेक सड़क पर 10 मिलीमीटर मोटाई का सोने का परत बिछा सकते हैं पूरे छत्तीसगढ़। इतना ही बड़ी रकम डूब गई, और डूब गई तो कहां गई ये रकम, ये सब चली गई विदेशों में, फॉरेन बैंक्स, स्विस बैंक। हमारे ये जो बड़े अधिकारी है ना सीबीसी के, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीआई के,
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कि वो कह रहे हैं कि घोटाला हुआ, गया कहां पैसा, ये सब विदेशों में जमा हो गए। अब उन अकाउंट्स को चेक करने के लिए गए हुए हैं अधिकारी, तो पता चल रहा है कितना कितना पैसा कहां जमा हुआ है। लेकिन ये पक्की बात है कि 2.5 लाख करोड़ का घोटाला अगर हुआ है ये दो, तो ये ऊपर से नीचे तक की बंदर बांट के बिना संभव नहीं है। ऊपर से नीचे तक बंदर बांट हुई है और इसलिए सरकार तैयार नहीं है कि जेपीसी से जांच करे, क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सब पार्टियों के लोग होते हैं, तो घोटालों के सारे दस्तावेज सबके सामने आएंगे, तो बड़े बड़े ईमानदार लोगों की पोल खुलेगी। इसलिए सरकार तैयार नहीं कि जेपीसी से जांच करे और इसलिए संसद नहीं चल रही। 11 दिन हो गए और हम सब शर्म से अपना सिर झुकाए खड़े हैं दुनिया के सामने। जब दुनिया की संस्थाएं भारत के बारे में कहती है कि भारत महाभ्रष्ट देश है तो अपना खून खौलता है, लेकिन जब ऐसे घोटाले हो जाते हैं तो हम उन संस्थाओं को जवाब भी नहीं दे सकते। वो कहती है देखो हमने कहा ये हो गया। और ये घोटाले आजादी के समय से ही चल रहे हैं। आपको एक बहुत खराब बात कहना चाहता हूं, आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, थोड़े दिन बाद ही सबसे बड़ा घोटाला हुआ था, जीप स्कैंडल। भारत के एक रक्षा मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन, आपको याद हो, उन्होंने जीप खरीदी आर्मी के लिए, लेकिन जीप कागज पे खरीदी, वास्तव में नहीं आई, पैसे चले गए, पेमेंट कर दिया एडवांस, जीप नहीं आई, आज तक नहीं आई वो जीप। वो पैसे कहां चले गए, विदेशी बैंकों के खातों में जमा। और जब वीके कृष्ण मेनन को ये कहा गया कि भाई आपने तो बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, तो उन्होंने बताया उत्तर क्या दिया था, शराब के नशे में मैंने फाइल पे साइन कर दिया, मुझे पता ही नहीं। मानिए ऐसा आदमी जो शराब पी के फाइल साइन कर रहा है उसको देश का रक्षा मंत्री बना दिया। आप बोलेंगे जी कारण क्या था, बस इतना कि उनकी नेहरू जी से बड़ी यारी थी, नेहरू जी के वो पक्के यार थे वीके कृष्ण हैं, और पक्की यारी क्या होती है वो परिभाषा आप सब अच्छे से जानते हैं। खाली इसलिए वो देश के रक्षा मंत्री थे कि वो नेहरू जी के परम मित्र पक्के यार। और ऐसा आदमी जो शराब के नशे में ऑफिस में बैठता, हमारे बाहर के देशों में राजदूत होते हैं, तो ये वीके कृष्ण मेनन जब भी विदेश यात्रा में गए हर एक राजदूत से एक ही शिकायत आती थी, ये नशे में इतने दुप्त रहते हैं कि इन्हें कुछ पता नहीं है, और शराबी नहीं पीते थे, अफीम भी खाते, अफीम शराबी। ऐसे आदमी को भारत की आजादी के बाद पहला रक्षा मंत्री बना दिया, क्या होगा देश का। और उन्होंने सबसे बड़ा घोटाला किया, जीप स्कैंडल, करोड़ों रुपए देश के बर्बाद। फिर बाद में उनसे कहा गया भाई इस्तीफा दो, तो कहा इस्तीफा नहीं दूंगा। फिर नेहरू जी से कहा इनका इस्तीफा लो। नेहरू जी क्या कहा करते थे उस समय, नेहरू जी ये कहा करते थे एक दिन पहले तक, नेहरू जी ये घोटाला होने के एक दिन पहले तक नेहरू जी ये कहते थे कि मेरे मंत्रिमंडल में और सरकार में कोई भ्रष्टाचार करेगा तो मैं बिजली के तार से उल्टा लटका दूंगा उसको, ये नेहरू जी कहा करते थे। और अगले दिन पता चला घोटाला हो गया, तो फिर नेहरू जी को कहा गया लटका दो इनको बिजली के तार से, ये रक्षा मंत्री हैं आप। तो नेहरू जी चुप हो गए, कुछ बोले ही नहीं, कई दिन नहीं बोले। फिर एक दिन उन्होंने मुंह खोला और ये कहा कि भारत में ये जो प्रजातंत्र की गाड़ी चलती है ये बिना भ्रष्टाचार के तेल के नहीं चल सकती, ये कह दिया। मतलब इस प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार होना अवश्य जरूरी है, नहीं तो ये चलेगा ही नहीं डेमोक्रेसी। तो अब आप सोचो कि ये प्रजातंत्र है या लूटतंत्र है, ये लोकतंत्र है या लूटतंत्र, जिसमें भ्रष्टाचार तो होना ही है, हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर, फिर उसके बाद तो बहस ही खत्म हो गई जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि ये तो होना ही है करप्शन। तो तब से ये करप्शन हमारी सरकार के लिए महत्व का मुद्दा ही नहीं। और फिर उसके बाद तो सबको खुली छूट मिल गई जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि भ्रष्टाचार तो होगा ही,
तो जिसको जहां मौका मिला वो लग गया। एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ नेहरू जी के जमाने में, चेक पिस्कल स्कैंडल। चेकोस्लोवाकिया नाम का एक देश, अब तो वो खत्म हो गया, अब तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, पहले वो एक देश था। उनसे कुछ पिस्तौल खरीदी आर्मी के लिए, लेकिन वो पिस्तौल कागज पे आई, वास्तव में नहीं आई, पैसे चले गए, पिस्तौल नहीं आई, बहुत बड़ा घोटा। फिर उसके बाद एक हुआ नागर वाला स्कैंडल, फिर एक हुआ मुदड़ा स्कैंडल, और फिर तो लाइन लग गई, घोटाले घोटाले घोटाले। हम लोग इस पर थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इसके कुछ दस्तावेज इकट्ठे कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। तो अब तक ये पता चला है कि सबसे पहला घोटाला जीप स्कैंडल, और आज का जो सबसे अंतिम घोटाला माना जाए ए राजा स्कैंडल, इतने बीच में जितने घोटाले हुए हैं उसमें भारत का 340 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 340 लाख करोड़। आप बोलेंगे ये कहां गया पैसा? ये सारा पैसा भ्रष्ट नेता और अधिकारियों ने अपने विदेशी खातों में जमा कर लिया। अभी स्विट्जरलैंड में भारत के भ्रष्ट नेताओं के 84,000 अकाउंट्स हैं, स्विट्जरलैंड बैंक 330 बैंकें हैं, 84,000 अकाउंट्स हैं, उनमें इस समय 280 लाख करोड़ रुपए जमा है भ्रष्ट नेताओं का अधिकारी। और स्विट्जरलैंड जैसे दुनिया में 70 देश हैं, जैसे एक पनामा नाम का छोटा सा देश है वहां की बैंकों में, इसी तरह से ट्रिनिडॉड है, टोबैगो है, ऐसे छोटे छोटे देश हैं, टिम्बकटू माने बिल्कुल टापू जैसे, वहां की बैंकों में और 60 लाख करोड़ जमा इन्हीं भ्रष्ट नेताओं। 340 लाख करोड़ हमारा वहां चला गया। ये पैसा आपका है, ये पैसा मेरा है, आपने टैक्स में दिया, मैंने टैक्स में दिया, और हमने मेहनत से कमा के सरकार को ये टैक्स में दिया। भारत के लोग बड़े मेहनत से पैसे कमाते हैं, जो कमाते हैं वो ही जानते हैं कि पैसा कितनी मेहनत से आता है। सरकार हमसे टैक्स में ले लेती है, फिर ये भ्रष्ट नेता उसकी लूटमारी करते हैं, ये तकलीफ की बात है। हम टैक्स सरकारों को देते हैं, क्यों? क्योंकि हम मानते हैं उससे देश का विकास होगा। और सरकार ऐसा विज्ञापन करती है, रोज टीवी पे आप देखो, इनकम टैक्स भरो, सर्विस टैक्स भरो, आता है ना टीवी में एडवर्टाइजमेंट, आप देश की तरक्की में मदद करोगे, विकास में मदद करोगे, ये झूठा विज्ञापन रोज हमें दिखाया जाता है। हम टैक्स भर रहे हैं, अपनी तरफ से भारतवासी पूरी मेहनत और ईमानदारी से कमा कमा के टैक्स देते हैं, और एक नहीं 64 तरह के टैक्स हम देते हैं जो दुनिया में कोई नहीं देता। हम इनकम टैक्स देते हैं, हम कॉरपोरेट टैक्स देते हैं, हम सेंट्रल एक्साइज देते हैं, हम सेंट्रल सेल्स टैक्स देते हैं, हम वैल्यू एडेड टैक्स देते हैं, हम सर्विस टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, 64 तरह के टैक्स हम देते हैं। शायद ही कोई देता है दुनिया में इतना टैक्स जितना भारत के लोग देते हैं, हमारी खून पसीने की कमाई में से देते हैं। आपको मैं एक सामान्य बात बताता हूं, आप जब जिंदगी में 100 रुपए कमाते हैं तो हर 100 रुपए में से 70 रुपए आपका टैक्स में चला जाता है, ये मालूम है आपको? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से। डायरेक्ट टैक्स में आप दे देते हैं इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स कंपनियां भरती हैं, लेकिन वो आपसे लेती है, कंपनी अपनी जेब से थोड़ी देती है। कंपनी जो कॉरपोरेट टैक्स भर रही है उसका पैसा आपकी जेब से लेते हैं, अपनी वस्तुएं बेच कर महंगी। तो आप दो डायरेक्ट टैक्स देते हैं, तो कॉरपोरेट टैक्स, दूसरा इनकम टैक्स, और बाकी 62 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं। बड़ा विचित्र देश है जहां इतने टैक्स हैं। हम उत्पादन करें तो उस पर टैक्स भरें, उत्पादन करके बेचें तो बेचने पर टैक्स भरें, बेचकर मुनाफा कमाएं तो मुनाफे पर टैक्स दें, अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो जहां से लेके आ रहे हैं वहां टैक्स दें, जहां लेके आए हैं वहां टैक्स दें, जिस सड़क पर से सामान जा रहा है उस सड़क का टैक्स दें, जिस पुल पर से जा रहा है उस पुल का टैक्स दें। हद हो गई भाई, इतने सारे टैक्स, और सरकार बार बार ये कहती है कि आपका टैक्स का पैसा गरीबों के विकास में, देश के विकास में लग रहा है। तो अब हम सरकार से पूछ रहे हैं कि हमारा पैसा अगर देश के विकास में और गरीबों के विकास में लग रहा है तो 64 साल में ये 340 लाख करोड़ विदेशी बैंकों में कैसे चला गया? ये प्रश्न है जो हम सरकार से पूछना चाहते हैं। और सरकार जवाब दे इसको, जिन्होंने 64 साल इस देश पर राज किया
उनसे हमारा सीधा प्रश्न है कि आप जब हमको ये समझाते हो कि आपके टैक्स का पैसा गरीबों के काम में लग रहा, तो ये 340 लाख करोड़ विदेशी बैंकों में कैसे पहुंच गया? अकेले स्विस बैंकों में 280 लाख करोड़ कैसे पहुंच गया? अगर हमारा पैसा गरीबों को जाना है तो गरीब और गरीब हो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और देश का पैसा विदेशों में जमा हो रहा है। ये बहुत कड़वी सच्चाई है, और ये सच्चाई जब से हमें समझ में आई है तब से लग रहा है कि लोकतंत्र नहीं चल रहा है, लूट तंत्र चल रहा है। हर जगह लूट मची, जहां जो जितना लूट सके लूटने में लगे। हमारा ये छत्तीसगढ़ है, इसके पड़ोस में झारखंड है। झारखंड में एक बहुत बड़ा लुटेरा है, उसका नाम है मधु कोड़ा। वो 2 साल मुख्यमंत्री बना और 2 साल में 5,600 करोड़ रुपए लूट लिया उसने, 2 ही साल। और हैरानी करने की जो बात है वो ये कि मधु कोड़ा पहली बार मुख्यमंत्री बना तब इतना लूट लिया। अगर 2-4 बार बन गया होता तो पता नहीं क्या करता। और अद्भुत है ये कि वो निर्दलीय व्यक्ति था और मुख्यमंत्री बन गया, अकेला एक एमएलए था वो और मुख्यमंत्री बन गया। 2 पार्टियों ने समर्थन दे दिया, लालू यादव का जनता दल, कांग्रेस, दोनों ने समर्थन दिया, बन गए और लूटा उसने, और लूट लूट के विदेशी बैंकों के खातों में जमा कर। अब आप सोचो, झारखंड सबसे गरीब राज्य है भारत का, अगर वहां से 5,600 करोड़ लूटा जा सकता है 2 साल में, तो जो सबसे अमीर राज्य है भारत के, जैसे महाराष्ट्र, जैसे कर्नाटक, जैसे पंजाब, हरियाणा, जैसे उत्तर प्रदेश, वहां से कितना लूटा जाता है? लूट मची। एक और बहुत बड़ी लूट चल रही है पिछले 20 सालों से, जिसपे किसी की नजर नहीं जा रही। हमारे यहां पता क्या हो रहा है, 20 सालों से एक नीति चली है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, और हम मानते हैं कि ये नीति का मतलब है लूट की खुली छूट। इसमें क्या हो रहा है, भारत की बेशकीमती जमीन बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को कौड़ी के भाव में बेची जा रही है। आपका पड़ोसी उड़ीसा है ना, उड़ीसा में एक पॉस्को नाम की कोरियन कंपनी को 55,000 एकड़ जमीन बेच दिया, माफ करना 55,000 हेक्टेयर, एकड़ नहीं, 1 हेक्टेयर में 5 एकड़ होते हैं, 55,000 हेक्टेयर बेच दिया कौड़ी के भाव। और उस जमीन में इतना बड़ा खजाना छुपा है आयरन ओर का। आपको ये बात मालूम है कि उड़ीसा अकेले राज्य का कुल आयरन ओर पूरे एशिया के आयरन ओर का 1/3 है। पूरे एशिया खंड में जितना लोहे का अयस्क है उसका 1/3 अकेले उड़ीसा में है, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूं, खाली उड़ीसा। और वो आयरन ओर से भरी हुई हमारी धरती विदेशी कंपनियों को कौड़ी के भाव में बेचती है एक मुख्यमंत्री। ऐसी मनमानी है, लूट तंत्र है ये। ऐसी एक और बड़ी कंपनी है स्टरलाइट, उनको बेच दिया 70-75,000 एकड़ जमीन उनको दे दी। ये जमीनें ऐसे बेच रहे हैं जैसे इनके माता पिता छोड़ के चले गए। और किसान बेचारे जो अपनी जमीन बचा रहे हैं उनको लाठियां मारी जा रही है, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, वो मर रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, गोलीबार हो रहा है किसानों पर। और ये जो जमीन बेचने का खेल शुरू हुआ है, ये उड़ीसा में है, ये छत्तीसगढ़ में है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये तमिलनाडु में, ये कर्नाटक में, भारत के 17 राज्यों में ये 20 साल से चल रहा है। पता नहीं कितनी जमीनें बेच दी और उनका कोई हिसाब किताब नहीं। अब अदालतों में मुकदमे आ रहे हैं तो अदालतें कड़क टिप्पणियों का, जो अपनी जमीनें बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और अगर वो नहीं लड़े तो पता नहीं ये क्या कर क्या कर। और दुर्भाग्य से इसको कह रहे हैं देश का विकास। मेरे समझ में नहीं आता, उड़ीसा में कच्चा लोहा निकलता है, उससे हम स्टील बनाएं उड़ीसा में और उसको दुनिया भर में बेचें, ये अच्छा है, या अपने कच्चे लोहे को ही बेचें पूरी दुनिया? और को कोई नहीं बेचता, सभी उससे फिनिश प्रोडक्ट बना के बेचते। हमारे नेताओं को इतनी भी समझ नहीं कि कच्चा लोहा ना बेचा जाए, इसका स्टील बनाओ ताकि यहां के लोगों को काम मिले, रोजगार मिले, उस स्टील को बेचो तो थोड़ा मुनाफा भी मिले।
और तो हमारा 25 पैसे किलो में बिकता, आपको मालूम है ये जितना आयरन ओर हम देते हैं एक किलो का 25 पैसा मिलता है। और फिर हमारी ही सरकारें क्या करती हैं, आयरन ओर चीन को बेच दिया, जापान को दे दिया, अमेरिका को दे दिया, फिर उनसे कहते हैं स्टील बना के हमें बेचो। तो भारत में स्टील आता है चीन से 50 रुपए किलो, हमारा कच्चा लोहा बेच दिया 25 पैसे किलो, और उसी से चीन ने स्टील बनाकर हमको बेचा 50 रुपए किलो। ये अभी हुए ना कॉमनवेल्थ खेल, इसमें बड़ा घोटाला हुआ, हमने आयरन ओर बेचा, चीन ने हमको स्टील बना के बेचा 50 रुपए किलो, और वो स्टील भारत में बनता है 12 रुपए किलो, जो हमने चीन से खरीदा 50 रुपए किलो, जापान से खरीदा 50 रुपए किलो, हम उसको खुद बनाए। हमारे यहां बहुत सारी स्टील बनाने वाली कंपनियां, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है, वो तो बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में जिंदल है और टाटा है, ये सब वो स्टील 12 रुपए किलो के आसपास बना देते, उसको सरकार 25 पैसे किलो में कच्चा लोहा बेच के 50 रुपए किलो में खरीदती। तो जब कच्चा लोहा सस्ता बेचते हैं इसमें घोटाला करते हैं, और फिर वहां से स्टील लाते हैं उसमें घोटाला, रोज होता है ये काम। करोड़ों मीट्रिक टन हमारा स्टील ऐसे ही बिक गया पिछले 20 साल। ये घोटाले तो इतने बड़े हैं कि जिस दिन ये खुलेंगे आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि अपने नेता इतने गद्दार और बेईमान हो सकते। अब हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक तो ये है कि देश लूट रहा है इसको लूटने दो, जैसे हो रहा है होने दो। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो एक फिलॉसफी बघारते रहते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है, तू क्या लाया था क्या ले जाएगा। हाँ, हमको सिखाते रहते जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, भारत में लूट हो रही है तो अच्छी हो रही है, आगे लूट होगी और अच्छी होगी, तू क्यों परेशान है भाई। हमको ये सिखाया जा रहा है और इस फिलॉसफी के कैलेंडर छाप छाप के हमारे घरों में टांगे जा रहे हैं। कई पढ़े लिखे लोगों के घरों में मैंने देखा कैलेंडर टंगा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, और उस पे लिख दिया है गीता सार। हाँ, क्या बात, भगवान कृष्ण ने कह दिया गीता में, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और अच्छा होगा। अब हम कृष्ण से बड़े थोड़ी हो गए, तो मान लिया हमने जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, लूट रही है लूट हो रही है अच्छी हो रही, और लूट होगी और अच्छा होगा। और ये पाखंडी लोग जो ये सब फैला रहे हैं ना पूरे देश में, ये लोग क्या चाहते हैं कि सब लोग चुप बैठे, खामोश बैठे, कोई विरोध ना करे, इसलिए बता रहे जो हो रहा अच्छा हो। और श्री कृष्ण के नाम से कह रहे कि देखो ये श्री कृष्ण ने कहा था भगवद गीता। मैंने एक दिन एक ऐसे ही पाखंडी व्यक्ति से बहस की, अब नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि ये लेक्चर आस्था चैनल पे जाने वाला है। मैंने एक ऐसे ही पाखंडी व्यक्ति से बहस की, अच्छा दिखाओ गीता में ये कहाँ लिखा है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, श्री कृष्ण ने कहाँ कहा है इसको। तो ढूंढा तो एक जगह ये कहा, कब कहा वो बात ध्यान से समझे तो समझ में आएगी ये बात। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों दिया, क्योंकि अर्जुन युद्ध लड़ने को तैयार नहीं, वो ये कहता था कि मैं कौरवों को नहीं मारूंगा क्योंकि ये मेरे भाई है, मेरे बांधव है, मैं इनसे नहीं लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण ने समझाया कि भाई ये तेरे बांधव है, भाई है, लेकिन अधर्मी है, इनको मारना तेरा धर्म है, युद्ध कर, तू नहीं मान रहा है, युद्ध करने को तैयार नहीं। तब श्री कृष्ण ने पूरी गीता सुनाई, और गीता सुनने के बाद अर्जुन को जोश पैदा हुआ, उत्साह पैदा हुआ, और उसने कहा अब मैं लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा तेरा सारथी मैं बनूंगा, तू लड़ और मैं चलाऊंगा रथ, और जैसे कहता हूं वैसे लड़। तो अर्जुन ने लड़ाई शुरू की, और अर्जुन के तीरों से कौरव मरना शुरू हुए, और जब बड़ी संख्या में कौरवों का नाश होना शुरू किया हुआ, तब श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आगे होगा वो और अच्छा होगा, माने कौरव मर रहे हैं तेरे बाण से, तेरे तीरों से, तो ये बहुत अच्छा हो रहा है, आगे ये और ज्यादा मरेंगे और अच्छा होगा, तू व्यर्थ चिंता मत कर, ये मर रहे हैं मरने दे, तू चिंता मत कर, तू क्या लाया था क्या ले जाएगा, तू खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़, तू तो मार इनको, क्योंकि यही तेरा कर्तव्य है, यही तेरा धर्म। तब कहा श्री कृष्ण जो हो रहा अच्छा हो। अब हमारे जो पाखंडी लोग हैं ना, वो ऊपर की बात नहीं बताते, हाँ वो सब छोड़ देते हैं,
कि श्री कृष्ण ने ये कब कहा था, और बिना संदर्भ के बोलना शुरू कर देते हैं जो हो रहा अच्छा हो रहा। तो भारतवासी सोचते हैं कि जो भ्रष्टाचार है अच्छा ही हो रहा, लूट हो रही है अच्छा ही हो रहा, आगे लूटेगी और अच्छा होगा, आगे भ्रष्टाचार होगा और अच्छा होगा, इसमें हम फंस जाते हैं। तो मेरा सब भारतवासियों से निवेदन है कि श्री कृष्ण के संदर्भ को समझें, कब कहा था उन्होंने, जब कौरव मर रहे थे, अर्जुन उनको मार रहा था, तब कहा था। तो ये हमारे लिए भी संदेश है कि हम भी अब खड़े हो जाएं और अर्जुन की तरह से फिर कौरवों को मारें, इन भ्रष्ट नेताओं को और अधिकारियों को, और तब श्री कृष्ण कहेंगे जो होगा वो अच्छा है। हमारे लिए भी तो हमने तो यही तय कर लिया, भारत स्वाभिमान अब यही करेगा, इन बेईमान नेताओं से लड़ेगा, इन भ्रष्ट अधिकारियों को मारेगा और इनकी पोल खोलेगा पूरे देश में घूम घूम, और इनको नंगा करेंगे हम इतना कि एक भी नेता जीतना बंद कर दे लोकसभा में विधानसभा, ये जीत के ना जाए हमारे देश। इसके लिए हमने संगठन बनाना शुरू किया है और इस संगठन में हमारा संकल्प है कि भारत के जो ईमानदार चरित्रवान सज्जन लोग राष्ट्रभक्त हैं उन्हीं को शामिल करेंगे भारत स्वाभिमान के संगठन, क्योंकि जो ईमानदार चरित्रवान देशभक्त हैं वो ही लड़ पाएंगे इन बेईमान हरामियों से। तो हमने तय किया है कि ऐसा संगठन बनाना है और वो संगठन बनाने में हम लग गए हैं। परमपिता परमात्मा की ऐसी कृपा हुई है कि एक सन्यासी को भेज दिया है इस काम में मदद करने, और भारत में जब जब सन्यासियों ने कोई काम शुरू किया है वो सब पूरा हुआ है, अधूरा कुछ नहीं था। तो परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी जो स्वयं एक सन्यासी हैं, उन्होंने ये संगठन बना दिया, अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, करोड़ों भारतवासियों को जोड़ रहे हैं इस संगठन में। 4 साल में हमें पूरी ताकत खड़ी करनी है, 18 से 20 करोड़ भारतवासियों को जोड़ लेना है और तब इन बेईमानों से लड़ाई शुरू करें। आप बोलेंगे क्या ये होगा? हाँ होगा। आप रोज आस्था देखा करो, सवेरे 5 से 7:30 परम पूजनीय स्वामी जी के व्याख्यानों में कैसे लोग उमड़ रहे, हजारों की संख्या, और ये वो लोग हैं जो सुबह सुबह 3 बजे अपना घर छोड़ देते हैं तब 5 बजे वहां पहुंचते, वो लोग हैं ये किराए के भाड़े के टट्टू नहीं है। हमारे बड़े बड़े नेताओं को पब्लिक मीटिंग करने के लिए 200-200 रुपए के किराए पे लोग बुलाने पड़ते और उस मीटिंग में 20 मिनट में लोग चल देते हैं उठ के, भले प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा हो, लेकिन स्वामी जी के सामने जो लोग बैठते हैं सुबह 5 बजे वो 3 बजे घर छोड़ देते हैं अपना, साइकिलों से आते हैं, बैलगाड़ियों से आते हैं, पैदल पैदल आते हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके दिल में ये बात अभी बैठ गई है कि ये ही एक सन्यासी है जो कुछ करने वाला है इस देश। ये भरोसा जब लोगों में पैदा हो जाता है ना तो बड़ी बड़ी क्रांतियां हो जाती हैं, क्योंकि भारत और दुनिया के हर देश में क्रांति का एक ही इतिहास है। जब आम आदमी, साधारण लोग, किसान, मजदूर, कारीगर इकट्ठे हो गए, नौजवान, तो कोई भी क्रांति होती है, तो वो इकट्ठे होने शुरू हो गए। हर दिन हजारों हजारों लोग भारत स्वाभिमान के सदस्य बन रहे हैं। तो ये 4 साल में तो 18-20 करोड़ तो आराम से हो जाएंगे, हमें तो लग रहा 25-30 करोड़ हो जाएंगे, और इनकी ताकत से फिर हम लड़ेंगे। और लड़ाई का हमारा पहला कदम है कि इन भ्रष्ट नेताओं ने और अधिकारियों ने जो पैसे लूट कर विदेशों में रखे हैं सबसे पहले ये वापस लाने हैं, क्योंकि ये पैसे हमारे हैं, आपके हैं, और इसी पैसे से गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करना है, इसी पैसे से देश का विकास करना। आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या ये पैसे वापस आएंगे? हाँ आएंगे। कैसे आएंगे? इसके 3 रास्ते। पहला रास्ता है कि ये 340 लाख करोड़ जो विदेशों में चला गया, अगर हम भारत के सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहें कि ये 340 लाख करोड़ भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करे और सुप्रीम कोर्ट इसकी घोषणा कर दे कि ये सच में देश की संपत्ति है, तो ये सारा पैसा वापस आ जाए। माने सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस पूरे पैसे को वापस मंगा सकता है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया है भूतकाल में, पहले ऐसा हो चुका है। आपको मैं याद दिलाता हूं, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था नरसिम्हा राव जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, उसका नाम था यूरिया घोटाला। उसमें बहुत सारे करोड़ों डॉलर भारत से दे दिए गए यूरिया खरीदने के लिए, लेकिन यूरिया नहीं आया, पैसे चले गए और वो जाके स्विस बैंक में जमा हो गए।
तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को उठाया और उन्होंने पूरी जांच कराई और सुप्रीम कोर्ट ने जांच वहां तक कराई कि ये पैसे गए कहां, पता करो। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीम गई तो स्विस बैंक में खाता मिला, पकड़ा गया, उसमें वो सारे पैसे आए। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उस खाते को सीज कराया, जब्त कराया, वो सारे पैसे भारत में वापस मंगाए और जिसके खाते में वो पैसे थे उसको जेल भेज दिया। तो हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर यूरिया घोटाले के पैसे को वापस मंगा लिया तो चारा घोटाले के पैसे को भी मंगा लेगा, गोफर्स घोटाले के पैसे भी आ जाएंगे, एनरॉन घोटाले के भी आएंगे, कॉमनवेल्थ घोटाले के भी आएंगे, ए राजा घोटाले के भी आएंगे, क्योंकि घोटाले घोटाले सब एक। तो इसी क्रम में हमने भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक केस दाखिल कराया है और खुशी की बात यह है कि वो केस सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। परम पूजनीय स्वामी जी के आशीर्वाद से उस केस को दाखिल किया है भारत के एक मशहूर वकील श्री राम जेठमलानी। अब बहस हो रही है। अच्छी बात यह हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है सरकार को और कहा है कि जल्दी से बताओ कि किसके कितने पैसे कहां हैं। अब सरकार के हाथ पर खुले, क्योंकि जिनके पैसे हैं वही सरकार चला रहे, समस्या तो ये है ना। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत कड़क हो गया इस मामले में। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में कड़क है। अभी थोड़े दिन पहले ये जो ए राजा घोटाला हुआ ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट की मदद से ही खुला, नहीं तो दबा दिया था इन्होंने। और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की कि इतने दिन से प्रधानमंत्री खामोश क्यों है, मौन क्यों है, बोलते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देते इसका। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत कठोर है इस मामले। शायद कोई बड़ी क्रांति होने की संभावनाएं पैदा हो रही, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एक बार बहुत कठोर हो गया था श्रीमती इंदिरा गांधी के मामले में। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी आप जानते हैं। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत ईमानदार जज, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, बहुत ईमानदार जज, ऐसे बहुत ईमानदार जज आज भी हैं लेकिन उस समय भी थे। उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के एक चुनाव में जो कुछ उन्होंने किया, भ्रष्टाचार घोटाला, वो खोल दिया पूरे देश हाई कोर्ट में। पता चला इंदिरा गांधी को जवाब देना मुश्किल हो गया देश के सामने, और हाई कोर्ट ने खोल दिया कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जो चुनाव श्रीमती गांधी ने जीता, माने वो घोटाला करके, बेईमानी करके जीता है। और कोर्ट की टिप्पणी इतनी कठोर थी कि श्रीमती गांधी को इस्तीफा देना पड़ा प्रधानमंत्री पद से। तो मुझे याद आ रहा है कि एक बार हाई कोर्ट ने भारत के प्रधानमंत्री को पद से उतारा, शायद अभी आने वाले समय में ये सुप्रीम कोर्ट ना करे इस काम को, ऐसा मेरा, क्योंकि ये राजा घोटाले में अभी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है, फैसला पूरा नहीं आया, पता नहीं क्या कड़क टिप्पणी करने वाला है सुप्रीम कोर्ट। और इतनी कठोर टिप्पणी हो कि प्रधानमंत्री को मुंह छुपाने को जगह ना मिले, तो ऐसा हो सकता। तो कोर्ट कई बार ये कठोरता दिखाता है, अच्छी बात है, होना चाहिए। तो हमारे मामले में भी कोर्ट ने कठोरता दिखाई और नोटिस दे दिया, फिर पता करो किसका कितना पैसा कहाँ है। तो सरकार की कई टीमें भागी हुई है इस समय विदेश, हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारी बहुत सारे गए हैं विदेश, ढूंढ रहे हैं कहाँ किसका कितना पैसा। अभी कोर्ट ने उनसे पूछा था कि अब तक कितना ढूंढा, तो अधिकारियों ने कहा 34 देशों में पैसे का पता चल गया, 36 में और पता चल गया है, माने कार्यवाही चल रही है। तो कब तक, तो सुप्रीम कोर्ट को कहा है सरकार ने एक साल लग जाएगा, तो ठीक है भाई एक साल में बताएंगे कोर्ट में। और एक साल बाद कोर्ट ये कहे कि ये सारा पैसा राष्ट्र की संपत्ति है, तो नेता चिल्लाएंगे, तो जो चिल्लाएंगे उनसे सुप्रीम कोर्ट ये पूछेगा कि अच्छा तुम सिद्ध करो ये तुम्हारी संपत्ति कैसे, तुम्हारे पिताजी इतना पैसा छोड़ गए थे क्या, तुम्हारी माताजी छोड़ गई थी क्या, तुम्हारे दादा दादी ने ये पैसा तुम्हें छोड़ दिया था क्या। क्योंकि एक एक नेता की जो संपत्ति है ना, हमने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं, 72,000 करोड़ की संपत्ति है एक ऐसे नेता की जो 25 साल पहले घर में साइकिल भी नहीं खरीद सकता था, उसकी संपत्ति 72,000 करोड़। एक नेता है 25 साल पहले जो सब्जी बेचता था मुंबई रेलवे स्टेशन पर, उसकी संपत्ति 55,000 करोड़।
एक नेता है जो 25 साल पहले सिनेमा का टिकट ब्लैक करते हुए कई बार पकड़ा गया, आज उसकी संपत्ति 45,000 करोड़ की। इनसे कोर्ट पूछ सकता है कि भाई बता दो कहां से आए। हम भी कहेंगे कि अगर ये कह रहे हैं हमारी संपत्ति तो बताएं भाई कहां से आए, सब्जी बेचने में 55,000 करोड़ कैसे मिलता है जरा बता दो, सिनेमा का टिकट ब्लैक करने में 43-45 हज़ार करोड़ कैसे हो जाता हमें भी बता दो। तो ये बेईमान नेता पता है क्या कह सकते हैं, एक बार ऐसा हुआ था हमारे देश में, एक बेईमान नेता है हिमाचल प्रदेश में, सुखराम ना, उसके गद्दे के नीचे से नोटों की गड्डियां निकली, 1,000-1,000 के नोटों की गड्डियां, और इतनी निकली कि लोग गिनने वाले हैरान परेशान। तो सुखराम को पूछा गया ये कहां से आई, तो सुखराम ने कहा ये ईश्वर ने दिया है। ये बेईमान नेता ऐसे ही जवाब देते हैं ईश्वर ने दिया है। तो भैया ईश्वर इतना अन्यायी और अत्याचारी कब से हो गया कि बेईमानों को देता है ईमानदारों को नहीं। तो ये नेता कह सकते हैं कि ये ईश्वर ने दिया, हमारे पास उसका जवाब तैयार है। अगर ये कोर्ट में कहते हैं कि ये ईश्वर ने दिया है तो हम कोर्ट को कहेंगे ये ईश्वर को ही समर्पित करो। ईश्वर ने दिया, ईश्वर को समर्पित किया, और हमारा ईश्वर है हमारा देश भारत माता, यही ईश्वर है, क्योंकि हम मानते हैं देश से बड़ा भगवान नहीं, क्योंकि सारे भगवान इसी देश के लिए पैदा हुए, वो श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, भगवान, हर भगवान इस देश के लिए आए, तो ये देश तो ईश्वर का ही है, तो ईश्वर को दे दो भाई, देश को दे दो, तुमने लूटा दे दो वापस, या ईश्वर ने तुमको दे दिया वापस दे दो। और ये नहीं करेंगे वापस तो कोर्ट है, कोर्ट के पास इतने कठोर कानूनों के रास्ते हैं कि ये सब नेता सरेंडर कर दें, या तो ये जेल में सड़ेंगे सबके सब, या तो ये सब पैसे वापस आएंगे। तो अच्छा है कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट की मदद से ऐसा लग रहा है, और एक साल तक हम इंतजार करेंगे और कोर्ट ऐसा करे, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, आप सब इसकी प्रार्थना में हमारे साथ शामिल रहें, एक साल के अंत में ये फैसला आ जाए, देश जीते और ये नेता हारे और 340 लाख करोड़ वापस आए। अगर किसी रास्ते से ये मामला रुक गया, क्योंकि नेता एक काम कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं ना उनके ट्रांसफर करा, जो ईमानदार जजेस के सामने ये केस है उनके यहां से ये केस छीन छान के बेईमानी से किसी तरह से दूसरी बेंच में चला जाए, ये वो कर सकते हैं, ये बेईमानी करने की उनके हाथ में ताकत है। तो हमारे मामले में भी ऐसा हो सकता है, हम ये पहले से मान के चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तब ये मामला पेंडिंग हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, तब हमारी दूसरी तैयारी है कि हम संसद में एक विधेयक पेश करवाएंगे फिर, और उसके लिए कई सांसदों से हमने बात कर रखी है और कई सांसद उसके लिए तैयार हैं जिनके पैसे नहीं है विदेश में। ऐसे भी कुछ सांसद है ना जिनके पैसे नहीं है, बेचारे भोले भाले सीधे साधे, तो वो तैयार है, वो कह रहे हैं हम विधेयक लाएंगे, अच्छा है वो लाएं, और वो विधेयक संसद में आए और संसद में फिर बहस हो, बहस वाले दिन हम ये देखेंगे कि विरोध कौन कौन कर रहा है, जो विरोध करेगा पक्की बात है बेईमान वही है, हरामी वही है, कमीना वही है, पैसे उसी, सारे देश को पता चलेगा, और एक दिन में पूरे देश को पता चलेगा कि कौन कौन भ्रष्ट और बेईमान संसद में है। अब संसद में ये हो सकता है कि बेईमान सांसद ज्यादा हो गए तो ये बिल को गिरा देंगे, और अगर ईमानदार ज्यादा हुए तो बिल पास होगा। कई लोग मुझे ये कहते हैं कि डर के मारे शायद कई सांसद विरोध ना करें क्योंकि पोल खुलेगी, तो बहुत अच्छा है विरोध ना करें तो बिल पास होगा, पैसे आएंगे, कानून बनेगा, अपने को क्या। अगर वो विरोध करेंगे और बिल गिरा दिया तब हमने तीसरा संकल्प लिया, और हमारा संकल्प है कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो भारत के 400 संसदीय क्षेत्रों से 400 ईमानदार सांसदों को हम जिताकर लाएंगे और फिर ये बिल। आप ये पूछ सकते हैं क्या हमारे 400 सांसद जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। कैसे जीतेंगे, एक सन्यासी ने इसके काम को पूरा करने का संकल्प लिया, और मैंने आपसे कहा सन्यासी का कोई संकल्प अधूरा नहीं रहता, और खुशी की बात यह है कि एक सन्यासी परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने तो ये संकल्प लिया ही है, 70 और भी बड़े बड़े संतों ने इसी संकल्प में अपना मंतव्य व्यक्त कर दिया,
70 बड़े संत है, नाम सुनाता हूं। परम पूजनीय स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी, उन्होंने कहा है कि मैं करूंगा ये काम 2014 में, अगर जरूरत पड़ेगी तो भारत के चुनाव क्षेत्रों में घूम घूम कर वो कह रहे हैं कि मैं ईमानदार सांसदों को जिता खिलाऊं। परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी, परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी, परम पूजनीय स्वामी जयेंद्र सरस्वती, शंकराचार्य कांचीपुरम, परम पूजनीय मुरारी बापू, परम पूजनीय सुधांशु महाराज, परम पूजनीय रमेश भाई ओझा, ऐसे 70 संतों ने तय कर लिया। और उनका कहना है ये पानी अब सिर से गुजर गया, अब खामोश नहीं बैठ सकते। जब देश जल रहा है भ्रष्टाचार की आग में, तो संत और सन्यासी मौन कैसे बैठ सकते। तो ये उतर पड़ेंगे और भारत में घूम जाएंगे तो इन सारे संतों के कुल भक्त इतने हैं पूरे देश में कि वो मिलके अगर वोट डाल दें तो 514 सांसद जीत जाएंगे। इसलिए ये काम तो हो जाएगा, सांसद से जीतेंगे, कानून तो बनवा लेंगे हम, और पैसे तो आ जाएंगे 340 लाख करोड़। फिर इसको गांव-गांव खर्च करना है विकास के काम में, तो हमने इसकी योजना बनाई है कि भारत में 6,38,365 गांव हैं, हर गांव में 100-100 उद्योग लगाएंगे। जैसे भारत के गांव में जहां कपास पैदा होती है वहां खादी बनाने का उद्योग लगाएंगे, जिन गांवों में भारत में गाय है तो गाय का मूत्र है, मूत्र से दवा बनाने का उद्योग गांव-गांव लगाएंगे। गाय बैल भैंस हैं जिन गांव में, करीब 48 करोड़ हमारे यहाँ पशु हैं, इनका गोबर इकट्ठा करेंगे, उसमें से गैस निकलती है, वो गैस को हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं ईंधन के रूप में, वो गैस से बिजली बना सकते हैं, वो गैस से गाड़ियां चला सकते हैं। ऐसे ही भारत में जहां आलू पैदा होता है वहां आलू का चिप्स, जहां टमाटर पैदा होता है वहां टमाटर की चटनी, जहां आंवला पैदा होता है एलोवेरा पैदा होता है, ये सब चीजों के उद्योग गांव-गांव, हर गांव में 100 उद्योग, और इसमें खर्च होगा मात्र 10 लाख करोड़ और रोजगार मिलेगा 67 करोड़ भारतवासियों को। इसलिए तो बेरोजगारी सारी खत्म, बेरोजगारी खत्म तो गरीबी कम, क्योंकि बेरोजगारी खत्म होगी लोगों के पास पैसे आएंगे, आमदनी होगी, गरीबी मिटेगी, और 10 लाख करोड़ में ये काम हो जाएगा। और रकम अपने पास 340 लाख करोड़, तो फिर आगे क्या, और 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो गांव-गांव सड़क बना देंगे, बिजली की व्यवस्था कर देंगे, हर गांव को 24 घंटे बिजली देनी है 4 लाख करोड़ खर्च होगा, हर गांव को सड़क देनी है 6 लाख करोड़ खर्च होगा, तो 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे बिजली हो गई सड़क हो गई, और 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो हर गांव में स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल और हर गांव के किसान के खेत को साल भर पानी। अभी भारत में मात्र 40% किसानों को ही पानी मिला है, 60% किसान तो बिना पानी की खेती करते, उनको भी पानी मिलेगा तो खेती का उत्पादन तो दोगुना होगा और किसानों की समृद्धि बढ़ेगी। और इस पानी के लिए हम एक ही काम करेंगे, बारिश की एक एक बूंद इकट्ठी करेंगे हर गांव, क्योंकि भगवान हमको हर साल इतना पानी देता है वो सब बेकार चला जाता है समुद्र में, उस पानी को हर गांव में ही हम इकट्ठा कर लें, तालाब बनाकर सरोवर बनाकर। ये सब काम करने में 30 लाख करोड़ खर्च होगा, फिर शहरों का विकास करें तो और 10 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ में पूरा देश अच्छा हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, समृद्धशाली और विकसित हो जाएगा। फिर भी 300 लाख करोड़ बचेगा, अब क्या करें उसका, विकास तो हो। तो हमने उसकी योजना बनाई है कि उसको बैंक में जमा करें फिक्स डिपॉजिट में 300 लाख करोड़, तो उसका एक साल का ब्याज आएगा 30 लाख करोड़, और ये हमारे साल के खर्चे से 3 गुना ज्यादा है। हमारा एक साल का खर्च है 11 लाख करोड़ और अपने को ब्याज आएगा 30 लाख करोड़, तो हम पूरे देश के हर व्यक्ति का टैक्स माफ कर दें, टैक्स लेने की जरूरत नहीं, और टैक्स माफ करेंगे तो महंगाई खत्म, और टैक्स खत्म हुए तो बेईमानी सब खत्म। आप जानते हैं इनकम टैक्स खत्म होते ही काला धन खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी रहेगा ही, सब कुछ वाइट हो जाएगा, और इनकम टैक्स खत्म होगा, सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सब टैक्स खत्म होंगे तो चीजें इतनी सस्ती होंगी। मैं अभी आपको कुछ बताता हूँ, जैसे पेट्रोल अभी 60 रुपए लीटर है, फिर होगा 16 रुपए लीटर, डीजल अभी 40 रुपए लीटर है, फिर होगा 7 रुपए 50 पैसे लीटर, एलपीजी सिलेंडर अभी 370 रुपए का है, फिर खाली 70 रुपए का मिलेगा, हमें अभी केरोसिन मिलता 20 रुपए लीटर, वो 3 रुपए लीटर हो जाए, आप अभी नमक 8 रुपए किलो लेते हैं वो 50 पैसे किलो हो जाए, आप बस में 100 रुपए का टिकट खरीदते हैं वो 27 रुपए का हो जाएगा, रेल का 100 रुपए का टिकट 22 रुपए का हो जाए, हवाई जहाज से आप अमेरिका जाते हैं 1 लाख खर्च होता आने जाने में, वो 12,000 का रह जाएगा फिर टिकट,
आपके बेटा या बेटी को इंजीनियरिंग आईआईटी में भेजें, 5 लाख खर्च होता है, फिर वो 70,000 में ही इंजीनियरिंग पढ़ लेंगे। अभी भी एमबीबीएस एमडी में 40 लाख खर्च होता है, फिर वो 4 लाख में ही हो जाए। शिक्षा सस्ती होगी, हर एक व्यक्ति को इलाज कराना सस्ता होगा। आप अभी घर बनाए बिलासपुर में 10 लाख का, वो घर बनेगा 3 लाख का, टैक्स खत्म होने के बाद। क्योंकि अभी जो सीमेंट आता है 250 रुपए बैग, वो आएगा 72 रुपए पर बैग। जो लोहा है 50 रुपए किलो, वो आएगा 12 रुपए किलो। जो ईंट है 5 रुपए की, वो आएगी 90 पैसे। टैक्स कम होते ही सब चीज सस्ती हो, घर बनाना सस्ता, घर चलाना सस्ता, शिक्षा सस्ती हो जाएगी, इलाज सस्ता हो जाएगा, हर आदमी आसानी से अपना काम चला पाएगा। और आपको एक बढ़िया बात बताता हूं अर्थशास्त्र की, कि जितने टैक्स कम हो जाते हैं आमदनी उतनी बढ़ जाती है। अगर हम भारत के लोगों के 70% टैक्स खत्म करें तो भारत के हर आदमी की आमदनी 70% बढ़ जाएगी। और आमदनी बढ़ेगी लेकिन खर्चा नहीं बढ़ेगा, तो लोग क्या करेंगे, बैंकों में जमा करेंगे, तो बचत बढ़ेगी। हमने हिसाब जोड़ा कि अभी भारत की जितनी बचत है वो अगर हम 40% तक ले जाएं जीडीपी का, तो भारत तो चीन और अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। ऐसा देखते हैं ना, चीन हमारे टक्कर में खड़ा हो पाएगा ना अमेरिका, अगर हमने हमारी बचत 40% बढ़ा दी जीडीपी। और एक बड़ा काम होगा, जब टैक्स खत्म होंगे तो वस्तुएं सस्ती होंगी, तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाएंगे और एक्सपोर्ट की आमदनी बढ़ जाएगी। आज चीन सारी दुनिया पे छाया हुआ है, कैसे, सस्ती चीजें बेचकर। चीन का एक्सपोर्ट सारी दुनिया में है क्योंकि वो सब चीजें सस्ती बनाते हैं। हम चीन से भी सस्ती बना सकते हैं और वही स्थान हमारा हो सकता है पूरी दुनिया में। हमारा सपना है कि अंग्रेजों के आने के पहले पूरी दुनिया में भारत का 33% एक्सपोर्ट होता था, और अब फिर से इसी 33% एक्सपोर्ट तक हम भारत को लेके जाएंगे। और एक काम करेंगे, जब भारत देश में टैक्सेस खत्म होंगे ना, तो कोई आदमी के एक पैसे की बेईमानी नहीं करेगा। जब इनकम पे टैक्स नहीं होगा तो इनकम को कोई छुपाएगा नहीं, सब लोगों की इनकम खुल जाएगी, ठीक है, ब्लैक मनी बाहर आ जाए। जब सेंट्रल एक्साइज नहीं होगा तो कोई प्रोडक्शन नहीं छुपाएगा। आज क्या होता है, कोई 100 करोड़ का उत्पादन करता है और बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं 40 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़। क्यों? क्योंकि उनको टैक्स बचाना। जब टैक्स होगा ही नहीं तो कोई छुपाएगा नहीं, ना बिक्री छुपेगी, ना उत्पादन छुपेगा, ना आमदनी। और ये सब खुल गया तो हर व्यापारी, हर उद्योगपति ईमानदार, और जब व्यापारी उद्योगपति ईमानदार तो सारा देश ईमानदार, तो ईमानदारी अपने आप आएगी, बुलाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आएगी। और एक बड़ा फायदा होगा, जब ब्लैक मनी नहीं रहेगी बाजार में तो कोई नेता चुनाव नहीं जीत पाएगा ब्लैक मनी की ताकत। हर नेता को चुनाव जीतने के लिए ईमानदार होना ही पड़ेगा, चरित्रवान होना ही पड़ेगा। बिना चरित्रवान हुए, बिना ईमानदार हुए कोई नेता नहीं जीत पाएगा, क्योंकि ब्लैक मनी है ही नहीं, सब मनी व्हाइट हो गई, तो सारे घोटाले जो नेता करते हैं इलेक्शन में वो बंद होंगे। ये पैसे से जो वोट खरीदने का चक्कर है ना, ये एक झटके में खत्म हो जाए, ना कोई वोट खरीद सकेगा, ना कोई वोट बिकेगा। और एक बड़ा काम होगा वो ये, कि जब चरित्रवान और ईमानदार लोग संसद में जाने लगेंगे तो वैसे ही भ्रष्टाचार कम होगा, बेईमानी कम होगी, आदर्श ज्यादा आएगा। अभी क्या है, एक एक से महाभ्रष्ट ठग और डकैत संसद में जाते हैं। हाँ, ठगी कर रहे हैं, डकैती डाली जिन्होंने, वही संसद में बैठे, फिर उल्टा हो जाएगा, एक से एक ईमानदार और चरित्रवान संसद में जाए। फिर एक काम और करना है हमको, कि भारत की बहुत सारी जमीन विदेशियों के कब्जे में है, 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी चीन के पास है और 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के पास है, ये भी हमें वापस लेना है। और इसके लिए क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर ये जमीन वापस लेनी है। कैसे आएगी, इस जमीन को वापस लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पास कराना, उस प्रस्ताव को पास करने के लिए 70 देशों का समर्थन चाहिए। तो हमने योजना बनाई है कि भारत के पड़ोस में जो 70 देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया आदि आदि, ऐसे 70 देशों की हम पहले मदद करेंगे। पैसे अपने पास बहुत हैं, हर साल 30 लाख करोड़ की आमदनी है और 11 लाख करोड़ का हमारा खर्चा है, 19 लाख करोड़ हर साल बचेगा, उसमें से पड़ोसी देशों को मदद करेंगे, पाकिस्तान को नहीं करेंगे, पाकिस्तान चीन को भी नहीं करेंगे, बाकी सबको करेंगे।
और ये मदद करेंगे तो वो देश हमारे मित्र बनेंगे और उनकी मित्रता से हम संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पास करा लेंगे। और एक प्रस्ताव हमने कराया चीन से आने वाली जमीन का, दूसरा कराएंगे पाकिस्तान के पास जो हमारा कश्मीर है, ये दोनों आएगा। और ये आने के बाद तीसरा एक प्रस्ताव और कराना कि पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के अड्डे चल रहे हैं वो ध्वस्त कर, और उसके लिए जरूरत पड़े तो 70 देशों की सेना जाएगी और वो ध्वस्त करेगी उन पाकिस्तानी आतंकवादियों के अड्डों। भारत वैसे कर सकता है, लेकिन भारत करेगा तो पाकिस्तान चिल्लाएगा बहुत, और जब 70 देश करेंगे तो पाकिस्तान छू नहीं बोले, जैसे अभी हो रहा है ना अफगानिस्तान में, इराक में 70 देशों की आर्मी है आतंकवादियों से लड़ रही, यही आर्मी पाकिस्तान चली जाएगी, बस संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव होना और उसके लिए 70 वोट चाहिए। वो हमने व्यवस्था कर ली कि अपने पास इतने पैसे हैं कि हम पड़ोसी देशों को भी मदद करेंगे। और वैसे भी भारतीय संस्कृति कहती है अपने घर में उजाला करके पड़ोसी के घर में जरूर करना चाहिए, तो हम गरीबी भुखमरी बेकारी से बाहर को निकाल लेंगे अपने देश को, तो फिर पड़ोसी देशों की भी मदद करेंगे, ये हमारी परंपरा है, ये संस्कृति भी। लेकिन मदद उन्हीं की करेंगे जो सच में हमारे मित्र हो सकते हैं, पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के नहीं, चाइना जैसे देश के। और एक आखिरी काम करना है कि भारत में अंग्रेजों के बनाए हुए जो पुराने कानून है 34,735 ये सब बदलने, सबसे पहले बदलना है हमको आईपीसी इंडियन पिनल कोड, क्योंकि ये आईपीसी नहीं है, ये आयरिश पिनल कोड है, इंडियन पिनल कोड नहीं है। आपको मालूम आयरलैंड को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने जो कानून बनाया आयरलैंड पे लागू करा, वही भारत पे लागू, हम गलती से उसको इंडियन पिनल कोड कहते हैं, वास्तव में वो आयरिश पिनल कोड है। और इसकी ड्राफ्टिंग जिस व्यक्ति ने की है उसका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, उसने कहा है, अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी, उसने कहा है कि भारत में अगर आईपीसी आ गया और चालू हुआ माने लागू हुआ तो एक भी भारतवासी को कभी न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कानून है ही नहीं न्याय देने के लिए, ये तो अन्याय करने के लिए बनाया, गुलाम देशों पर अन्याय किया जाता है इसके लिए। इसी तरह से सीआरपीसी है, सीपीसी है, आपको मालूम है कि ये कानून लगभग 200 साल पुराने, 140 साल 150 साल हो गए, कई कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, हम क्यों लगाए इन कानूनों को, इनको बदलना ताकि न्याय मिले। और न्याय व्यवस्था को ऐसा ठीक करना है कि 3 महीने से ज्यादा किसी मुकदमे को ना लगे फैसला होने, हर मुकदमे का फैसला 3 महीने में आ जाए, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, ऐसी न्याय व्यवस्था बनाए। न्याय व्यवस्था कुछ ऐसी बनानी है, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, हमारे यहाँ एक राजा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके राज्य में 2 माताएं आई थी, एक बच्चा था 2 माँ थी, एक कह रही थी मेरा बच्चा, दूसरी कह रही थी मेरा बच्चा। तो राजा ने कहा तलवार लाओ, आधा आधा काट दो, आधा एक को दे दो आधा दूसरे को। तो जैसे ही तलवार आई तो असली माँ चिल्लाने लगी कि नहीं काटो मत, पूरा का पूरा दूसरी माँ को दे दो, कम से कम जिंदा तो रहेगा। राजा समझ गया असली माँ यही है, तो नकली माँ से बच्चा छीन के असली माँ को दे दिया, पूरे मुकदमे का फैसला 2 मिनट में हो गया। ऐसी हमें न्याय व्यवस्था चाहिए। आज की जो हमारी न्याय व्यवस्था आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी, इस व्यवस्था में अगर यही मुकदमा लेके आप आ जाओ, 2 माताएं और 1 बच्चा, तो मैं चैलेंज देता हूं 40 साल तक फैसला नहीं आएगा, नीचे से ऊपर तक हम लड़ते रहेंगे, 40 साल में दोनों माताएं मर जाएंगी, बच्चा भी बड़ा होके जवान हो जाएगा, फैसले नहीं आएंगे, क्योंकि कानून बहुत रद्दी है। और हमारी अदालत जो है ना कानून के आधार पर फैसले देती है, न्याय नहीं करती। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि अदालत न्याय करती है, वो कानून के आधार पर फैसला देते हैं, फैसला होना अलग बात है, न्याय होना बिल्कुल अलग बात है। एक उदाहरण दूं, गाय को डंडे से मारो तो कानून कहता है जेल हो जाएगी, लेकिन उसी गाय को कत्ल कर दो तो कुछ नहीं हो, क्योंकि कानून ऐसा है गाय का कत्ल किया जा सकता है इस देश में। तो अगर कानून ऐसा है कि जिसमें गाय के कत्ल को करने की खुली छूट है लेकिन गाय को मार नहीं सकते, अब इस कानून के आधार पर अदालत क्या न्याय करेगी, जरा बताओ, न्याय तो होगा ही नहीं। एक बच्चा है जिसको जन्म लेने से पहले मार दो तो गर्भपात है, जन्म लेने के बाद मारो तो हत्या है, कानून ऐसा है, अदालत क्या करेगी, इसे जैसा कानून है वैसा फैसला है। तो अदालतें कानून के आधार पर फैसले करती हैं, और कानून गलत है तो फैसले भी गलत होते हैं, इसलिए कानून बदलने, और 34,735 कानून बदलने, उनकी पूरी लिस्ट हमने बना रखी है।
और उसकी प्रायोरिटी फिक्स की है, सबसे पहले कौन सा बदलना, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर नए कानून बनाने हैं। तो नया न्याय, और न्याय ऐसा जो 3 महीने में सबको दिखे और मिले। सालों साल मुकदमे नहीं चलेंगे, 3.5 करोड़ मुकदमे इस समय पेंडिंग है हमारी अदालतों में, अफसोस की बात। ये हमें ठीक करना है, फिर पुलिस व्यवस्था को ठीक करना है, फिर हमारी ये जो सिविल सर्वेंट्स की अव्यवस्था है, ICS, IRS, IES, ये सबको ठीक करना है। और अंत में एक काम करना है ये सब करते हुए, कि अंग्रेजों ने भारत में से जो धन लूटा वो सब वापस लाना। अंग्रेजों ने हमारा कोहिनूर हीरा लूटा, अंग्रेजों ने हमारा सोने का सिंहासन लूटा, अंग्रेजों ने हमारे देश में से इतना सोना लूटा है। एक अंग्रेज आया था रॉबर्ट क्लाइव, 1757 से 1763 में वो पानी के 900 जहाज भर के सोना ले गया, 900 ships। और उतना गोल्ड अगर हम वापस ले आए तो ये 450 लाख करोड़ का है आज। तो ये सब लाना है, और ये लाएंगे कैसे? लंदन में रखा है ये सब, हमारा कोहिनूर हीरा रखा है, हमारे कोहिनूर हीरे जैसे 4,500 हीरे रखे हैं लंदन के म्यूजियम्स। अंग्रेज पता है दुनिया में क्या कहते घूमते, वो कहते हैं ये सब भारत में हमको गिफ्ट में दिया। हाँ, हम सिद्ध करेंगे कि उन्होंने लूट लिया यहां से। और इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी हम कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय अदालत है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहां एक केस हम तैयार कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और उसमें प्रमाण हम देंगे और ये सब लूटा हुआ वापस लाएंगे। और ये जिस दिन आ गया 450 लाख करोड़ का सोना, उसी दिन भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर हो गया। आज भारत का रुपया डॉलर से कमजोर है, जिस दिन ये 450 लाख करोड़ का सोना आएगा उसी दिन रुपया डॉलर से बड़ा हो जाए। आज $1 में 45 रुपए है, फिर 1 रुपया हो जाएंगे। और रुपया ताकतवर हुआ तो हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस समय 8 लाख करोड़ का, वो हो जाएगा 400 लाख करोड़। और एक बड़ा काम होगा, जब रुपए की ताकत बढ़ेगी तो जो भारतवासी अमेरिका में जाके सेटल हुए ये वापस आएंगे सब, क्योंकि ये अमेरिका गए इसलिए कि $1 में 50 रुपए, अब हो जाएगा $1 में $5। तो क्या करेंगे, वहां वापस आएंगे, और वो आएंगे तो उनकी बुद्धि आएगी, उनकी अकल आएगी, और उनकी बुद्धि और अकल से नई टेक्नोलॉजी बनेगी, नई मशीनें बनेंगी। अमेरिका की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था नासा में 36% वैज्ञानिक भारत के हैं। अगर ये सारे वापस आ जाएं तो हम तो नासा जैसी कई संस्थाएं बना देंगे। तो भारत तकनीकी में भी आगे जाएगा, प्रोडक्शन में आगे जाएगा, एक्सपोर्ट में आगे जाएगा, नए कॉलेजेस बनाएंगे, इंस्टीट्यूशन खड़े करेंगे। एक जमाना था जब तक्षशिला, नालंदा यहां हुआ करते थे और दुनिया के हजारों बच्चे पढ़ने आते थे, फिर ऐसा ही होगा, अमेरिका, यूरोप और दुनिया के लोग यहां पढ़ने आएंगे, और ना सिर्फ पढ़ने आएंगे बल्कि नौकरी मांगने आएंगे। शुरुआत तो हो गई है, अमेरिका का राष्ट्रपति तो आ गया नौकरी मांगने, अब वहां के लोग भी आएंगे। ये भारत अभी बनेगा और अमेरिका और चीन से आगे जाएगा, क्योंकि भारत का अब ये सारा समय अच्छा होने का शुरू हुआ है, और एक सन्यासी ने इसका संकल्प लिया है, और सन्यासी जब भी संकल्प लेते हैं ये सब होता है। मैं आपको 2 पुराने उदाहरण दूंगा सन्यासियों के। एक हमारे सन्यासी थे परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने एक संकल्प लिया कि भारत स्वतंत्र होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, और ऐसे समय में संकल्प लिया जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों का साम्राज्य दुनिया के 70 देशों में था। तब परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती का संकल्प हुआ। परिणाम क्या हुआ, उस संकल्प को पूरा करने के लिए ईश्वर ने 7,32,780 क्रांतिकारियों को भेजा इस देश में। नाना साहब पेशवा, तांतिया टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, वासुदेव बलवंत फड़के, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम उधम सिंह, ऐसे 7,32,780 क्रांतिकारी पैदा हो गए। ये ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं था, और उन्होंने लड़ा अंग्रेजों से और देश को आजाद कराया। तो संकल्प एक सन्यासी का था और काम क्रांतिकारियों ने किया। ऐसे ही एक बड़े सन्यासी थे समर्थ गुरु रामदास, उन्होंने एक बार संकल्प लिया था औरंगजेब नाम के अत्याचारी शासक को खत्म करना। औरंगजेब बहुत अत्याचारी था, 60,000 मंदिर तोड़े उसने, लाखों हिंदुओं को कत्लेआम किया, गर्दन से काटा,
और जो हिंदू मुसलमान नहीं बनते थे उनका जनेऊ काटता था, चोटी काटता था, गर्दन काटता था, हिंदुओं के ऊपर टैक्स लगाए, जजिया कर, ये सारे अत्याचार 50 साल किए उसने। उस औरंगजेब को खत्म करने का संकल्प एक सन्यासी ने लिया था, समर्थ गुरु रामदास, और ईश्वर ने वो संकल्प पूरा करने के लिए दो क्रांतिकारी पैदा कर दिए। एक थे छत्रपति शिवाजी महाराज, दूसरे थे गुरु गोविंद सिंह। ये गुरु गोविंद सिंह वही थे जो सिखों के 10वें गुरु बने। ये गुरु गोविंद सिंह वही थे जिनके बच्चों को औरंगजेब ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया। उन्होंने इसकी परवाह नहीं की अपने बच्चों की, परिवार की, वो लड़े लड़े और लड़ते ही रहे, और इसी तरह छत्रपति शिवाजी लड़ते। और एक दिन आया कि औरंगजेब का शासन खत्म हुआ, औरंगजेब मरा, वो उसका शासन खत्म हुआ, और ऐसा खत्म हुआ उसका शासन कि आज उसके वंश में दीपक जलाने वाला कोई नहीं। सन्यासी का श्राप ऐसा होता है, वंश खत्म हो गया पूरा, मुगलिया वंश खत्म हो गया, आज कोई नहीं है पूरी दुनिया। तो सन्यासी ऐसे होते हैं। अब फिर एक सन्यासी आए हैं परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, और मुझे लगता है ईश्वर ने ही भेजा है, बिना ईश्वर की कृपा के ऐसे करने नहीं। और वो हम सबको इकट्ठा कर रहे, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया, वैसे ही हमको इकट्ठा कर। और उन्होंने संकल्प लिया है कि भारत को सोने का शेर बनाना है, विश्वगुरु बनाना है, जगतगुरु बनाना है, वैभवशाली समृद्धशाली बनाना है, गरीबी भुखमरी बेकारी को मिटाना है, बीमारियां और बुराइयों को हटाना है। तो ये संकल्प एक सन्यासी ने लिया और हम सबको ईश्वर ने यही काम करने के लिए भेज दिया है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप और मैं शायद 1857 के बिछड़े हुए क्रांतिकारियों की ही आत्माएं हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप 3.5 घंटे से ये सब सुन नहीं रहे हो। मैंने अभी घड़ी देखी, 3.5 घंटा हो गया मालूम, 3.5 घंटे। प्रधानमंत्री का भाषण कोई 20 मिनट नहीं सुनता इस देश में, आप 3.5 घंटे से सुन। कारण उसका एक ही है कि आपको ईश्वर ने कोई प्रेरणा दी है और मुझे भी ईश्वर ने प्रेरणा दी। आप सुन रहे हैं मैं बोल रहा हूं, शायद मैं आपके दिल की बात बोल रहा हूं इसलिए आप सुन रहे हैं। तो ये ईश्वर की प्रेरणा है कि हम सब इकट्ठे हुए, और ये ईश्वर की योजना है कि हम सब देश में एक बड़ी क्रांति के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उसी योजना के तहत सन्यासी को भेजा है। जैसे कभी महर्षि दयानंद सरस्वती आए, वैसे ही अब परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी। और संयोग ऐसा है कि दोनों एक ही परंपरा के सन्यासी, जिस परंपरा के महर्षि दयानंद सरस्वती थे उसी परंपरा के परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी। तो ये तो बड़ी कोई योजना है। अब इस योजना में आपको जुड़ना है और हम सबको लगना है, और आप इसमें सहयोगी बने। कैसे बनेंगे आप? भारत स्वाभिमान के सदस्य बने। इसके लिए 11 रुपए का दान देके आप सदस्य बन सकते हैं। हमारे सभी योग शिक्षकों को हमने रसीद बुक दे रखी, आप उसको ले लें, भरे, 11 रुपए दान देके सदस्य बन जाए, और 100 लोगों को, 500 लोगों को प्रेरित करें, वो भी सदस्य बने। ऐसे भारत में 18 से 20 करोड़ सदस्य बनाने हैं, और ये जो जिला है बिलासपुर, इसमें हमें 10 से 15 लाख सदस्य बनाए, और स्वयं परम पूजनीय स्वामी जी इस कार्य के लिए बिलासपुर आ रहे हैं जनवरी के महीने में, और उनका एक बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है 30 जनवरी 2011। बड़ा शिविर होगा उनका, योग प्राणायाम आयुर्वेद का, आप सब उसमें आए, हजारों की संख्या में दूसरों को भी लाए, क्योंकि ये निःशुल्क है, किसी के लिए भी है, सबके लिए खुला है, गरीब हो या अमीर, करोड़पति करोड़पति, सबके लिए खुला है। तो आप आए, हजारों और लोगों को लाए, और उस दिन हजारों की संख्या में आप जुड़े भारत स्वाभिमान से, तो उनको भी आनंद होगा स्वामी जी को, आपको भी खुशी होगी। आप चाहेंगे तो वैसे आज भी आप सदस्य बन सकते हैं। आप बाहर जाएंगे तो हमारे कार्यकर्ता हैं, स्टॉल लगा रखा है, वहां पे फॉर्म है, रसीद है, आप ले जाएं, उसको भरें और दूसरों को भी प्रेरित करें। यही भावना लेकर मैं आपके बीच आया, और आपसे मेरी विनती है, प्रार्थना है कि आप इसमें जरूर जुड़े। आने वाला समय भारत का है, और एक बड़ी भारी भारत में क्रांति की तैयारी है। हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों भारतवासी जो भारत में है, भारत के बाहर है, वो तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे साधु संत इस कार्य में जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ा आवेग इस देश में पैदा हुआ है, और अच्छी बात ये हुई है कि सारे भ्रष्ट नेता और सारे भ्रष्ट अधिकारी इस समय कांप रहे हैं, परेशान हो। रोज हमको फोन आते हैं, पूछते भाई क्या करने वाले हो, क्या करने वाले।
हम कहते हैं भाई देख लेना, चार साल बाद जो भी कुछ करेंगे, अभी क्या बताएं हम क्या करने वाले। तो वो परेशान है, उनको परेशान होना ही चाहिए, क्योंकि बेईमानों को और दुष्प्रवृत्ति वाले को परेशानी होना चाहिए, और जो सज्जन है और देश के लिए काम करते हैं वो सबको निर्विघ्न काम करने की तैयारी करनी है। तो आप और मैं, हम सब इस काम में जुड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरों को भी आप इसमें जोड़ेंगे, सदस्य बनेंगे और दूसरों को बनाएंगे। परम पूजनीय स्वामी जी के 30 जनवरी के शिविर में आप सब आएंगे, ये भावना व्यक्त करते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। हम यहाँ से उठेंगे तो भारत माता की जय बोलकर उठेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।